जी हाँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का थ्योरी पढ़ना है ठीक है जिंदगी का वो लम्हा वो फल जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था एक दो लोगों ने कमेंट भी किया था कि थ्योरी पोर्शन कवर होगा या नहीं होगा बिल्कुल होगा क्योंकि हमें पूरा करना है हमने अभी तक सिक्सटी क्वेश्चन कर लिए हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंड दैट इज प्योरली प्योरली प्रैक्टिकल जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग अगर किसी के मन में डाउट है रहना चाहिए किसी के मन में नहीं है तो मन को बदल दो और उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट ना ओके थ्योरी करेंगे थ्योरी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एनी गैसेस कोई बता पाएगा एक दो होगा क्या दो तीन चार पाँच छः दस बीस तीस चालीस टोटल फोर्टी फाइव है और टू क्वेश्चन हमारे पास एग्जिमशन्स के हैं वो भी बेसिकली थ्योरी ही हैं सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है फोर्टी फाइव कितने फोर फाइव मतलब पैंतालीस ठीक है और वो हम लोग करेंगे इस वीडियो में पैंतालीस क्वेश्चन आराम से इज्जत से प्यार से धीरे धीरे एक एक करके और कैसे बोलूँ करना है तो करना है थ्योरी है मज़ा आएगा छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे फटाफट करते करते निकलेंगे जहाँ पे रिपीटेटिव रहेगा उसको थोड़ा कम टाइम देंगे जहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा जम के एक्सप्लेन किया जाएगा क्या किया जाएगा जम के दबा के एक्सप्लेन किया जाएगा एक एक वर्ड समझाया जाएगा जिससे कि आप भी बोलोगे वाह वाह मोदी जी वाह मोदी जी चलिए शुरू करते हैं अच्छा क्वेश्चन uh, बेसिकली मैं ये बता दूं कि थ्योरी में हमारे पास टॉपिक वाइज अगर देखा जाए तो कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन हमारे पास ऑलमोस्ट ट्वेंटी के आसपास आई गेस येस जॉइंट अरेंजमेंट के पा पे हमारे पास नाइनटीन क्वेश्चन हैं एंड वी हैव क्वेश्चन ऑन एसोशिएट एंड दैट इज अप टू माइनस कर लो सिक्स आया कैलकुलेशन अगर पूछ रहे हो तो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इधर से वन ले लिए ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी प्लस फाइव फोर्टी फाइव बैलेंसिंग फिगर एसोसिएट बोल रहा बैलेंसिंग फिगर मुझे मत बताओ क्योंकि इसके ऊपर हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया है अगर आपने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो वो ऑलमोस्ट टू आवर थर्टी एट थर्टी नाइन मिनट का वीडियो है जिसमें हमने छ क्वेश्चन किए हैं छः क्वेश्चन किए हैं और वो भी है स्पेसिफिकली एसोशिएट की ट्रीटमेंट के ऊपर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ डू राइट नाउ बहुत लोग बोल रहे चलिए शुरू करते हैं आ, आ, हमारा एजेंडा है थ्योरी करना है हमें जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे भाई मिल के करेंगे एकदम करना है तो करना है क्लियर है अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर स्प्राइट पीने से नहीं होगा क्वेश्चन करने से होगा और क्लियर सी एग्जाम्स को सब्सक्राइब करने से होगा इफ़ यू हेवेंट सब्सक्राइब प्लीज रू हिट द सब्सक्राइब बटन प्लीज ओके एंड इफ यू हैव डन इट सो आई कैन मेक यू दिस थैंक यू एंड आई विल ट्राई आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस वेट वेट जस्ट अ सेकेंड लेट्स सी इफ दैट इज या थैंक यू स्कूल ना ओके सो लेट स्टार्ट सो द क्वेश्चन इज क्वेश्चन में पहला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल मतलब क्या होता है कि ये कार है कार बनाए ये कार हो गई हाँ ऐसे वाली कार है और इसमें स्टेयरिंग है ठीक है अरे भाई साहब चला रहे हैं क्या बना दिया मैंने तो इनके पास क्या है कंट्रोल है स्टेयरिंग पे बैठे हैं दैट इज वाई ही हैज़ अ कंट्रोल ओवर इट वैसे ही एक रिलेशन होता है इन्वेस्टर बोल के एक आदमी होता है और एक आदमी बोल के होता है इन्वेस्टी समझ पा रहे हो क्या इन्वेस्टर इन्वेस्टी समझ में आ रहा है क्या समझ में आएगा ओके okay, मैं बताता हूँ इन्वेस्टर वो आदमी होता है जिसके पास बहुत रुपया रहता है वो बोलता है हम लगाएंगे कहीं ना कहीं मेरे को इन्वेस्ट करना है तो करेगा तो इन्वेस्टर बन जाएगा ठीक है इन्वेस्टर मीन्स द वन हो इन्वेस्ट बेसिकली और इन्वेस्टी मैं एग्जांपल लेके बता दूं क्या मान लो कि ये मिस्टर अंबानी है आई नो अभी अम्बानी जी को बहुत पैसा मिल रहा है लेकिन अंबानी जी ने भी तो किसी को पैसा दिया होगा फॉर एग्जाम्पल ये अंबानी जी हैं और ये हैं एन और एन में कौन रहता है मोदी जी हैं ठीक है तो यहाँ पे दिया जाता है डोनेशन सो दैट डज डोनेशन इज इन्वेस्टमेंट आंसर इज नो बट मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल अंबानी जी ने खूब दबा के पैसा दिया डोनेशन में पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम कुछ भी हो सकता है हमने यहाँ पे एन ए लिया है ठीक है तो ये क्या है इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर रिटर्न्स के लिए और जितना ज़्यादा ये इन्वेस्ट करेंगे उसमें पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देंगे उतना कंट्रोल उनका बढ़ता जाएगा मान लीजिए ये पॉलिटिकल पार्टी टू करोड़ कलेक्ट करती है एज अ डोनेशन और उसमें से मोर देन थाउजेंड करोड़ अंबानी जी का है ठीक है तो इनके पास कंट्रोल आया कि नहीं आया आया कंट्रोल आ गया भाई पूरा सरकार चला रहे हैं जो एग्रीमेंट पास कराना हो जा रहा है ठीक है तो ये हो गई इन्वेस्टर और ये हो गई ये पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास अभी गवर्निंग पावर है इंडियन गवर्नमेंट जो चला रही पॉलिटिकल पार्टी वो हो गई इन्वेस्टिंग ठीक है और इसका और अच्छा से एग्जांपल अगर देना हो तो अभी अंबानी जी को हम लोग रोल चेंज कर देते हैं अंबानी जी के पास कौन कौन आ रहा है फेसबुक ने पहले इन्वेस्टमेंट किया ऑलमोस्ट टेन परसेंट फिर बहुत लोग आए बट मेजर इन्वेस्टमेंट फिर गूगल से आई आराम को जो कि मोस्ट वैल्यूड एनर्जी सेक्टर की uh, uh, कंपनी है और अभी शायद अंबानी सेकंड नंबर पे आ गया है सॉरी रिलायंस रिलायंस लिमिटेड सेकंड नंबर पे आ रहा है तो आरामगो का भी पैसा लगा हुआ है और इंटेल का भी पैसा लगा हुआ है और क्वालकम का भी पैसा लगा हुआ है तो भाई साहब ये सारे लोग जो पैसा लगा रहे हैं वो हैं इन्वेस्टर और ये हैं इन्वेस्ट इन्होंने टेन परसेंट शेयर ख़रीदा इन्होंने सिक्स परसेंट फाइव सिक्स परसेंट और इन्होंने वन टू टू थ्री परसेंट सेम यहाँ पे तो वन परसेंट टू परसेंट ऐसा कुछ था तो क्या इनके पास कंट्रोल आ गया क्या आंसर इज़ नो कंट्रोल इनके पास अभी नहीं आया है तो कंट्रोल कैसे आता है हम लोग देखेंगे जो हमारा पहला थाट रहता है कि फिफ्टी से ज़्यादा अगर आपके पास शेयर होल्डिंग है तो उसको बोलते हैं मेजोरिटी वोटिंग राइट आपके पास है क्या है मेजॉरिटी वोटिंग राइट तो आपके पास कंट्रोल है ये बहुत बड़ा मिथ है क्योंकि ऐसे जनरली uh, जनरली आप बोल सकते हो कि 50 परसेंट से ऊपर है तो आपके पास शेयर होल्डिंग है लेकिन ऐसा नहीं होता एज़ अ सी फाइनल स्टूडेंट यू शुड नेबर टेल ऑल जो हमने वीडियोज में हमेशा बोला है कि जनरली फिफ्टी परसेंट से ज्यादा है तो देन ही हैज अ पावर ओवर अदर इन्वेस्टिंग सो तो कैसे कंट्रोल आएगा फिफ्टी परसेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो क्या आप मान लो कि इनके पास फिफ्टी परसेंट से ज्यादा मान लो फिफ्टी वन परसेंट शेयर है लेकिन एक इन्वेस्टर है मान लो फेसबुक है उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि जो मेजर डिसीजन रहेंगे वो वो खुद लेगा अगर आप अग्रीड हुए हो इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें और आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है सो दैट मीन्स ही हैज पावर ओवर यू तो इसके पास हो गया कंट्रोल और इस को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट right. और ये हो गया मेजोरिटी वोटिंग राइट अब ऐसे ही एक और राइट right होता है कि अब इन दोनों के बीच में ये 50 परसेंट वाले भाई साहब के बीच में और इनके बीच में एक और आदमी आ गया और वो आदमी का नाम क्या है ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक आदमी है बहुत ही विजनरी आदमी है वो बोला कि आने वाले थर्टी डेज में मैं इस कंपनी का मेजोरिटी वोटिंग राइट खरीद लूंगा ये बहुत ही विजनरी आदमी था बोला कि अब इसमें इन्वेस्ट करना ही मेरे को और मेजोरिटी शेयर होल्डिंग खरीदूंगा मैं तो इसके पास आज क्या हो गया पोटेंशियल वोटिंग राइट है पोटेंशियल राइट आ गया क्या राइट आ गया पोटेंशियल राइट अब मान लो कि इन लोगों को कोई डिसीजन लेना है और एक नोटिस पीरियड है कि आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले 45 डेज का एक नोटिस दोगे फिर 45 डेज बाद हम मीटिंग में बैठेंगे और डिसीजन लेंगे तो अगर आज ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये वाली कंपनी ये जो सप्लायर उसको कैंसिल कर देते हैं नए सप्लायर को पकड़ते हैं वहां से कमीशन अच्छा मिलेगा हमें हमारा प्रॉफिट आई मीन रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा हमें हमारी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी फिनिश गुड्स की लेकिन क्या ये डिसीज़न ले सकते हैं क्या कि इनके पास राइट right है यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं करंट डेट पे, लेकिन ये जो डिसीज़न लिया जाएगा 45 डेज बाद लिया जाएगा कि नहीं या ना अगर नोटिस पीरियड है कि आपको 45 दिन पहले बताना होगा फिर 45 दिन बाद डिसीज़न फाइनलाइज होगा तो ये थर्टी डेज में तो इनका एंट्री हो जाएगा ना एकदम जूम वाली जो एंट्री होती है जूम नहीं आई I मीन mean, धूम वाली एंट्री बहुत जुम जुम हो रहा है ना इसलिए निकल गया तो ये थर्टी डेज में तो इनकी हो जाएगी आई I मीन mean, इनका मेजोरिटी वोटिंग राइट रहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट right वाले का भी कुछ नहीं हुआ और इनका भी कुछ नहीं हुआ चलेगी किसकी पोटेंशियल वोटिंग राइट की दीज ऑल आर सब्सटेंटिव सब्स्टेंटिव मतलब क्या मतलब कि अगर ये है बहुत ही सब्जेक्टिव है आपके पास 50 परसेंट वोटिंग राइट होकर भी आई मीन मोर देन 50 परसेंट वोटिंग राइट होकर भी आपके पास कंट्रोल नहीं हो सकता ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जैसा कि हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट right में ऐसा हो सकता है जैसा कि हमने आपको बताया कि एक पोटेंशियल राइट right, एक पोटेंशियल शेयर होल्डर है जो आने वाले समय में हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और उसके पास वो राइट आ जाएगी मे बी ड्यू टू मेजोरिटी और ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट मे बी ये थर्टी डेज बाद जो ये एग्रीमेंट करेगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा उससे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right उसके पास आ जाए तो उसके पास क्या हो जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में वो उसके पास पोटेंशियल राइट right हो जाएगा कि वो डिसीजन ले पाए तो आज के डेट में कंट्रोल किसके पास है माना क्या जाएगा इनके पास हाँ या ना बिल्कुल और इसके बाद भी अगर आपके पास चौथी बात हम लोग बोल रहे माइनॉरिटी वोटिंग राइट है माइनॉरिटी वोटिंग राइट मतलब लेस देन फिफ्टी परसेंट से फोर्टी परसेंट है क्या आपके पास कंट्रोल है अब मान लो आपके पास पोटेंशियल राइट भी नहीं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी नहीं मेजोरिटी की तो बात ही नहीं क्या आपके पास क्या आपके पास कंट्रोल है आंसर इज इट कैन बी ओ माय गॉड अब क्या बोल रहे हो सर यही तो यहां पे भी आपका कंट्रोल हो सकता है अगर जो बाकी शेयर होल्डिंग है वो वाइड स्प्रेड है अगर बाकी जो शेयर होल्डिंग है वो वाइड स्प्रेड है मतलब कि हर आदमी आज रिलायंस का शेयर होल्डर है मान लो कि वो एक हजार लगाता है दो हजार लगाता है दो तीन शेयर खरीद लेता है तो वो भी तो शेयर होल्डर है लेकिन उसकी जो शेयर होल्डिंग है वाइड स्प्रेड है, जब डिसीजन मेकिंग की बारी आएगी तो क्या वो शेयर होल्डर में जाके वोट करेगा क्या आंसर इज नो सो ये माइनॉरिटी वोटिंग राइट होने के बावजूद वो वहां पर मेजोरिटी की तरह काम करेगा क्योंकि बाकी जो शेयर होल्डिंग है हो बहुत वाइड स्प्रेड है ठीक है और यहां पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ही लो हैं लो पार्टिसिपेशन मान लो आपके पापा का एक शेयर होल्डिंग है रिलायंस में और रिलायंस के एजियम हो तो क्या वो जाएंगे ऑल द नोटिस आया होगा उनको ऑल दो उनको ईमेल आया होगा कि आप आइए इजियम होने वाला आप आइए आपका वोट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि हर शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट तो रहती ही रहती है तो क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे आंसर इज नो क्योंकि वहाँ पे लो पार्टिसिपेशन अब हंड्रेड परसेंट शेयर होल्डिंग में से पहुंचे ही एट्टी परसेंट जो फोर्टी परसेंट जिसके पास था माइनॉरिटी वोटिंग राइट वो क्या हो गया आज की डेट में उस वक्त उस हालात में उसके पास वो मेजॉरिटी मान ली जाएगी मान लो आ, आ, क्या बोलते हैं कि रिलायंस रिलायंस जियो अपनी शेयर होल्डिंग का सिक्सटी परसेंट सेल कर देता है मान लो अभी तो पच्चीस तीस के आस पहुँचे हैं लोग मान लो सिक्सटी परसेंट सेल कर देता है और ऐसे ऐसे मेजर प्लेयर को सेल करता है तो क्या ये वाइड स्प्रेड हुआ आंसर इज नो ये जो आ, इन्वेस्टर हैं इनके वाइड स्प्रेड नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये तो गिने चुने ना नंबर में आ जाएंगे लाखों में नहीं है समझ रहे हो तो अब यहाँ पे अंबानी माइनॉरिटी में आई जैसे तब तक ये लोग अपना काम कर जाएंगे ठीक है वोट उट करके इनको हटा देंगे समझ रहो सो so बेसिकली अगर मैं कंट्रोल को समराइज करूं तो अगर टेक्निकल वर्ड्स में जाया जाए तो तीन चीजें हैं अगर आपके पास तो आपका माना जाएगा कंट्रोल और वो पहला फैक्टर है पावर ओवर इन्वेस्टी क्या मतलब है इसका इसका मतलब है कि आपके पास राइट right है किस बात का राइट टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटीज एज ऑन टुडे। राइट टू डायरेक्ट मतलब आप डिसीज़न ले सकते हो आज के दिन में आप डिसीज़न ले सकते हो यू कैन टेक डिसीज़न राइट टू डायरेक्ट क्या रिलेवेंट एक्टिविटीज़ जैसे कि सेल हो गया परचेज हो गया फंडिंग हो गई हेजिंग हो गया जिससे बेसिकली रिटर्न आता है ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको करने से रिटर्न आ सेल किया परचेज किया तो उसकी वजह से क्या हुआ रिटर्न आ रहा है आपके पास तो रिलेवेंट एक्टिविटीज़ आपके पास राइट right है डायरेक्ट करने के लिए एज़ ऑन टूडे मतलब आज की डेट में ठीक है ठीक है अब राइट टू डायरेक्ट कब होगा आपके पास यही तो हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे राइट टू डायरेक्ट आपके पास पहला सिनारियो, आपके पास जब मेजोरिटी शेयर होल्डिंग हो को बोल सकते हैं मेजोरिटी वोटिंग राइट आपके पास पोटेंशियल वोटिंग राइट आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल वोटिंग राइट या फिर आपके पास माइनॉरिटी वोटिंग राइट है तो भी एक एक को अभी हमने डिस डिस्क्राइब uh, किया एक बार और समझ लेते हैं मेजोरिटी वोटिंग राइट सबसे सही है कि मान लो आपके पास सिक्सटी परसेंट शेयर होल्डिंग है सिक्सटी परसेंट शेयर होल्ड करते हो बस बात खत्म और कोई कॉन्ट्रेक्चुअल और किसी चीज़ का वो झमेला नहीं है पोटेंशियल वोटिंग राइट क्योंकि आपके पास फ्यूचर में पावर आने वाला है फ्यूचर में मान लो आपके पास मेजोरिटी वोटिंग राइट आने वाली या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल वोटिंग राइट आने वाली है ठीक है कॉन्ट्रैक्चुअल वोटिंग राइट क्या होता है अब जैसे कि आपने एक चीज देखा होगा चाइना ने अजहर मशहूद को जब हम लोग यू सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाके उसको बोले थे टेररिस्ट घोषित करने के लिए तो वहां पे चाइना ने वीटो कर दिया था सो so वीटो कर दिया था बेसिकली वीटो उसके पास वो एक पावर था कि वो डिसीजन को चेंज कर सकता है तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट का है ठीक है जैसे कि प्रोटेक्टिव राइट right में आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट right है कि आप की मैनेजेरियल पर्सनस को रिमूव कर सकते हो जो डायरेक्टर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो सी ई ओ सी टी ओ जो कि मैनेजेरियल पर्सन है उनको आप रिमूव कर सकते हो सो दैट गिव्स यू कंट्रोल ओवर ऑल अथॉरिटी सी ई ओ आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा तो यू जस्ट गो एंड रिमूव इट बिकॉज आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right है ठीक है तो ऐसी केस में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से आपका कोई सुन नहीं रहा है तो आप उसको हटा सकते हो डायरेक्टर को सो इफ दैट अगर उस उस टाइप के आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right है तो उस केस में यू आर द हीरो यू हैव द कंट्रोल अब ऐसे में एक और चीज इसमें एक और लेयर है ये तो हो गई ऐसे और एक आता है इसमें डुप्लीकेट राइट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव राइट इसको बहुत ही सिंपली मैं आपको समझाता हूँ इसमें आपके पास राइट तो है चीजें करने का लेकिन कोई सरकम कंडीशनल राइट है जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया है ठीक है बैंक से मान लो एक कार लोन पे ली है कार किसकी है आपकी है कार के पास राइट किसका है कार को आप कुल्लू मनाली लेके जाओ या फिर कहाँ लेके जाओ श्रीलंका लेके चले जाओ बांग्लादेश लेके चले जाओ पाकिस्तान भी चले जाओ वो आपका राइट है है या नहीं है है लेकिन 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 अगर आपने कार ई पे लिया और ई पेमेंट नहीं किया है और बैंक अब क्या करेगा बैंक के पास तब एक्सक्लूसिव राइट right रहता है कि आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपका कार खींच के लेके जाएगा ऐसे बोल दो ना अपने खींच के लेके चला जाएगा मतलब वो कार को सेल कर सकता है और वो बोल सकता है कि आपका कार अब यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा ये हमारे बैंक ऑफिस में जाएगा वहीं पे रहेगा डिपॉजिट रहेगा और इसको हम लोग सेल करके पैसा रिकवर करेंगे तो उस वक्त उसके पास जो राइट right है उस राइट को बोलते हैं प्रोटेक्टिव राइट उसने अपने पेमेंट को लाने के लिए बेसिकली अपने आप को सेव करने के लिए प्रोटेक्टिव राइट का यूज किया है आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्रोटेक्टिव राइट का कब यूज किया है आई I मीन mean, आपके पास फुल राइट था सब कुछ करने का लेकिन अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की अब जैसे कि मैगडी अगर आपको पता होगा मैकडोनल्ड्स मैकडी के बहुत सारे स्टोर्स खुले हुए और उसमें आपको बेसिकली आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि आप उनका ये चीज़ करोगे और ये चीज़ करोगे आपको वो वहाँ पर अलॉट हो जाता है ठीक है मैगडी uh, का एक नेटफ्लिक्स से सीरीज़ है वो आप ज़रूर देखिएगा इफ़ यू हैव अ टाइम कैसे उसने बिजनेस बिल्ड किया बहुत अच्छी सीरीज़ है मैगडी uh, बेसिकली बोलता है क्या कि आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो ये लोगो रहना चाहिए ये चीज़ें आपके यहाँ मिलनी चाहिए इतने स्टाफ होने चाहिए मान लो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि इस टाइप की टेबल होनी चाहिए इससे कम कैटेगरी का, का टेबल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये सारी कंडीशंस हैं मैगडी की ठीक है अगर आपने इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं किया तो वो उस राइड को यूज़ करके आपसे उसका डीलरशिप उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा लेकिन अगर आप सारा चीज़ कर रहे हो नॉर्मली सारा टर्म्स एंड कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हो तो उसके ऑनर कौन है आप हो कौन है ऑनर आप हो वो आपकी प्रॉपर्टी है आपने वहां पे मैगडी से डीलरशिप ली है फ्रेंचाइजी ली है और उस फ्रेंचाइजी को आप रन कर रहे हो तो उस फ्रेंचाइजी के मालिक कौन है उस फ्रेंचाइजी का मालिक वही है जो उसको रन कर रहा है अनटिल और लिस्ट उसने कंडीशन फुलफिल नहीं की अगर जैसे ही नहीं की तो मैगडी के पास एक प्रोटेक्टिव राइट right है उसके पास राइट right है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास राइट टू डायरेक्ट है रेलिवेंट एक्टिविटी अगर राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब कंट्रोल नहीं है सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ लेयर इन दी कॉन्ट्रेक्चुअल वोटिंग राइट क्लियर है माइनॉरिटी वोटिंग राइट आपके पास कम है लेकिन जो वाइड स्प्रेड है बेसिकली जो मेजोरिटी मान लीजिए आपके पास 40 परसेंट है और 60 परसेंट बहुत ही वाइड स्प्रेड है और उसमें आधा लोग आते हैं आधा लोग नहीं आते तो आपके पास क्या हो जाएगा वो मेजोरिटी हो जाएगा सो so बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड है दीज़ आर पोटेंशियल वोटिंग राइट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वोटिंग राइट जिसको हमने खूब डिस्कस किया तो ये पहली कंडीशन हो गई पावर ओवर इन्वेस्टी आपके पास रहना चाहिए ठीक है दूसरी कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए वो है एक्सपोज टू और स्लैश राइट टू वेरिएबल रिटर्न बेसिकली इसका क्या मतलब है कि आप का राइट right होना चाहिए या फिर आपको उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस से उसके रिटर्न से आप एक्सपोज्ड हो क्या हो आपके उसके रिटर्न से एक्सपोज हो मान लीजिए कंपनी में लॉस हुआ ट्वेंटी परसेंट तो आपको भी वो लॉस बियर करना पड़ेगा और ये कैसे होगा बेसिकली आपका उसमें एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे आपका कैपिटल इंप्लॉयड होना चाहिए उसमें आप एक इन्वेस्टर हो और आपका एक ऐसा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए जिससे कि आप को फर्क पड़े फ़र्क पड़े मतलब आप एक इन्वेस्टर हो ठीक है आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया इन्वेस्टी है वो और उसमें लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है इसका आप पे इफेक्ट पड़ रहा है आप एक्सपोज हो उसके वेरिएबल रिटर्न से अब वो तभी होगे जब आपका पैसा लगा हुआ होगा और आपका मान लीजिए कैपिटल दस करोड़ है तो उसका बीस परसेंट लगा है तो मतलब आप एक्सपोज हो आपका मेजर अमाउंट लगा हुआ है एटलीस्ट बीस परसेंट लगा हुआ है अब ये बीस परसेंट नहीं कम बेसी भी हो सकता है ठीक है कहीं लिखा हुआ नहीं कि बीस परसेंट ठीक है तो आपका अगर ट्वेंटी परसेंट लगा है तो आप उसके वेरिएबल रिटर्न से एक्सपोज हो या फिर आपके पास राइट right है उसका प्रॉफिट कमाने के लिए ठीक है दूसरी कंडीशन ये तीसरी कंडीशन आपके पास राइट टू डायरेक्ट तो है राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज दैट मींस पावर ओवर इन्वेस्टिंग लेकिन क्या आपके पास एबिलिटी है डू यू हैव एबिलिटी टू यूज सच पावर आज का बड़ा सवाल नेशन वॉन्ट्स टू नो वेदर यू हैव एबिलिटी टू यूज सच पावर और नॉट क्या आपके पास वो एबिलिटी है वो काबिलियत है या फिर आप एबिलिटी काबिलियत आई मीन बेसिकली जो आप पावर ऊपर दिखा रहे थे क्या वो आप यूज कर पाओगे या नहीं जरूर कर पाएंगे आप बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि आप एजेंट नहीं होने चाहिए मतलब आपके ऊपर आपके कोई आका और नहीं होने चाहिए मतलब तो आपको भी कोई कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब आप वो पावर यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई और यूज़ कर रहा है सबका मालिक एक है अगर वैसी सिचुएशन रही ठीक है तो फिर कुछ होने वाला नहीं मतलब आप बस एक वो हो जाएंगे पपेट जैसे कि आ, एक बार कोई कमेंट आया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब इलेक्शन होते हैं तो ये बात बहुत होती है कि कोई कोर्ट का डिसीज़न था आई एम नॉट श्योर मे बी आई एम रॉन्ग कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अभी पपेट की तरह काम करता है तोते की तरह जैसी गवर्नमेंट बोलती है वैसा काम करता है ऐसा आया था डिसीजन तो अगर वैसी आपकी हालात हैं तो फिर दिक्कत है तो व्हाट विल बी द समरी हमें अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रोल है किसी का तो पहली चीज समराइज करते हैं अब आपके पास पावर होना चाहिए ओवर इन्वेस्टी दैट मीन्स यू हैव अ राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटी एज ऑन टूडे On a day to day basis, those condition you are exposed to, exposed to or right to variable return. एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन कि भाई वो सब तो ठीक है कि तुम्हारे पास है या नहीं है या फिर वैसा है वैसा है अल्टीमेटली यू विल हैव टू हैव पावर टू यूज़ इट सो बेसिकली यू शुड हैव एबिलिटी टू यूज़ द पावर कितना ज़रूरी है लिखना है ना आपके पास पावर है आंसर इज यस है पावर कि आपके पास कंट्रोल है उसके बाद आपके पास कंट्रोल रहेगा तभी रहेगा जब आप उस पावर को यूज़ कर सकते हैं क्लियर है ओके सो दिस इज़ हाउ इट इज़ पावर ओवर इन्वेस्टी एक्सपेक्ट टू एक्सपोज टू राइट टू रिटर्न एंड एबिलिटी टू चूज़ द पावर राइटिंग अच्छी हो रही है एक्सपोज को एक्सपेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग ठीक है ओके okay, तो ये हो गई बहुत सारी लंबी लंबी डिस्कशन और अब एक एक लेयर करके बढ़ेंगे अभी तो कॉमन सेंस से हम लोग कंट्रोल निकाल देंगे इन दो इन सब क्वेश्चन में फिर आगे जब टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे बीस क्वेश्चन करने तो आराम से इज्जत से करेंगे एक सेकेंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें स्क्रीन को कि जिससे कि हम लोग यहाँ पर Yeah. तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोला एक इन्वेस्टर है जो होल्ड करता है मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग राइट इन द इन्वेस्टी डज द इन्वेस्टर हैव द करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलीवेंट एक्टिविटीज गिवन द फैक्ट इट टेक्स थर्टी डेज टू होल्ड शेयर होल्डर्स मीटिंग टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग रिलिवेंट एक्टिविटी एक इन्वेस्टर है जो होल्ड करता है मेजोरिटी वोटिंग राइट ठीक है मेजोरिटी वोटिंग राइट वो होल्ड करता है अच्छी बात है, करना चाहिए लेकिन वो उसके पास राइट टू रेलेवेंट एक्टिविटी है लेकिन उसके लिए उसको थर्टी डेज लगेगा थर्टी डेज बेसिकली नोटिस पीरियड है ठीक है टू टेक द मीटिंग टू टेक द डिसीजन बट मतलब आज आपके पास वोटिंग राइट right है मेजोरिटी वोटिंग राइट है कि आप रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर सकते हो अच्छी बात है आज करो कोई दिक्कत नहीं है क्या आपके पास कंट्रोल है यस या नो सिंपल एज दिस क्या आपके पास कंट्रोल है या नहीं डू यू हैव कंट्रोल और नॉट यस या नो आंसर इज यस ये थर्टी डेज का नोटिस पीरियड रहे चाहे तीन सौ दिन का नोटिस पीरियड रहे आज की डेट में एक इन्वेस्टर के पास मेजोरिटी वोटिंग राइट है और ऐसा कोई तथ्य नहीं है फैक्ट नहीं है जिसमें यह बोला जा रहा है कि कोई पोटेंशियल वोटिंग राइट वाला आने वाला है कि आने वाले समय में एक इन्वेस्टर आएगा जिसके पास वोटिंग राइट आ जाएगी अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो हम कैसे मान लें कि मेरे पास वोटिंग राइट नहीं है मेरे पास कंट्रोल नहीं तो यहाँ पे जब तक क्वेश्चन में यह ना लिखा रहे कि कोई और के पास पावर आने वाला है तीस दिन बाद तब तक तो आपके पास ही वोटिंग राइट है ऐसा क्यों मान लो कि आने वाले समय में आने वाले दो दिन बाद या एक दिन बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उनके पास क्या आ जाता है वो मेजॉरिटी वोटिंग राइट लेकिन वो कब आएगा वो कब आएगा आज अगर ये डिसीजन लेते हैं तो वो थर्टी डेज़ के बाद थर्टी सेकेंड डे पे आएगा ना दो दिन बाद अगर आ रहे हैं तो थर्टी डेज तक तो वो इन्हीं भाई साहब का जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है उन्हीं का वोटिंग राइट आएगा तो आंसर इज यस बेसिकली अगर आपके पास मेजोरिटी वोटिंग राइट है और कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट right नहीं आने वाला है किसी के पास पोटेंशियल राइट right नहीं आने वाला है आने वाले समय में आपकी मेजोरिटी वोटिंग राइट बदलने वाली नहीं है तो आप इग्नोर करिए नोटिस पीरियड को आपकी सिचुएशन आने वाले वक्त में नहीं बदलने वाली तो नोटिस पीरियड इग्नोर करिए आपके पास कंट्रोल है दैट्स इट ओके नाउ वी विल मूव टू द्वेश्चन क्वेश्चन बोलता है इन्वेस्टर है इज अ पार्टी टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू अक्वायर द मेजोरिटी ऑफ द शेयर इन दिन ये जिसका हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड मतलब आपके पास पोटेंशियल राइट right है किसका केस है ये पोटेंशियल राइट है आपके पास कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं आने वाले समय में हम इसमें मेजोरिटी होल्ड करेंगे द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट डेट इज इन ट्वेंटी फाइव डेज पच्चीस दिन में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा इज द इन्वेस्टर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सब्सटेंटिव राइट ओवर इवन बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62 ये प्रीवियस क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है सो so 61 जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसका कंटिन्यूएशन इसमें क्या बोला है? कि इन्वेस्टर जिसका एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है अक्वायर कर लेगा 25 दिनों में अब यहां पे ये पूछ रहा है कि कंट्रोल इस इन्वेस्टर का है या किसका है मतलब कि जो न्यू इन्वेस्टर रहेगा और उसके साथ जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कौन है जो पहले से इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो इस पर कंट्रोल किसका है नया इन्वेस्टर का जो इसका आगे का मेजोरिटी वोटिंग राइट इसके पास आ जाएगा तो किसका यहाँ पे कंट्रोल है तो एक बार अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दैट लाइन इज़ नोटिस पीरियड क्या बोल रहा है कि थर्टी डेज नोटिस पीरियड यहां पे दिया हुआ है कि कोई भी रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने के लिए आपको तीस दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा तो ऐसे टाइमलाइन समझिए कि अगर इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में भी लिखना है कैसे प्रेजेंट करना है एक क्वेश्चन हम लोग बताएंगे इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग बताएंगे कि कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा पहले आपको फैक्ट्स uh, लिखने रहेंगे मतलब इंडेक्स क्या बोलता है फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फिर हमारा ओपिनियन आएगा तो तीन पार्ट में रहता है बेसिकली ठीक है कि हमारा लॉ क्या बोलता है क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या क्या हैं और हमारा ओपिनियन क्या है तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन uh, के आंसर को ड्राफ्ट करेंगे एक क्वेश्चन को जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे अपने आप अपने आंसर को प्रजेंट करना है अभी uh, इसके टाइमलाइन को समझते हैं कि मान लीजिए कि एक टाइम है और ये नया इन्वेस्टर आने वाला है एक न्यू इन्वेस्टर यहाँ पे वो टेक ओवर करेगा पहले किसके पास था एग्जिस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास ठीक है जब यहाँ पे ये अक्वायर करेगा तो उसके जो थर्टी डेज़ पहले का है डेट क्या उसके ऊपर भी उसका कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है एग्जिस्टिंग जो मे मेजोरिटी वोटिंग राइट होल्ड करता है अगर आज यहाँ पे वो डिसीज़न लेने की कोशिश करता है मान लो लेकिन वो ले नहीं पाएगा क्यों नहीं ले पाएगा क्योंकि जब वोटिंग की बारी आएगी तब तक नया शेयर होल्डर आ जाएगा नए नए मेजोरिटी शेयर होल्डर्स आ जाएंगे तो उसकी उस समय चलेगी नहीं तो यहाँ पे जो इसका इफ़ेक्टिव कंट्रोल आ रहा है नए शेयर होल्डर का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा 25 दिनों में वो हो रहा है 30 दिन पहले 30 डेज बिफोर ठीक है तो ये समझ में आ गया कि 30 दिन पहले उसको कंट्रोल मिल जाएगा आप फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ये समझ में आ गया आपको कि नया शेयर होल्डर जब भी जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके 30 दिन पहले उसके तीस दिन पहले उसके पास कंट्रोल है तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोला है कि एक इन्वेस्टर इज अ पार्टी टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू अक्वायर मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स इन इन्वेस्टी द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट डेट इज इन ट्वेंटी फाइव डेज पच्चीस दिनों में ये तीस दिन का था पच्चीस दिनों में फिफ्टीन डेज टू लेफ्ट यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो उसका कंट्रोल तो पाँच दिन और पहले से ही है पच्चीस दिन समझ रहे हो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है टोटल पीरियड थर्टी डेज पहले से ही उसके पास कंट्रोल आ जाएगा क्योंकि नोटिस पीरियड है और आज जो डेट है मान लीजिए फाइव डेज हो गए हैं अभी भी पच्चीस दिन बचे हुए हैं तो यहाँ पे इसका कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा आंसर इज़ इस कि इसका कंट्रोल तो यहीं से था तो यहाँ से भी तो होगा हो ही होगा तो आंसर इज़ यस कंट्रोल यहाँ पर नए इन्वेस्टर का हो जाएगा पुराने इन्वेस्टर का नहीं रहे क्लियर है जस्ट बिकॉज यहां पे नोटिस पीरियड है इसलिए सारा जो पक्ष है वो नए इन्वेस्टर की तरफ चला जाता है चलिए और बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अल्टीमेटली uh, जो जिसके पास मेजोरिटी वोटिंग राइट रहेगी जिसके पास मेजोरिटी वोटिंग राइट रहेगी ऑन द डेट ऑफ डिसीजन जिस दिन हमें रिलेवेंट एक्टिविटी को डायरेक्ट करना है रेलिवेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करना है जिस दिन हमें उस दिन जिसके पास पावर रहेगा उसको डायरेक्ट करने का वही उसी के पास कंट्रोल माना जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन है हमारे पास एंड दिस इज दैट अभी तक हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ थी कि थर्टी डेज का नोटिस पीरियड था ठीक है जो पहला क्वेश्चन था उसी का कंटिन्यूएशन है इफ़ इन दी क्वेश्चन गिवन अबाउट द इन्वेस्टर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल बी सेटल्ड इन सिक्स मंथ इंस्टेड ऑफ ट्वेंटी फाइव डेज अब बोल रहा है कि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो छः महीने बाद सेटल होगा पच्चीस दिन के जगह जो हमारा पच्चीस फिफ्टी ट्वेंटी फाइव डेज में सेटल हो रहा था अब वो छः महीने बाद सेटल होगा तो वुड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव दी करेंट एबिलिटी टू डायरेक्ट दी रेलिवेंट एक्टिविटी अब यहाँ पे आपको बताना है कि न्यू इन्वेस्टर के पास पावर है या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास पावर है तो आंसर वुड भी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उनके पास पावर है क्योंकि ये छः महीने भाई बाद आएंगे भाई साहब इनका थर्टी डेज पहले अभी तो हमने ड्राफ्ट बनाया कि जिस दिन एक्वायर करेंगे उस दिन से थर्टी डेज बिफोर इनके पास कंट्रोल आ जाएगा अभी पीरियड इनका पोजिशन का आज की डेट से छः महीने, तो महीने तो एटलीस्ट पाँच महीने तो फिफ्थ मंथ तो एग्जिस्टिंग जो मेजॉरिटी वोटिंग राइट होल्ड करते हैं उनके पास पावर है तो आइज़ ऑन टुडे भी तो इनके पास पाँच पाँच महीने तक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास पावर है क्लियर है क्लियर है या नहीं हम्म hmm? ओके okay. अब इसको कैसे आंसर को प्रेजेंट करेंगे एग्ज़ाम में मैं उसको एक बार लिख देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है ऐसे नहीं तो लिखता रहूँगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा थोड़ा सा पॉज करके लिख के फिर प्ले करता हूँ तो अगर इसका आंसर लिखना होगा हमें फॉर्मली जैसे हम लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं तो उसका आंसर कुछ ऐसा हो सकता है जैसा हमने डिस्कशन किया उसी को एक फ्रेम कर दिया आंसर फॉर्मेट में आप अपने तरीके से लिख सकते हो तरीका कई हो सकता है आप इंस्टीट्यूट का कॉपी कर सकते हो ये कॉपी नहीं इंस्टीट्यूट से अलग है और जिस तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है आंसर उस तरीके से लिखा हुआ है आप चाहें तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और लिखना चाहिए आपको बट ये जो फैक्ट्स हैं जो सोर्सेज है जिस वजह से हम आप बोल रहे हैं इंडियाज क्या बोल रहा है ये इट शुड बी सेम और मतलब उसकी जो मीनिंग होनी चाहिए वो हो सेम होनी चाहिए और ये आप अपने हिसाब से लिखिए और ये अपने हिसाब से लिखिए ठीक है।, है तो एक बार पढ़ देते आंसर क्या हुआ कि एज पर इंडियाज हंड्रेड एंड टेन कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंट्रोल कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इंडियाज का नाम है यहां पे बोलता है कंट्रोल मीन्स वेयर पावर ओवर इन्वेस्ट्री एग्जिस्ट पावर ओवर इन्वेस्ट्री एग्जिस्ट मतलब आपके पास राइट टू राइट टू 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 डायरेक्ट एक्टिविटीज ड्यू इन्वेस्टर इज है पहला कंडीशन हमारा क्या था पावर ओवर इन्वेस्ट्री हमने अभी आपको बताया था ड्यू टू विच इन्वेस्टर इज एक्सपोज टू राइट टू वेरिएबल रिटर्न और ये दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन था एंड इन्वेस्टर हैज एबिलिटी टू यूज सच पावर और ये तीसरा तीन चीजें हमने बोली थी आपको होनी चाहिए एंड सच पावर शुड बी करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटी और इसका मतलब क्या था आपके पास करंट एबिलिटी होना चाहिए डायरेक्ट करने के लिए रेलिवेंट एक्टिविटीज को दिस करंट एबिलिटी मे अराइज ड्यू टू मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट पोटेंशियल राइट एंड अदर रीजन केस ऑफ पोटेंशियल राइट सच राइट शुड बी इन मनी अब इन मनी मतलब आप कि आ, आप अफोर्ड कर सकते हो वैसा पोटेंशियल राइट ऐसा होना चाहिए कि आपके पास बेसिकली आपको आने वाले छे महीने में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है खरीदने वाले हैं एक हजार करोड़ का जबकि आपके पास वो आप पहले से बैंक करप्शी में चले गए तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हो छ महीने बाद वो <coughs> फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आंसर विल बी नो तो जो हमने आपको कंट्रोल का मीनिंग बताया वही हमने पहले लिखा दिस इज दिस सोर्स जहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन लिया आई यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट यहां पर हमने क्या किया हमने इन डेस को बेसिकली लिखा दिस इज बेसिकली यू कैन से ज्ञान आपने दिया थोड़ा सा और कहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो बताया कि हम जो चीज आपको प्रूव करना चाहते हैं वो एक्चुअली में कहाँ लिखी हुई है तो बेसिकली दिस इज दोर्स ऑफ आवर ओपिनियन दिस इज दोर्स एंड दिस इज आवर ओपिनियन और बीच में आता है कि हम किसके ऊपर ओपिनियन दे दे रहे वाह क्या बात समझ में आ रहा है मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि क्या है ये हमारा ओपिनियन है ये हमारा सोर्स है कि हम इस वजह से ये ओपिनियन दे रहे हैं आपके इस फैक्ट के ऊपर ये जो फैक्ट आपने क्वेश्चन में प्रेजेंट किया और फैक्ट क्या है इन दबो गिवन केस द न्यू इन्वेस्टर होल्ड्स पोटेंशियल राइट इन द फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू अक्वायर मेजोरिटी वोटिंग राइट आफ्टर सिक्स मंथ्स एज्यूमिंग नोटिस पीरियड ऑफ थर्टी डेज इट मीन्स न्यू इन्वेस्टर इज नॉट Having करंट एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटी कहने का मतलब यह है कि तीस दिन का नोटिस पीरियड है आपको 6 महीने बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करोगे तो आपको तीस दिन पहले करंट uh, एबिलिटी आपकी हो जाएगी कोई भी डिसीजन लेने के लिए लेकिन 6 महीना पहले तो नहीं होगी तो ये वाली जो एबिलिटी वो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर उसके पास है तो ये सोर्स हो गया ये आपका ओपिनियन हो गया बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स इन फैक्ट के ऊपर हमने ओपिनियन दिया और हमारा सोर्स ये था जैसे कि आपको ये डिबेट में बैठे हो और उस डिबेट में आपको आंसर देना पड़ता तो आपको वहां आप पे सोर्स डिस्क्लोज करना पड़ता है कि मैंने ये जो न्यूज है हमने अल जजीरा से ली है बीबीसी से ली है आपको पता है इंडियन न्यूज चैनल को आप कोट भी करोगे तो फिर मतलब नहीं कुछ ठीक है तो हम से बीबीसी को आपने लिया है अल जजीरा को लिया है और ये सारे आपने बताया कि ये सोर्स है और आपका जो केस हुआ जैसे कि कोई मान लो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया कोई कांड हो गया यहाँ पे तो ये फैक्ट्स हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ है हमने यहाँ से पढ़ा है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है ऐसा होना चाहिए और ये हमारा ओपिनियन है ठीक है सो बेसिकली सोर्स फैक्ट एंड ओपिनियन क्लियर है और यू कैन से कंक्लूजन ऐसे आपको हर क्वेश्चन में ये वाली लाइन हर जगह यूज़ हो सकती है दिस इज दंटिन्यूस लाइन ये लाइन आप हर जगह यूज़ कर सकते हो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहेगा कि जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा, वैसा वैसा आप लिखते जाओगे और यहाँ पे हिन्स न्यू इन्वेस्टर इज नॉट हैविंग पावर ओवर इन्वेस्टिंग एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मे हैव सच पावर प्रोवाइडेड कंडीशन आर सेटिस्फाइड ये सारे जो कंडीशन है से वो सेटिस्फाइड हो रहे हों जैसा क्वेश्चन में डिटेल में नहीं दिया हुआ तो हम ऐसा लिखेंगे क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया हुआ था कि नोटिस पीरियड थर्टी डेज का इस क्वेश्चन में हालांकि पहला क्वेश्चन में दिया था क्वेश्चन नंबर सिक्सटी में तो बट हमने वहां पे एज्यूमिंग लिख दिया क्लियर है जो हमने कंट्रोल की मीनिंग बताई है वो यहां पे लिखी और फिर बताइए कि यहां पे क्या केस है और फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर दीजिए हमेशा की तरह टैक्स में भी आंसर ऐसे ही लिखते हैं टैक्स किया जाएगा कभी तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो ये जो क्वेश्चन हमारा 64 एंड 65 फाइव दे uh, मतलब ये दोनों मिले जुले हुए हैं मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो दोनों क्वेश्चंस को हम लोग कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन और आने वाला क्वेश्चन को साथ में करें जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63 था चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सवाल क्या पूछ रहा है बेसिकली दिस इज द स्टेटमेंट ये क्वेश्चन नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट एक फैक्ट है जिसके ऊपर आपको कमेंट करना है बेसिकली सो बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड हैड इनकॉर्पोरेटेड कॉर्पोरेटेड बी सी लिमिटेड इन्होने मिलकर कंपनी बनाई बहुत अच्छी बात है बनानी चाहिए सबको बनानी चाहिए टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट आप पार्टनर से फर्म बनाओ कंपनी क्यों बना रहे हो या सो टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट इस काम के लिए तो जरूर बनाइए कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन दी दीज टू वर्ड्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर फैक्ट और स्टेटमेंट अ टोल ब्रिज एक आदमी कंस्ट्रक्ट करेगा और एक ऑपरेट करेगा इन दोनों में से आपको सबसे ज्यादा रेलिवेंट कौन लग रहा है हम लोग तो ये डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ टोल ब्रिज विल टेक थ्री ईयर्स तीन साल लगेंगे बनाने में उस ब्रिज को बी लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन जो बी लिमिटेड है वो रेस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए दैट मीन्स वॉट ऑपरेट कौन करेगा ऑपरेट करेगा सी लिमिटेड द टोल ब्रिज विल बी ऑपरेटेड बाय सी लिमिटेड कैन इट बी कंक्लूडेड अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक लोग बनाएंगे और एक लोग ऑपरेट करेंगे कैन इट बी कंक्लूडेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज दैट व्हेन बी लिमिटेड हैज ऑल द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन दैन सी लिमिटेड कंट्रोल बी सी लिमिटेड अब ये पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्शन फेज में क्या बी लिमिटेड के पास पूरी अथॉरिटी है क्या बी लिमिटेड के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो डिसीजन ले और उसके बाद क्या सी लिमिटेड के पास आ, क्या सी लिमिटेड उसके बाद कंट्रोल करेगा बी सी लिमिटेड को तो आपको एक चीज समझना होगा हमने जो पहला पॉइंट बोला था कि पावर ओवर इन्वेस्टी उसमें एक चीज था कि राइट टू डायरेक्ट राइट टू डायरेक्ट रेलेवेंट एक्टिविटीज रेलेवेंट एक्टिविटीज जिसके पास ये पावर है कि वो रेलेवेंट एक्टिविटी पे डिसीजन ले पाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे उसके पास कंट्रोल है आई यू गेटिंग मी और नॉट यहां पे दो कंपनी है बी और सी मतलब दो एंटिटी है दोनों ने मिला के कंपनी बनाई है बीसी लिमिटेड और इसी के ऊपर कंट्रोल की बात हो रही है कि आखिरकार बीसी लिमिटेड पे कंट्रोल किसका है बी का है या सी का है बी का कंट्रोल हो सकता है सी का भी कंट्रोल हो सकता है लेकिन यहां पे जो बोल रहा है कि क्या कंस्ट्रक्शन के वक्त बी लिमिटेड का कंट्रोल रहेगा और उसके बाद सी लिमिटेड का कंट्रोल हो जाएगा तो इस समय हमें यह समझना होगा कि क्या कौन सा एक्टिविटी रेलिवेंट है जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस वक्त कौन सी एक्टिविटी रेलिवेंट है कंस्ट्रक्शन <coughs> एक रेलिवेंट एक्टिविटी है लेकिन जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होगा मेन इन दोनों में अगर आपको कंपेयर करना पड़ेगा तो दैट विल विल बी बी दी रेलिवेंट एक्टिविटी ऑपरेशन या कंस्ट्रक्शन हमेशा ऑपरेशन होगा क्योंकि ऑपरेशन रेलिवेंट एक्टिविटी जो जिससे दैट मीनस वॉट जिससे आपको रिटर्न मिलता है जिससे आपका रिस्क एसोसिएटेड है ऑपरेशन से ठीक है तो रिटर्न एंड रिस्क बेसिकली इन दोनों की कंपैरिजन में जो सब्सटेंटिव हमें दिख रहा है वो है ऑपरेशन से रिलेटेड ठीक है तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कौन रेलेवेंट एक्टिविटीज को अब इसमें आंसर ये नहीं पूछा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें आपको बस एक ओपिनियन देना है तो हमारा ओपिनियन क्या हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट वक्त पे हमें ये जरूर देखना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी रेलिवेंट है और उस वक्त जिसका जिसपे मान लो एक वक्त में कंस्ट्रक्शन एक रेलिवेंट एक्टिविटी है और एक वक्त में ऑपरेशन एक रेलिवेंट एक्टिविटी है तो जिस वक्त कंस्ट्रक्शन एक रेलिवेंट तो एक्टिविटी रहेगा उस वक्त बी का कंट्रोल रहेगा और जिस वक्त रेलिवेंट एक्टिविटी ऑपरेशन रहेगा उस वक्त सी का कंट्रोल रहेगा अगला क्वेश्चन रिलेटेड मतलब जो अगला क्वेश्चन उसको करने से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के ऊपर इन क्वेश्चन फर्दर इफ इट इज गिवेन दैट टोल ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड और जो जानकारी इसमें आपको देखने को मिलेगी ऐसा है कि जो टोल ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट होगा वो अंडर सुपरविजन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा होगा बाय बी लिमिटेड मतलब कि जो उसके ऊपर सुपरविजन होगा वो एन का होगा मतलब बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड कंस्ट्रक्शन है कि बी लिमिटेड फंडिंग कहाँ से लेगा कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो एनएचए से लेगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आप एक काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और आपको उसके बदले एक फिक्स रिटर्न मिलना है आपने तो वो टेंडर निकला होगा टेंडर पे एक फिक्स अमाउंट पे आपने वो एक्सेप्टेंस की होगी कि आपको ये काम पूरा करने के बाद 25 करोड़ 2500 सौ करोड़ रुपया जो भी हो हाईवे कंस्ट्रक्शन की वैल्यू जिसके ऊपर आपने बिड किया था वो आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे ये चीज समझना है फिर एन विल रिम्बर्स वही लिखा हुआ है एनएचआई द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बी लिमिटेड इज इंटाइटल टू अ मार्जिन ऑन द कंस्ट्रक्शन बट फॉर द कैश फ्लोज ऑफ द टोल कलेक्शन बिफोर एनी पेमेंट टू सी लिमिटेड द टोल रिवेन्यूज विल बी फिक्स बाय सी लिमिटेड सो आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो ऑपरेशन होंगे वो सी द्वारा कंट्रोल की जाएगी ऐसा इसमें लिखा है हु इज इंटाइटल टू मैनेजमेंट फीस from the toll revenue amount the toll expenses will be paid then margin will be paid to b aur uske baad margin b ko pay kiya jayega pura uske upar jo control hai wo c ka aa gaya and the management fees will be paid to c the balance will be shared equally by b and c और उसके बाद जो margin के बाद जो भी profit बचा वो equally बांट लिया जाएगा लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि द टोल रिवेन्यू विल बी फिक्सड बाय सी लिमिटेड जो टोल रिवेन्यू है वो सी लिमिटेड फिक्स करेगा ठीक है और उसमें से टोल एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे देन मार्जिन पे किया जाएगा तो एक सबसे बड़ी चीज है कि जो टोल का जो रिवेन्यू है वो फिक्स कौन कर रहा है मतलब सी लिमिटेड कर रहा है और सी लिमिटेड के ऊपर क्या आ गया क्या ये रेलिवेंट एक्टिविटी है नहीं है या नहीं है पहला सवाल तो यही है, क्या ये रेलिवेंट एक्टिविटी है नहीं ऐसे समझते हैं दोनों एक्टिविटी को समझते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी है और एक ऑपरेशन का एक्टिविटी है ऑपरेशन के वक्त भी कंस्ट्रक्शन हो सकता मान लीजिए कि आपने फाइव ईयर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए कि मतलब उसकी वारंटी भी आजकल जो एन एच के हाईवे बनते हैं पांच साल दस साल बीस साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो मान लो कि इसमें से कोई पुल और ब्रिज बना रहे टूट के गिर गया आपकी वारंटी है तो फिर से आप कंस्ट्रक्शन करने लगते हो तो उस समय बी पिक्चर में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन के वक्त वो पिक्चर में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन का, का काम करने लगेगा ठीक है तो उस वक्त शायद बी का जो कंस्ट्रक्शन का काम हो ज्यादा रेलिवेंट रहेगा क्योंकि उस समय टोल प्लाजा पे कोई गाड़ी चलेगी ही नहीं क्योंकि टोल ब्रिज टूट चुका उस रास्ते से कोई आएगा नहीं तो बी का कंट्रोल हो सकता वहां पे लेकिन यहां पे बी का कंट्रोल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो पैसा है वो टोटली फंडेड है आई I मीन mean, जो एक्टिविटी और रेलिवेंट एक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि ये जो काम आप कर रहे हो उसके लिए तो आपको पैसा मिल ही जाएगा उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि काम कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो ऑपरेशन कैसे हो रहा है वो ज्यादा रेलिवेंट है क्योंकि वो आपके रिटर्न को इंपैक्ट करेगा क्या ये आपके रिटर्न को इंपैक्ट करेगा कंस्ट्रक्शन आप करो आपको पैसा मिलेगा ही गवर्नमेंट आपको उसके हिसाब से पैसा दे गई लेकिन जो ऑपरेशन का काम करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिटर्न कैसा होगा सो दैट इज वही ऑपरेशन इज मोर रेलिवेंट है तो हमारा कंक्लूजन यहां पे क्या होगा कंक्लूजन हमारा ये होगा कि हमें ये देखना है कि कौन सी एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है अफेक्ट द रिटर्न हमारे पास दो एक्टिविटी है इस क्वेश्चन में उन दोनों एक्टिविटी में से एक है कंस्ट्रक्शन जिसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लगता है जिसमें बी लिमिटेड का हाथ है और एक है सी लिमिटेड तो आपके पास दो ऑप्शन एक सी लिमिटेड आपके पास है और एक बी लिमिटेड है आपको यह डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करेगा रिटर्न को दोनों ही कर सकते हैं लेकिन कौन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है रिटर्न को अब बी लिमिटेड का जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा वो डायरेक्टली रिमबर्स हो जाएगा से ठीक है जबकि यहां पे टोल जो रिवेन्यू है टोल रिवेन्यू ये फिक्स कौन करता है सी सी लिमिटेड लिमिटेड फिक्स करेगा इसका तो ऑलरेडी मार्जिन बना हुआ है तो जो सी लिमिटेड टोल रिवेन्यू फिक्स करेगा कितना इनकम होगा कितना रिटर्न मिलेगा आपको इसके ऊपर डिपेंड है या नहीं आपको फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पे रुकती है अगर आपसे ज्यादा पैसा आ, ले लेता है वो तो उसकी रिटर्न बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी तो बेसिकली उसकी फ्लक्चुएशन ये पूरा जो डिसीजन वो सी लिमिटेड करता है तो इसलिए दिस एक्टिविटी रेलिवेंट तो यहां पे जो कंट्रोल है दैट लाइज विद दी लिमिटेड तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इन द गिवेन केस सी लिमिटेड हैज अ पावर टू डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज ओके Yes. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है कि एंटिटी पीएस लिमिटेड इश्यू करती लोन नोट्स टू इन्वेस्टर इन रुपीस, ठीक है बट इट परचेजेज फाइनेंशियल एसेट इन पाउंड स्टर्लिंग एंड यूएसडी ठीक है uh, लोन नोट इशू किए और उन्हें परचेस किया एसेट पाउंड और यूएस डॉलर में इट हेजेज कैश फ्लो डिफरेंसेस थ्रू मनी करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट्स वुड व्हाट शुड बी द रेलेवेंट एक्टिविटी इन्होंने इशू किया लोन नोट्स और उन्होंने परचेज किया एसेट पाउंड में और यूएस डॉलर में आपको ये बताना है इसके वजह से हेजिंग होती तो हेजिंग एक रेलिवेंट एक्टिविटी है ठीक है इट हेजेज कैश फ्लो डिफ्रेंसेज थ्रो मनी करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप और वो मनी इंटरेस्ट रेट स्वैप से वो हेजिंग करते हैं तो यहाँ पे इनका बिजनेस मॉडल समझ रहो एक ऐसे समझते हैं कि एक पी एस लिमिटेड कंपनी है उन्होंने लोन नोट इशू किया लोन नोट्स मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट कि हम आपको आप मे को लोन देते हैं हम आपको पेमेंट कर देंगे तो बेसिकलीसा बोरो किया दिस इज बोरोइंग ठीक है और उन्होंने परचेस किया फाइनेंशियल एसेट्स पाउंड स्टर्लिंग मतलब यूनाइटेड किंगडम की करेंसी और यूएस डॉलर ठीक है वो क्या करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स परचेस करते हैं पाउंड में और यूएस डॉलर में और इट कैश फ्लो डिफरेंसेस मतलब यहाँ से पैसा लेते हैं रुपीज में और पेमेंट इनको करना रहता है यूएस डॉलर में जो कि रुपीस का वैल्यूज़ फ्लक्चुएट करना करता रहता है जैसे सेवेंटी से सेवेंटी फाइव पर यूएस डॉलर हो गया तो इनको ज़्यादा रुपया लगेगा यूएस डॉलर को पेमेंट करने के लिए तो वो ज़्यादा रुपया ना लगे तो इसलिए आज की डेट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो हेज़ कर लेते हैं कि इस डेट पर आपको इसके बारे में हेज़िंग के बारे में ज़्यादा एस में पता चलेगा हिजिंग एक एक्टिविटी है जिससे कि आप आने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज के डिफरेंसेस को आप कैंसिल कर सकते हो मान लो कि आज का आज का आ, इंडियन करेंसी का यूएस डॉलर के अगेंस्ट रेट है सेवेंटी का ठीक है और को छ महीने बाद एक फाइनेंशियल एसेट्स खरीदना उसके लिए पेमेंट करनी है ठीक है तो मैंने क्या किया मेरे को पता नहीं कि छः महीने बाद क्या डेट होगी क्या नहीं होगी तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये 75 तक पहुंच सकता है और मार्केट में मेरे को 73 का एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि मैं 73 पे वो बोला कि मैं आपको दे दूंगा 73 पे यूएस डॉलर मिल जाएगा 73 थ्री में मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन कर लिया मतलब बेसिकली हमने उसके साथ हेजिंग कर ली कि मेरे को सेवेंटी पर डॉलर आप मेरे को दे दोगे तो उसको बोलते हैं हेजिंग ठीक है और इस सारी एक्टिविटीज में ये जो इनका एक्टिविटी है उसमें हमसे पूछा गया कि वॉट कुड बी द रिलेवेंट एक्टिविटीज तो रेलिवेंट एक्टिविटी क्या होगा तो पहला तो यही हो जाएगा जैसे कि इन्होंने क्या किया से परचेज सेल कर रहे हैं तो सेलिंग एंड परचेज ऑफ एसेट्स बेसिकली तो एक ही करके अगर हमें नाम लिखना रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं रेलिवेंट एक्टिविटी अगर पहला लिखना होगा तो सेलिंग एंड यह हमारे इंस्टीट्यूट के आंसर uh, में भी दिया हुआ है सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द एसेट्स बेसिकली हम लोग एसेट फाइनेंशियल एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसके परचेज और सेल का वो जो एक्टिविटी है दैट इज रेलिवेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ना सिर्फ सेलिंग उसको मैनेज करना मैनेजिंग फाइनेंशियल एसेट्स ड्यूरिंग दी लाइफ दिस इज ऑल्सो अ रेलिवेंट एक्टिविटी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि एस एफ एम का क्वेश्चन इसमें डाल दिया एंसर इज यस हो सकता है ऐसा बट इतना तो चलता है और ये इंपॉर्टेंट है कि डिटमाइनिंग दी फंडिंग स्ट्रक्चर फंडिंग स्ट्रक्चर मतलब हमें कितना पैसा लेना है और कहाँ से लेना है यूके पाउंड से कितना लेना है यूएस डॉलर से कितना लेना है और इंडियन मार्केट में हमें कितने की लोन नोट इश्यू करने एंड और डिटरमाइन करना फंडिंग स्ट्रक्चर एंड ऑप्टेनिंग फंडिंग

ये आपको मैं समझाता हूं हेजिंग दी करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क का क्या मतलब है जैसे मैंने बोला करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है 75 तक पहुंच जा रही है ये आपको यहां पे तो पता नहीं था लेकिन आप उसको हेज कर दे रहे हो कि हेजिंग मतलब आप अपने रिस्क को नलीफाई मतलब कि कम कर रहे हो रिड्यूसिंग द रिस्क दैट इज वॉट हेजिंग इज आप कम पैसा दोगे मतलब आपका रिस्क कम होगा सो दट इज वॉट कॉल्डिंग बट रिडक्शन रिस्क आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ जाएगा तो जिससे कि आपको फाइनेंशियली इंपैक्ट पड़ेगा तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हेजिंग यहाँ पे करेंसी की फ्लक्चुएशन को हम लोग हेज कर रहे हैं. और इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट बेसिकली लोन नोट्स जो हम लोग इशू कर रहे हैं तो उसमें भी तो इंटरेस्ट रेट लग रहा है तो उसका लोन नोट्स का भी हमें पेमेंट करना है तो उसकी इंटरेस्ट रेट हमें कब लेना चाहिए किस वक्त लेना चाहिए या फिर किस वक्त हमें पेमेंट करने से अच्छा रहेगा जो लोन नोट्स हमारा रहेगा तो उसके भी रिस्क को हमें रिड्यूस करना चाहिए तो ये जो रिडक्शन होगा जो करना होगा जो डिसीजन मेकिंग होगा कि मेरे को यूएस डॉलर से फाइनेंशियल एसेट खरीदने हैं यूके पाउंड से खरीदने मुझे इस डेट पे खरीदने हैं इस वक्त रेट सस्ता रहता है या फिर हमें उस वक्त लेने हैं चाहे नहीं लेने हैं कैसे लेने हैं सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट रेलिवेंट दिस दिस फोर आर द रेलेवेंट एक्टिविटी यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स के बाद क्या आता है कोई बताएगा क्लियर है ना अगर कोई डाउट है यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन राइट नाउ चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन तो सवाल की क्या डिमांड है देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इज द ऑप्शन सब्सटेंटिव मीनिंगलेस से कंसिडरेबल है क्या ऑप्शन है वो चलिए देखते हैं क्या हमसे पूछ रहा है कि क्या ये सब्सटेंटिव है उसका मतलब मीनिंगफुल है मीनिंगलेस नहीं मीनिंगफुल है कंसिडरेबल है यानी आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं ऐसे ऑप्शन को क्या है आगे देखते हैं एन डी डी पी इट्स अ जनरल क्वेश्चन आप एक मान लीजिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आपसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे पूछते हैं या आपका कोई मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है वो आपसे ये सवाल पूछता है तो आपका क्या जवाब होगा ऐसे आप इस क्वेश्चन को देखिए तो बेहतर रहेगा एन डी डी पी डेवलप्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कोई दिक्कत नहीं अभी बहुत ज़रूरत है इसकी इट इज अक्वायर्ड फोर्टी सेवन परसेंट ऑफ एंटीटी एस पी ने अक्वायर कर लिया है एस के फोर्टी सेवन परसेंट मेजोरिटी वोटिंग राइट या फिर मेजोरिटी शेयर होल्डिंग अभी भी नहीं है विद एन ऑप्शन टू परचेज रिमेनिंग हो 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 उसके पास एक ऑप्शन है यही ऑप्शन की बात हो रही है क्या विद एन ऑप्शन टू परचेज और उसी ऑप्शन के लिए हमसे पूछा गया है कि क्या ये ऑप्शन सबस्टेंटिव है यहाँ तक देख के तो लग रहा है कि उनके पास फोर्टी सेवन परसेंट आ गया फिफ्टी थ्री परसेंट खरीद लो अगर पैसा आपके पास है तो यहां तक हमें लग रहा है आगे क्वेश्चन क्या पूछता हमसे या क्या कह कहना चाह रहा है या क्या डिटेल है आगे देखते हैं एनडीटी एस इज ए स्पेस एंटिटी दैट डेवलप्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डज रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स कोई दिक्कत नहीं है अच्छी बात है तो हमें तो और प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हमें इसको अक्वायर करना ही करना चाहिए एन डी टी पी हैज़ एक्वायर्ड स्टेक इन एस लिमिटेड यह पहले भी आपने बता दिया है अच्छा किस लिए क्या है टू कॉम्प्लीमेंट इट्स ओन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इसका मतलब कि वो लोग खुद रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च को और बेहतर और बेहतरीन और रेडियो टू सेल बनाने के लिए और अच्छी क्वालिटी देने के लिए और अच्छे प्राइस पर देने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं द रिमेनिंग फिफ्टी थ्री परसेंट इज हेल्ड बाई खी मैनेजमेंट ऑफ पी लिमिटेड ओ माई गॉड ये पी लिमिटेड है पी लिमिटेड के जो के एम पीज हैं की मैनेजेरियल पर्सनस हैं वही होल्ड करते हैं फिफ्टी थ्री परसेंट ऑफ एस लिमिटेड समझ आ रहा है तो ये पी लिमिटेड है इसके पास एस लिमिटेड का फोर्टी थ्री सेवन परसेंट तो है फोर्टी सेवन परसेंट तो शेयर होल्डिंग है लेकिन इसके पास एक ऑप्शन है वो फिफ्टी थ्री परसेंट एक्वायर कर सकता है लेकिन जो ये ये जो शेयर होल्डर्स हैं वो की मैनेजमेंट पर्सन ऑफ पी लिमिटेड सेल्फ है समझ रहे हो आप देखते आगे क्या होता है हु तो मेजर प्रोजेक्ट दैट विल मार्केट एक बहुत ही मेजर मतलब कि डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है पी के लिए अगर वो मार्केट से चला जाता है तो उसके हाथ से निकल जाता है वो प्रोडक्ट तो। और हुआ की टू रनिंग उसको रन करने के लिए जो कि बहुत ही की पर्सन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जो एस के शेयर होल्डर हैं फिफ्टी थ्री परसेंट के लिए और पी की के एम पीज भी हैं ओके मेडिसिन विद द फीचर्स कंप्लीटली न्यू टू द इंडस्ट्री एक नया प्रोडक्ट एक नई रिवोल्यूशन लेके आ रहे हैं लोग और उसको मार्केट में रन करने के लिए मार्केट करने के लिए ये जो की मैनेजरियल पर्सनस है इंपॉर्टेंट है पी के लिए तो वो तो अभी तो पी में है ही क्या दिक्कत है हाव एवोर इफ पी लिमिटेड एक्सरसाइज ओ माई गॉड हाउ एवर वर्ड से डर लगता है अपने क्या क्यों गुस्सा हो रहे भाई लोग आप लोग हरी चटनी खाओ हरे कलर ये थ्री मैंने बनाया इट कैन बी मोर और एनी वन ऐसे ही मैंने बनाया थ्री लोक को ऑल दो ड्राॅइंग इतनी अच्छी नहीं है ये लोग बोले कि भाई सुनो देखो सब ठीक है सब ठीक है लेकिन जैसे ही तुम हमारी शेयर होल्डर्स आई I मीन mean हमारी शेयर होल्डिंग्स एस से खरीद लोगे उस वक्त हम आपको टाटा बाबा पासीबा मर्सी थैंक यू इन विच एवर लैंग्वेज बोल के निकल लेंगे ठीक है पासीबा आई गेस रसिया में बोलते हैं थैंक यू को पासीबा समथिंग दे हैव यूनिक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उनके पास बहुत ही तगड़ा नॉलेज है इन रिलेशन टू दिस स्पेसिफिक मेडिसिन ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज फाइव टाइम्स और जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है जिसपे लोग खरीदेंगे पी लिमिटेड जो फिफ्टी थ्री परसेंट खरीदेगा उसकी स्ट्राइक प्राइस है फाइव टाइम्स शेयर प्राइस सो इज द ऑप्शन सब और नॉट पांच गुना पैसा ज्यादा भी लगेगा और साथ साथ आपको अपनी की मैनेजरियल पर्सन छोड़ने होंगे तो आपका डिसीजन क्या सोचिए देखो तो इसमें दो डिसाइडिंग फैक्टर है आपने अगर सोच लिया हो तो पहला है कि की मैनेजेरियल पर्सन का लॉस ये चले जाएंगे आपको छोड़ के जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जो टेक्नोलॉजी उसको मार्केट में लाने के लिए बेचने के लिए और उनके पास बहुत ही टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी है तो एक इनका लॉस हो जाएगा आपको पा, आपके पास और दूसरी चीज़ है इसकी हायर स्ट्राइक प्राइस हायर स्ट्राइक प्राइज तो ये दोनों आपके लिए क्या है इकोनॉमिक लॉस हो रहा है आपके मैनेजमेंट चली जाएगी जिसके ऊपर आप पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिपेंड करते हो आपके नए प्रोडक्ट को रन करने के लिए और आपके लिए yeah. बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए सो no so दोनों से क्या है हो रहा है इनको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है सो बेसिकली देर इज नो इकोनॉमिक बेनिफिट ही इज डिराइविंग सो द ऑप्शन इज नॉट सब्सटेंटिव शुड नॉट ही शुड नॉट कंसिडर डेट एज पर द डेटा कीविंग चलिए अब करते हैं आगे फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट एबी लिमिटेड होल्ड फोर्टी परसेंट इन बी सी लिमिटेड ओके बी सी लिमिटेड में होल्ड करता है ए बी लिमिटेड फोर्टी परसेंट एंड सी डी लिमिटेड होल्ड सिक्सटी परसेंट इन बी सी लिमिटेड सो इसके दो शेयर होल्डर हो गए एक हो गया ए बी और एक हो गया सी डी इनके पास फोर्टी परसेंट है और इनके पास सिक्सटी परसेंट है क्लियर है ओके बी सी लिमिटेड इज कंट्रोल्ड थ्रू वोटिंग राइट बी सी लिमिटेड कंट्रोल की जाती है वोटिंग राइट के हिसाब से मतलब और कोई यहाँ पे पोटेंशियल राइट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ये सब नहीं ए बी लिमिटेड हैज कॉल ऑप्शन एक्सरसाइजल इन द नेक्स्ट द्री ईयरस फॉर फर्दर फोर्टी परसेंट ऑफ द इन्वेस्टी आने वाले थ्री ईयर्स में ये ऑप्शन एक एक्सरसाइज करेंगे और इनको फोर्टी परसेंट और शेयर होल्डिंग मिल जाएगी सो टोटल इनका मेजर वोटिंग राइट यहां पे इनको मिल सकता है मेजर शेयर होल्डिंग हो सकती है ए बी लिमिटेड की कहानी ओके okay. the option is deeply out of money and is expected to be the same over the life of the option ye option deeply out of money hai matlab ki abhi uh, padta kha nahi raha inko basically matlab uh, ye option ye log exercise कर, करने की कोशिश करेंगे फिर भी इनके पास पैसा नहीं रहेगा ऐसा लिखा हुआ फर्दर इन्वेस्ट Would not gain any non-financial benefit from the exercise of the option or ko ko non-financial benefit. Milega. Investor C D has been exercising its votes and is actively directing the relevant activity of the investee Is right of A B limited is substantive. Okay. So यहां पे क्लियर है कि आपके पास 40 परसेंट वोटिंग राइट है और आप चाहते हो कि आपके फ्यूचर में ये आई I मीन mean ये हो सकता है थ्री इयर्स में मेजोरिटी वोटिंग राइट आपके पास अभी माइनॉरिटी वोटिंग राइट है लेकिन जो ये ऑप्शन है बेसिकली आउट ऑफ मनी आउट ऑफ मनी मतलब या फिर डीपली आउट ऑफ मनी मतलब आप इसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं आपको पड़ता खाएगा या नहीं खाएगा मतलब आप खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो इतना बेसिक अगर बेसिकली अगर बोला जाए तो आज के हिसाब से आपके पास वो हिम्मत नहीं है कि वो आप खरीद पाओगे आप के लिए खरीद पाओगे बेसिकली उससे बेनिफिट मिल नहीं रहा उतना ज़्यादा जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसलिए आपके लिए वो डीपली आउट ऑफ मनी है कि उसमें लगा के भी कुछ फायदा होने वाला नहीं और कोई नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं तो करेंट डेट में तो फोर्टी परसेंट तो नॉन सब्सटेंटिव है ही है, कोई सब्सटेंट नहीं है और आने वाले वक्त में भी इसका कोई आ, जो थ्री इयर्स का टाइम है और ये ऑप्शन जो एक्सरसाइज होगा ये डीपली आउट ऑफ मनी रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि सेम ओवर लाइफ ऑफ द ऑप्शन पूरे तीन साल में वैसा ही रहेगा तो क्या ये ऑप्शन इज द राइट ऑफ ए बी लिमिटेड सब्सटेंटिव एंसर इज नो इसका कोई राइट right, सब्सटेंटिव नहीं है ठीक है मतलब वो रेलिवेंट एक्टिविटी को डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि मैं डीपली आउट ऑफ मनी हूँ इस ऑप्शन को लेके ठीक है फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन अभी इसके पास डीपली आउट ऑफ मनी नहीं रहता और वो ऑप्शन कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता था तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो सब्सटेंटिव राइट right हो सकता था उसके पास इन्वेस्टर ए एंड टू अदर इन्वेस्टर्स ईच होल्ड वन थर्ड ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ एन इनवेस्टी ठीक है एक इन्वेस्टर है और उसके साथ दो और इन्वेस्टर हैं टोटल थ्री इन्वेस्टर हैं बेसिकली ये इन्वेस्टर होल्ड करते हैं वन थर्ड मतलब थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ एन इन्वेस्टी द इन्वेस्टीज बिजनेस एक्टिविटीज क्लोजली रिलेटेड टू इन्वेस्टर ए और जो इन्वेस्टी का बिजनेस एक्टिविटी हो क्लोजली रिलेटेड है इन्वेस्टर ए से कोई दिक्कत नहीं है इन एडिशन टू इट्स एक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर ए आल्सो होल्ड्स डेट इंस्ट्रूमेंट ओके वो उसको लोन दे के रखा हुआ है इक्विटी तो है ही है उसके पास उसको लोन दे के भी रखा हुआ है दैट आर कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डनरी ऑफ इन्वेस्ट्री एट एनी टाइम ओ माई ड से वो कन्वर्ट करा के शेयर अपनी बढ़ा सकता है किसी भी वक्त किसी भी वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है बट नॉट डीपली आउट ऑफ मनी मतलब है आउट ऑफ मनी पैसा मतलब वो कंसीडर कर सकता है और कंसीडर नहीं भी कर सकता उसको खरीदना मतलब उससे उतना उसको फायदा है नहीं ना वो अफोर्ड कर सकता है फिर उसको लग नहीं रहा कि ये रिजनेबल है इसको खरीदना बेसिकली से रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको देखते हुए बोलते हैं आउट ऑफ मनी है या नहीं मतलब पड़ता खा रहा है या नहीं खा रहा है तो बोले इतना पैसा लगाएंगे रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन टोटली totally वो इससे निग्लेक्ट नहीं कर रहा है बोला कि हाँ आउट ऑफ मनी है बट हम इसको कभी भी खरीद सकते हैं इट द डेट वर कन्वर्टेड अब क्वेश्चन आपसे ये कि अगर डेट कन्वर्ट होते हैं इन्वेस्टर ए वुड होल्ड सिक्सटी परसेंट ऑफ द वोटिंग राइट अगर ऐसा हुआ तो राइट right इनके पास आ जाएगा ओ माई गॉड थर्टी थ्री से सीधा 60 आ जाएगा। तो क्या मेजोरिटी वोटिंग राइट मिलेगी या नहीं मिलेगी एंसर इज यस इन्वेस्टर ए वुड बेनिफिट फ्रॉम रियलाइजिंग सीनर्जीज इफ द डेट इंस्ट्रूमेंट वर कन्वर्टेड इन टू ऑर्डनरी शेयर और उससे उसको बेनिफिट मिलेगा ड इन्वेस्टर ए हैव अ पावर ऑफ एन यूनिवर्सिटी आंसर वुड बी येस क्यों ये जो लाइन लिखी हुई है कि एट एनी टाइम फॉर अ फिक्स प्राइस एक फिक्स प्राइस उसको देना है कोई फ्लक्चुएशन की बात नहीं फिक्स प्राइस दे रहा है और उससे इसको क्या होगा बेनिफिट होगा इस रियलाइजिंग डेट और इसके वजह से उसको क्या हो रहा है डेट इंस्ट्रूमेंट के कन्वर्ट होने से इसको बेनिफिट भी हो रहा है सो so, ये किसी भी वक्त इसको कन्वर्ट कर सकता है और उसकी शेयर होल्डिंग सिक्सटी परसेंट हो सकती है अगर ये चाहे तो आज ही वो कर सकता है तो उसके पास रेलिवेंट एक्टिविटी को डायरेक्ट करने के लिए राइट right है क्या उसके पास पावर ओवर इन्वेस्टी आंसर वुड बी येस इट हैज अ पावर ओवर इन्वेस्टी बिकॉज उसके पास एक डेढ़ इंस्ट्रूमेंट है जो कभी भी कन्वर्ट होके शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी शेयर होल्डिंग 60% हो जाएगी और इसका करने से उसका बेनिफिट भी हो रहा है बस आंसर वुड बी यस इट हैज पावर ओवर इन्वेस्टिंग ओके नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एंड एलिमिटेड हैज फोर्टी एट परसेंट ओके माइनॉरिटी वोटिंग राइट इनके पास बी लिमिटेड की रिमेनिंग वोटिंग राइट आर हेल्ड बाई थाउजेंड ऑफ दिस शेयर होल्डर्स नॉन इंडिविजुअली होल्डिंग मोर देन वन परसेंट और कोई ऐसा नहीं जो एक परसेंट से ज़्यादा होल्ड करता होगा नन ऑफ द शेयर होल्डर्स हैज एनी अरेजमेंट टू दू कंसल्ट एनी अदर टू मेक कलेक्टिव डिसीजन इनके पास फोर्टी एट परसेंट है लेकिन ये जो फिफ्टी टू परसेंट वाले लोग हैं ये कोई अफगानिस्तान रह सकता है कोई अमेरिका रह सकता है कोई मध्य प्रदेश रह रहा है कोई कन्याकुमारी में रह रहा है कोई जम्मू एंड कश्मीर में रह रहा है कहीं पे भी रह सकता है कोई मुंबई में रह रहा है मुंबई में शायद दो लोग रह रहे हों इसका कोई पता नहीं बहुत लोग हैं मोर देन थाउजेंड पीपल है और इनमें कोई वो व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बना हुआ ठीक है <laughs> व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता तो एक बार मैसेज कर देते कि इसके अगेंस्ट वोट करना तो काम हो जाता इसका कहने का मतलब है कि कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते इसके अगेंस्ट ठीक है तो हमने एक टर्म पढ़ा था स्टार्टिंग में ही माइनॉरिटी वोटिंग राइट होते हुए भी आपके पास राइट टू डायरेक्शन आ जाता है राइट टू डायरेक्शन आ जाता है टू रेलिवेंट एक्टिविटीज़ क्योंकि ये जो आपका जो रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डिंग है वो वाइड स्प्रेड है वो कलेक्टिव डिसीजंस नहीं ले सकता और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ होता है एक सेंटेंस यूज़ होता है वो आपको समझना होगा तो मैं लिख देता हूं एंड वो सेंटेंस है कि एब्सोल्यूट एब्सल्यूट साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड वर्सेस रिलेटिव साइज ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अदर्स ये एप्सल्यूट साइज हेल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट के और इनका कंपैरिजन होगा रिलेटिव साइज ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अदर्स इसका मतलब है कि आपके पास 48 परसेंट शेयर होल्डिंग है लेकिन ये जो 52 परसेंट है वो रिलेटिव साइज ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अदर्स क्या ये वाइड स्प्रेड है क्या ये कलेक्टिव है या नहीं अगर ये कलेक्टिव नहीं है तो ये आपसे भारी नहीं पड़ सकते वर्सेस ठीक है जॉन सीना वर्सेस जैसे होता ना डब्ल्यू डब्ल्यू में वैसा या तो फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो इनके पास फोर्टी एट परसेंट है लेकिन क्या ये फिफ्टी टू परसेंट इसको डिफिट कर सकता है आंसर इज यस इन सम केसेस नो इन सो मेनी केसेस कब यस होगा कब नो होगा जैसे कि ये शेयर्स वाइड स्प्रेड हैं मतलब बहुत हजारों लाखों लोगों में बटे हैं जैसे रिलायंस और बहुत लोग उसके शेयर होल्डर्स हैं और और कलेक्टिव डिसीजन से नहीं ले सकते कलेक्टिव डिसीजन बेसिकली आप बोल सकते हो अगर एक कंपनी जानबूझ के शेयर होल्डर्स का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाती नहीं तो लोग मिलजुल एक बार अटैक कर देते सीधा <laughs> इन ऐसे ऐसे सिनारी ठीक है तो ये कंपैरिजन होगा और इस केस में ये जीतता हुआ दिख रहा है क्योंकि वाइड स्प्रेड है और कलेक्टिव ये दोनों है नहीं सो डज ए लिमिटेड हैव सफिशिएंट डोमिनेट वोटिंग इंटरेस्ट टू मीट द पावर क्राइटेरियन आंसर इज यस इट हैज नाउ विल मूव टू क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो ऑन माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग्स एन इन्वेस्टर ए लिमिटेड होल्ड्स फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ राइट ऑफ एन इन्वेस्टी 11 अदर शेयर होल्डर्स ईच होल्डिंग of परसेंट ऑफ right राइट ऑफ दस्टी यहाँ पर कहानी इंटरेस्टिंग है आप फोर्टी फाइव परसेंट हो आप फोर्टी फाइव परसेंट हो आपके जो वर्सेज है वो सिर्फ और सिर्फ ग्यारह लोग हैं इंटू इलेवन मतलब इलेवन पीपल एक लोग इंटू इलेवन एक लोग इंटू इलेवन, इलेवन, इलेवन क्या बात क्या बात फाइव इनकी शेयर होल्डिंग 11 है तो दैट इज 55% इनके पास 55% है क्या ये वाइड स्प्रेड है आंसर इज नो दिस आर नॉट वाइड स्प्रेड सो नन ऑफ दी शेयर होल्डर्स हैव कॉन्ट्रैक्टुअल एग्रीमेंट टू कंसल्ट एनी ऑफ अदर्स टू मेक अ कलेक्टिव डिसीजंस बट इनके पास कलेक्टिव डिसीजंस लेने की पावर नहीं है मतलब ये कलेक्टिवली डिसीजन नहीं ले सकते लेकिन क्या ये वाइड स्प्रेड है या नहीं है वाइड स्प्रेड है या नहीं है वाइड स्प्रेड है या नहीं आंसर इज नो क्या ये कलेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं आंसर इज नो तो यहां से आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं सो इन दी गिवन केस आप ऐसे लिख सकते हो कि इन दी गिवन केस एब्सोल्यूट साइज जो एब्सोल्यूट साइज ऑफ Investor versus relative size of other shareholders alone are not conclusive, alone are not conclusive. ऐसा क्यों है अब देखो एक चीज तो बोले कि वाइड स्प्रेड नहीं है लेकिन वो है ग्यारह तो ये क्या कलेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते ले सकते हैं भाई साहब हो सकता है ऐसे कि ग्यारह कभी मिले और डिसीजन ले लिए इसके अगेंस्ट तो उस केस में क्या होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो यहां पे जो ये जो दोनों डेटा दिया हुआ है कि ग्यारह लोग हैं और एक जगह और बोल रहा है कि कलेक्टिवली डिसीजन नहीं ले सकते मतलब इनका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है लेकिन ये लोग ग्यारह हैं तो इनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की जरूरत है तो इस डेटा को हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि किसके पास वोटिंग राइट रहेगी या फिर किसका पावर ओवर इन्वेस्ट्री रहेगा ठीक है तो ये कैन वी कंक्लूड आंसर इज नो वी कैन नॉट कंक्लूड वी नीड मोर एविडेंस मोर डेटा मोर फैक्ट्स, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ठीक है फिर आता question number A limited holds है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू ए लिमिटेड फोर्टी एट परसेंट ऑफ दोटिंग राइट्स एंड वाई लिमिटेड ईच होल्ड ट्वेंटी फिफ्टी टू और फोर्टी एट देर आर नो अदर अरेजमेंट दैट एफेक्ट डिसीजन मेकिंग हाउ हेज द पॉवर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द प्रेजेंट केस किसी के पास नहीं भाई साहब इनके पास फोर्टी एट परसेंट है इन लोगों के पास ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स परसेंट है तो बेसिकली ये इससे जुड़ जाए या फिर ये दोनों इन दोनों जुड़ जाए तो ज्वाइन कंट्रोल हो सकता है कंट्रोल यहाँ पे तो हमें दिख नहीं रहा है किसी एक सिंगल के पास पावर नहीं दिख रही तो क्या यहाँ पे माइनॉरिटी वोटिंग राइट होते हुए भी क्या ये डिसीजन ले पाएंगे या फिर इनका पावर ओवर इन्वेस्टी आंसर इज नो ही हैज़ नो पावर ओवर इन्वेस्टी बिकॉज दो ही लोग लगेंगे इनके डिसीजंस को चेंज करने के लिए सो so बेसिकली इनके पास नहीं है पावर ओवर इन्वेस्टिंग क्योंकि ये वाइड स्प्रेड नहीं था जो हमारा कंडीशन था एक फिर आता है इन्वेस्टर ए होल्ड 40% परसेंट ऑफ वोटिंग राइट ऑफ एन इन्वेस्टिंग एंड सिक्स अदर इन्वेस्टर ईच होल्ड अब यहाँ पे 40% परसेंट एक लोग होल्ड करते हैं और बाकी छह लोग ये छः लोग का तो हम ड्राइंग बना ही सकते हैं ठीक है यहाँ पे पीपल इनटू सिक्स नहीं करेंगे इनका टेन परसेंट ईच का है सिक्स करके सिक्सटी परसेंट ठीक है और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट ग्रांट्स इन्वेस्टर्स राइट टू अपॉइंट एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट है जो ग्रांट करता है इन्वेस्टर को ठीक है राइट टू अपॉइंट रिमूव एंड सेट द रिम्योरेशन ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द रेलिवेंट एक्टिविटीज एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट है जो ग्रांड करता है परमिशन देता है इन्वेस्टर्स को इनवेस्टर ग्रांड इन्वेस्टर एके जिसके पास माइनॉरिटी वोटिंग राइट है इसके पास एक राइट right है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right है इसके पास कि वो की मैनेजमेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकता है रिमूव कर सकता है उनकी रेमोनरेशन सेट कर सकता है जो कि रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करते हैं टू चेंज द एग्रीमेंट और उस एग्रीमेंट को चेंज करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने के लिए टू थर्ड मेजोरिटी लगेगी जो कि इन लोगों के पास नहीं है द शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड ओके इज द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द इन्वेस्टर्स वही वाला लाइन इज द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द इन्वेस्टर्स होल्डिंग एंड दी साइज़ ऑफ द देयर होल्डिंग लोन इज कंक्लूसिव इन डिटरिंग वेदर द इन्वेस्टर हैज़ सफिशेंट टू गिव इट पावर यहाँ पे बोल रहा है कि इज द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द इन्वेस्टर्स होल्डिंग इन्वेस्टर ई की बात हो रही है एंड द रिलेटिव साइज मतलब ये 40 परसेंट के अगेन जो रिलेटिव साइज है सिक्सटी परसेंट अ लोन इज कंक्लूसिव क्या इसी के बेसिस पे आप मान लिए जाएंगे डिटर्माइन कर देंगे कि वेदर इन्वेस्टर हैज़ अ सफिशियंट राइट सफिशेंट राइट टू गिव इट पावर मतलब वो उसके पास पावर ओवर इन्वेस्टरी आ जाएगा आंसर इज नो उसके पास सिर्फ इस बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो उसके पास पावर यूनिवर्सिटी है या नहीं उसका पास एक और चीज है उसके पास वो है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right. तो ये दोनों चीज को मिला के हम ये डिसाइड करेंगे क्या ये अलोन कंक्लूसिव है आंसर इज नो दिस इज द दिस इज नॉट अलोन कंक्लूसिव वी शुड आल्सो लुक इनटू द एग्रीमेंट दैट ग्रांट्स इन्वेस्टर ए विच हैज राइट टू अपॉइंट रिमूव एंड सेट द रिमोनरेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द रेलिवेंट एक्टिविटीज ओके और जो इनके पास पावर है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right है अपॉइंट करने का रिमूव करने का सेट करना रेमोनिशन मैनेजमेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द रिलीवेंट एक्टिविटीज क्या इस फैक्टर पे डायरेक्टली इनको ये डिसाइड हो सकता है क्या कि पावर ओवर इन्वेस्टी है ये डिपेंड करता है कि क्या ये पावर यूज करेंगे या नहीं ये माइट यूज ही माइट यूज द पावर और ये शायद यूज़ भी ना करे वो पावर तो इसके ऊपर वो भी डिपेंड करता है सो so बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ हम इसके साइज़ के ऊपर जो रेलिवेंट साइज़ शेयर होल्डिंग की साइज़ है उसी के ऊपर लोन डिसीजन ले लेंगे कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे आंसर इज नो हमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right को भी अपने असेसमेंट में लेना होगा और उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right ये यूज करेंगे या नहीं करेंगे ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर में आ गए अपने एन इन्वेस्टर होल्ड्स थर्टी फाइव परसेंट ऑफ वोटिंग राइट ऑफ एन इन्वेस्टर, ठीक है अच्छी बात है होल्ड करना चाहिए थ्री अदर इन्वेस्टर्स दिज आर शेयर होल्डर्स आर ए इन्वेस्टर्स ऑल्सो ईच होल्ड फाइव परसेंट ऑफ दोटिंग राइट ऑफ द इन्वेस्टिंग तो हमारे पास क्या ब्रेकअप है आ, ये थर्टी फाइव परसेंट हो गया और तीन लोग और हैं अब इन तीन लोगों की पहचान शिनाख्त जारी है पातालोक में जी नहीं फाइव परसेंट ये होल्ड करते हैं दैट मीन्स फिफ्टीन परसेंट इनि वन कैन एड थर्टी फाइव प्लस फिफ्टीन फॉर मी अगर किसी को मैथ आता है तो थर्टी फाइव प्लस फाइव फोर्टी प्लस टेन फिफ्टी परसेंट होल्ड करते हैं ये दोनों ये चारों लोग मिला के बेसिकली और जो रेस्ट है फिफ्टी परसेंट द रिमेनिंग वोटिंग राइट आर हेल्ड बाई न्यूमरस न्यूमरस अदर शेयर होल्डर्स मतलब वाइड स्प्रेड वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही माइनॉरिटी वोटिंग राइट में अपनी वाइड स्प्रेड देखते हैं और क्या देखते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right है इनके पास या नहीं या फिर ये कलेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते तो पहली चीज तो ये वाइड स्प्रेड है जो बाकी फिफ्टी परसेंट है दीज आर वाइडली स्प्रेड नॉन इंडिविजुअली होल्डिंग मोर देन वन परसेंट और कोई ऐसा नहीं है जो एक परसेंट से ज्यादा होल्ड कर सकता है इसमें फिफ्टी परसेंट वाली में सो नन ऑफ द शेयर होल्डर्स हैज अरेंजमेंट और उनके पास कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं मतलब व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है टू कंसल्ट एनी ऑफ दी अदर और मेक कलेक्टिव डिसीजन ठीक है तो ये सारे लोग university के छात्र नहीं हैं, जो कि एक कलेक्टिव डिसीजन लेने में विश्वास रखते हैं डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ मेजोरिटी वोट कास्ट एट रेलिवेंट शेयर होल्डर्स मीटिंग सिंपल सी बात है कि इनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर जिसके पास मेजोरिटी वोटिंग राइट रहेगी वही ये डिसीजन ले पाएगा उसी के फेवर में वो रेलिवेंट एक्टिविटीज़ के डिसीजंस लेने के पावर रहेंगे सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ द हैव बीन कास्ट एट अ रीसेंट शेयर होल्डर्स मीटिंग डज द इन्वेस्टर एबिलिटी To direct the the relevant activities at the industry unilaterally, 35% अकेले, अकेले, जय तो बोल सकते हैं क्या ये हाँ पे ये अकेले decisions ले सकते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं रेलिवेंट एक्टिविटीज को कि ये ऐसे होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो जब भी हम लोग बात करते हैं माइनॉरिटी वोटिंग राइट की तो हम रेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो इनकी शेयर होल्डिंग है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं अदर रिले जो रिलेटिव शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ और जिसका पलरा भारी भारी रहता है हम उसकी तरफ मूव कर जाते हैं ठीक है सो फिफ्टी परसेंट वाइड स्प्रेड है अब आप ऐसे समझो कि इन टोटल में से सेवेंटी फाइव परसेंट लोग आते हैं होने की सिर्फ और सिर्फ सिर्फ 75 परसेंट लोग अटेंड करते हैं 75 परसेंट ऑफ अटेंड उसमें से 35 इनका हो गया और रेस्ट कितना बचा एनी वन है कैलकुलेशन पच्चीस उधर हो गया इधर कितना हो गया थर्टी फाइव इंटू थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी परसेंट इधर हो गया मान लो इनके पास ये पूरे जाते हैं और बाकी लोग फोर्टी परसेंट आते हैं ठीक है अब सेवेंटी फाइव परसेंट में से एटलीस्ट इनके पास हाफ होने के लिए कितना चाहिए थर्टी सेवन पॉइंट फाइव चाहिए एटलीस्ट थर्टी सेवन पॉइंट फाइव जो कि इनके पास है नहीं मतलब सेवेंटी फाइव परसेंट लोग भी आ रहे हैं तब भी इनके पास वोटिंग पावर है नहीं तो क्या यह इंडिविजुअली रिलेवेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं आंसर वुड भी डेफिनेटली बिग नो नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो कंपेरिजन है जो इनकी शेयर होल्डिंग है वर्सेज रिलेवेट रिलेटिव शेयर होल्डर्स जो अदर्स रिलेटिव अदर शेयर होल्डर्स वो भारी पड़ रहे हैं यहाँ पर ठीक है वो यहाँ पर डिसीजनस को चेंज कर सकते हैं ले सकते है। तो ये रहा इस अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से जो 15% परसेंट के अलावा जो लोग हैं मान लो ये फिफ्टीन फाइव परसेंट वाले लोग आए हैं उसमें से कुछ लोग को ये अपने तरफ ले लें या फिर अदर शेयर होल्डर्स में से अपने तरफ ले लें तो यूनिलैटरल का सवाल नहीं होता यूनिलैटरली ही कैन नॉट टेक डिसीजन आई गेटिंग माई पॉइंट और सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर होल्डर्स अगर आते हैं आपके बोर्ड मीटिंग में तो भाई साहब बहुत बड़ी बात आई मीन दिस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको स्कूल में सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क आई मीन अटेंडेंस पे आपको एग्ज़ाम में बैठने दे दिया जाता था तो वो क्या माना जाता कि आपका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है सो सेम ईयर ठीक है तो ये यूनिलैटरली नहीं ले सकते डिसीजन्स दैट इज हाउ दैट इज वॉट वी कैन हियर क्वेश्चन बड़ा लग रहा है क्या देख के चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सवाल में आखिरकार क्या सवाल fund? क्या fund है डज द फंड मैनेजर हैव कंट्रोल ओवर द फंड क्या फंड मैनेजर का कंट्रोल है फंड के ऊपर आइए देखते हैं आगे सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन

the fund was marketed to the investor as an investment in the diversified portfolio of the equity security of the public traded entities ab us fund mein ye fund hai ye paisa yahan pe investors log paisa lagate hain is fund mein और यहाँ से क्या expect करते हैं यहाँ से लोग return expect करते हैं ये लोग पैसा लगाए और जो ये fund manager भाई साहब हैं इन्होंने बोला कि ये वाला जो fund है इसको हम लोग कहाँ लगाएंगे publicly traded एंटिटीज में पैसा लगाएंगे जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न लगेगा तो वैसा ये मार्केट किया गया है फंड मैनेजर के द्वारा विद इन द डिफाइंड पैरामीटर्स द फंड मैनेजर है अबाउट द एसेट इन विच टू इन्वेस्ट और वो उसके हिसाब से अपने हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ पे नहीं द फंड मैनेजर हैज मेड अ टेन परसेंट प्रो राटा इन्वेस्टमेंट उसने खुद का दस परसेंट इन्वेस्ट किया हुआ है इस कंपनी में ठीक है आई I मीन mean, इस फंड में सॉरी कंपनी में नहीं एंड रिसीव अ मार्केट बेस्ड और उसको क्या मिलता है एंड रिसीव्स अ मार्केट बेस्ड फीस फॉर दर्विसेज इक्वल टू वन परसेंट ऑफ एन ए वी ऑफ द फंड और उसकी सर्विसेज के लिए ये जो इसकी मैनेजमेंट करता है उसके लिए उसको वन परसेंट मिलता है इस फंड के एन ए वी के वैल्यू का वन परसेंट ठीक है तो बेसिकली वो वहाँ पर नौकरी कर रहा है उसके लिए उसको वन परसेंट कमीशन मिल रहा है और उसने खुद इस फंड में दस परसेंट लगाया हुआ है मतलब आ, जो फीस है वो अकॉर्डेंस विदिज जितना वो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से वो बराबर है द फंड मैनेजर डज नॉट में उसका इन्वेस्टमेंट है वहां तक का वो लॉस बियर करने के लिए रेडी क्योंकि उस पर क्या फर्क हो तो फंड मैनेज कर रहा है 100%, इसका टेन परसेंट तो बाकी लोग का कितना है नाइनटी परसेंट इनके नाइनटी परसेंट के लिए वो जिम्मेदार नहीं है वो बस ये बोल रहा है कि हम आपका फंड है वो मैनेज कर रहे हैं ठीक है द फंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश एंड हैज नॉट स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस फंड में कोई ऐसा कंपलसन नहीं कि वहां पे एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे जो सारी चीजों को कंट्रोल करे और ऐसा हुआ भी नहीं रिक्वायर्ड भी नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं द इन्वेस्टर डू नॉट हैव एनी सब्सटूट राइट सब्सटेंटिव राइट और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कोई ऐसा राइट right नहीं है दैट वुड अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द फंड मैनेजर मतलब डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी है फंड मैनेजर की उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है मतलब ही हैज़ पावर ओवर इन्वेस्टिव वाला जो कॉलम था हमारा कंट्रोल की मीनिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था कंट्रोल कब होता है कंट्रोल हमने बनाया बताया था कि तीन कंडीशंस को फुलफिल करिए और कंट्रोल आपको हम ला के दे देंगे पहला था पावर ओवर यूनिवर्सिटी जिसमें आपके पास रहता है राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज और दूसरा रहता है एक्सपोज टू और स्लैश राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स और यहाँ पे पावर टू यूज़ बेसिकली पावर टू यूज़ बेसिकली ये जो पावर है आप उसको यूज़ कर पाए तो यहाँ पे ये वाली कंडीशंस तो फुलफ़िल हो, हो, तो हो, तो हो रही है या नहीं हो रही ये वाली कंडीशंस तो फुलफ़िल हो रही है आपके पास पावर है रिलेवेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करने का लेकिन ये कंट्रोल तीनों को मिला के होता है सो क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं हो रही ये भी हो रहा है बेसिकली थर्ड वाला कि पावर टू यूज है आपके पास आपको कोई रोक टोक नहीं रहा आप एजेंट नहीं हो ओके बट कैन मतलब इन लोगों मतलब इसको जो अदर इन्वेस्टर्स हैं नाइन्टी परसेंट वाले इसको रोक नहीं सकते इसके पास कोई है नहीं पावर इन लोगों के पास कि इसको हटा सकते बट कैन रिडीम देयर इंटरेस्ट विद इन पर्टिकुलर लिमिट सेट बाई द फंड और वो फंड से अपना पैसा निकाल सकते हैं जैसा फंड की लिमिट हो जैसे आपने इन्वेस्ट किया आप चाहो तो वहाँ से पैसा निकाल सकते हो एज पर द फंड रिक्वायरमेंट लेकिन वो फंड मैनेजर को आप हटा नहीं सकते डज द फंड मैनेजर हैव कंट्रोल ओवर द फंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बहुत ही यू कैन से दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट ऑल्सो और अच्छा क्वेश्चन है आपको लगेगा देख के कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है लेकिन आपको समझनी होगी पूरी चीज़ अगर आपको मैं समझाऊं तो इसमें आपको एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि पावर ओवर इन्वेस्टी है यहाँ पे आ, एक फंड मैनेजर का दूसरे और कोई मतलब उसको रोक नहीं सकता डिसीजन लेने के लिए ठीक है वो डिसीजन जहाँ इन्वेस्ट करना चाहे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में किस पोर्टफोलियो में जाए टाटा स्टील स्टील सेक्टर में जाए टेलीकॉम सेक्टर में जाए मतलब अपना पोर्टफोलियो बनाए स्टील का टेलीकॉम का ऑयल पेट्रोलियम किसी का भी वो अपना बनाए फार्मास्यूटिकल्स किसी का डाइवर्सिफाइड पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटी में इन्वेस्ट करी उस पर कोई रोक टोक नहीं है किसको परचेज करी किसको सेल करी इस पर कोई रोक टोक नहीं है तो इसका पावर ओवर इन्वेस्ट्री तो साफ साफ दिख रहा है और पावर वो यूज़ भी कर सकता है ये दिख रहा है लेकिन यहाँ पे जो एक टर्म और है एक्सपोज टू रिक्स टू वेरिएबल रिटर्न अब इसको हम लोग तो समझते हैं कि यहाँ पे ये यह है या नहीं इस क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ क्या हमने हर क्वेश्चन में चीज चेक किया एज्यूम कर ली कि वैसा हो गई होगा हमने एज्यूम कर ली कि वैसा हो गई होगा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं अगर हमसे ये पूछ बोल दे रहा है कि मेजोरिटी वोटिंग राइट है और ये नहीं बता दे रहा है कि किसका कितना परसेंट कैपिटल लगा कितना वेरिएबल रिटर्न हमसे क्या फर्क पड़ता है वेरिएबल रिटर्न एक्सपोज टू वेरिएबल राइट नहीं रिटर्न अब इनका वेरिएबल रिटर्न पे एक्सपोजर क्या मतलब कि इनको उस चीज के हिसाब से रिस्क रहना चाहिए तो ये तीन चीजों से मिला के आप समझ सकते हो पहली चीज हो गई आपकी कैपिटल रिस्क आपने अगर पैसा दबा के लगाया हुआ है तो आपको रिस्क है खतरा है और ये दबा के लगाया मतलब एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट आपने लगाया तो माना जाएगा कि आपकी कैपिटल रिस्क है इसमें आपका पैसा फंसा हुआ आपको डर है अगर ये परफॉर्म करता है अंडर परफॉर्म तो आपको दिक्कत है वहां से लिक्विडिटी लिक्विडिटी मतलब आपको उसके लॉस बियर करने पड़ेंगे मतलब आपको देना पड़ सकता है लॉस बियर करने पड़ेंगे जो कि इस केस में नहीं है ठीक है कैपिटल रिस्क है बिल्कुल है इन्होंने टेन परसेंट लगाया बस टेन परसेंट लगाया वही एक बात है और उससे आने वाले रिटर्न्स, रिटर्न्स क्या आ रहे हैं इनके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे और सर्विस के लिए उनको वन परसेंट एन मिलता है ठीक है तो इसका भी रिस्क है और वो मार्केट के हिसाब से सही है मतलब वो रिस्क जो जितना सर्विस प्रोवाइड होता है मार्केट में तो ये वाली कंडीशंस भी ठीक है और लॉस बियर इनको करना नहीं है तो मेन जो दिक्कत यहाँ पे है कि कंट्रोल कैपिटल रिस्क की है इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है इन्होंने इन्वेस्ट किया है टेन परसेंट तो क्या ये एक्सपोज्ड हैं वेरिएबल रिटर्न से या नहीं क्या ये एक्सपोज हैं वेरिएबल रिटर्न से या नहीं आंसर इज एट लीस्ट यू शुड इन्वेस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ योर कैपिटल देन इट विल बी एज्यूम्ड दैट यू आर एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न और यू हैव अ राइट टू वेरिएबल रिटर्न आपको खतरा है उसके वेरिएबल रिटर्न से तब माना जाएगा जब आपकी कैपिटल रिस्क एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट रहेगी तो मतलब दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर वेदर यू हैव अ कंट्रोल ओवर इट और नॉट तो इन दिस केस पहला कंडीशन हमें तीन कंडीशन फुलफिल करनी है एक फंड मैनेजर को जो कि डिसीजन मेकर है उसके कंट्रोल के होने या ना होने में पहली कंडीशन इन्होंने पूरी कर दी कोई दिक्कत नहीं इनके पास पावर ओवर इन्वेस्टी है इन्होंने दूसरी कंडीशंस फुलफिल नहीं की दैट इज एक्सपोज्ड और स्लैश राइट टू वेरिएबल रिटर्न ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई और तीसरी कंडीशन है पावर टू यूज जो इनके पास पावर हो यूज कर पा रहे ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है सो so, कंट्रोल तभी होगा जब आप ऑल दी कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होंगे तभी आपको माना जाएगा कि आपके पास पावर आई मीन आपका पूरा कंट्रोल है आपका कंट्रोल है यहां पे तो आंसर विल बी डी फंड मैनेजर हैव कंट्रोल ओवर फंड आंसर विल बी नो बिकॉज

does not have a control over the fund because it does not qualify the meaning of the control jo humne indias 110 mein kiya tha indias 110 ka question number 63 mein humne uska answer pura likha tha uske pure conditions ko satisfy nahi karta अच्छा क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी क्वेश्चन देखते हैं अच्छा question है ये क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स अ डिसीजन मेकर आदित्य बिरला मनी लिमिटेड स्पॉन्सर अ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ठीक है विच इशू इट्स यूनिट इंस्ट्रूमेंट टू अनरिलेटेड थर्ड पार्टी इन्वेस्टर और वो अपने यूनिट को अनरिलेटेड थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को इशू करता द ट्रांजेक्शन वॉज मार्केटेड एज इन्वेस्टमेंट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ हाईली ए ए रिलेटेड लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म एसेट्स विथ मिनिमम क्रेडिट रिस्क और ये ऐसा अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं कि आप यहाँ पे पैसा लगाइए और लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म एसेट है यहाँ पे और हाईली ए, ए रेटेड मतलब अच्छा आपको रिटर्न यहाँ पे लोग ला के देंगे मतलब आपका रिस्क यहाँ पे कम है रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा वेरियस ट्रांसफरर सेल्स अबब लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म टू द फंड और बहुत सारे जो ट्रांसफरर थे उन्होंने बेचा each transferor services the portfolio of the asset that it sells to the fund and manages receivable as the default for the market servicing fee, for a market-based servicing fees. each transferor also provides first-loss protect, protection against credit losses from its assets portfolio through over collateralization of the asset transfer to the fund. this bijejo purikahani, a part one. Hai. और जब तक सीरीज का पार्ट वन आप नहीं समझोगे तब तक पार्ट टू समझ में आएगा नहीं तो इसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए फिनेंस का तो चलिए हम थोड़ा सा आपको नॉलेज देते हैं हल्का हल्का इंडेप्थ नहीं फिर भी इतना कि आपको समझ में आ जाए एक डिसीजन मेकर आदित्य बिरला लिमिटेड बेसिकली एक कंपनी है जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड चलाती है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कोई बताएगा वेट करें क्या <laughs> कैसे बताएगा कमेंट में थोड़ी नहीं लिखेगा बेसिकली ये लोग करते क्या ये इन्वेस्ट करते हैं जो ये म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड क्या होता है ये एक फंड है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और इस फंड को इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड है कोई डेट ओरिएंटेड है तो इक्विटी ओरिएंटेड वाला ये फंड को इक्विटी में पैसा लगा के रिटर्न लाएगा और अपने इन्वेस्टर्स को पे करेगा रिटर्न उसको देगा ठीक है तो वैसे ही डेट वाले में क्या होगा डेट ओरिएंटेड जो बॉन्ड रहेंगे जैसे कि बॉन्ड हो गया गवर्नमेंट का कॉरपोरेट डेट हो गया डेट सिक्योरिटी हो गया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया उसमें पैसा लगाए बेसिकली दीज आर दी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं जहाँ से एक फिक्स्ड इनकम आता है इसको सेफ भी माना जाता है ठीक है सो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसका पैसा डेट में लगता है जैसे कंपनी बॉन्ड इशू की तो उस बॉन्ड को हम खरीद लिए सो बेसिकली हमने उस कंपनी को लोन दे दिया ठीक है सो so हम म्यूचुअल फंड से लोन देते हैं लोगों को और उससे एक फिक्स इनकम कमाते हैं सो so कंपनी नहीं गवर्नमेंट भी हो सकती गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं ऐसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकते हैं डेट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है ऐसे बहुत सारी ऑप्शनस हैं जो वो लोग डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में यूज़ करते हैं तो ये समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड डेट ओरिएंटेड है मतलब वो लोगों को लोन देगा बेसिकली और वहाँ से पैसा रिटर्न कमाएगा और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न देगा ठीक है विच इशू इट्स यूनिट इंस्ट्रूमेंट टू अन रिलेटेड थर्ड पार्टीज और ये थर्ड पार्टी को इन्वेस्टर्स को ये लोग म्यूचुअल फंड के यूनिट बेचते हैं एक यूनिट आप खरीदे दो यूनिट खरीदे एक तो उसके हिसाब से ये बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं जो थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स हैं कोई दिक्कत नहीं और इनसे कोई रिलेटेड नहीं अनरिलेटेड थर्ड पार्टी कोई ये लोग अनरिलेटेड थर्ड पार्टी मतलब जिससे कि ये जो स्पॉन्सर्स है आदित्य बिरला लिमिटेड उसका कोई रिलेशन नहीं उसके बीच में एक और लोग आएगा इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये अनरिलेटेड है आदित्य बिरला मनी लिमिटेड से मतलब इसके बीच में कोई एक और आदमी होगा जो इनका काम कराता होगा मतलब ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है ए बी एम एल और ये थर्ड पार्टी इन्वेस्टर हो गए और इनके बीच में जो यूनिट को सेल कराते होंगे मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट कराते होंगे इनसे इन्वेस्टमेंट लेके इधर पैसा देते होंगे तो वो एक पार्टी और होंगे तो वो आइए देखते हैं क्या है द ट्रांजेक्शन वॉज मार्केटेड एज इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो ऑफ हाईली ए रेटेड अब हाईली ट्रिपल ए रेटेड का क्या मतलब है हाँ, इसका मतलब होता है कि इट हैज लेवल ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस और उसका मतलब क्या है उसका मतलब यह है कि उसके पास स्ट्रांगेस्ट कैपेसिटी है टू रीपे द इन्वेस्टर्स मतलब कि आप एक इन्वेस्टर हो और आप इस फंड में पैसा लगाते हो तो ये वाला जो फंड है वो ट्रिपल ए रेटेड है लॉन्ग टर्म हो एक साल दो साल पाँच साल दस साल शॉर्ट टर्म होगा एक साल दो साल छह महीना जितना भी होगा उतना वक्त के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक हाईली ट्रिपल रेटेड है मतलब इसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है आपके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करने की सो हाईली रेटेड है मतलब ये सेफ इन्वेस्टमेंट है ऑल्डो इसमें रिटर्न आपको कम मिलेगा ही मिलेगा ऑफकोर्स कम मिलेगा जहां पे रिस्क कम है रिटर्न भी कम रहता है विद मिनिमल विद मिनिमल क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर का क्या मतलब है अब जैसे कि आप यहां पे आदित्य बिरला लिमिटेड ड्रेड ओरिएंटेड सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है ठीक है तो आपने किसी को लोन दिया आप उसके क्रेडिट को देख के लोन देते हो। क्रेडिट मतलब पैसा देने की क्षमता उसकी कितनी है ठीक है क्रेडिट रिस्क मतलब मैक्सिमम क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर मतलब लॉस कितना हो सकता है जैसे कि बेसिकली आप समझिए कि एक बैंक है ठीक है बैंक ने लोन दिया ठीक है बैंक ने लोन दिया जैसे कि मान लो ए बी एम एल एक मिनट के लिए बैंक है इन्होंने किसी को लोन दिया और ये कंपनी है या फिर ये गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज इसकी क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर जो है वो बहुत ही कम है मतलब कि ये पैसा देने में सक्षम है मतलब ये पैसा लौटा सकता है मतलब यहाँ से ये रिटर्न कमा सकता है और ये आपको रिटर्न दे सकता है ये इस क्वेश्चन में ज्यादा आपको मैं बस समझा रहा हूँ ऑल दो इस क्वेश्चन की कंक्लूजन में निकलेगा नहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा फिर भी आपको जानना चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन क्या बोल रहा है सवाल क्या है आखिरकार वेरियस ट्रांसफर सेल्स अब लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म एसेट्स पोर्टफोलियो टू द इन्वेस्टर्स अब ये जो एज ए इन्वेस्टमेंट लोगों को बेचते हैं थर्ड पार्टी अनरिलेटेड थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को ये लोग बोलते हैं ऐसा कि भाई बहुत तगड़ा रिटर्न इसमें आप पैसा लगाइए आई मीन लो रिस्क है और इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट की रीपे की कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट है और जो ट्रांसफरर है जो ये काम करता है उसके लिए उसको क्या मिलता है वो सर्विस करता है मतलब वो एसेट्स को मेंटेन करता है और सेल करता है और मार्केट बेस्ड सर्विस फीस लेता है जैसे कि मान लो कि एक परसेंट दो परसेंट जो मार्केट में रेट है उसके हिसाब से ट्रांसफर उससे फीस ले लेता है मतलब वो काम करने का ये वाला मिडिल मैन का एजेंट का, का काम करने का वो फीस लेता है बेसिकली इज एन एजेंट इस ट्रांसफर ऑल्सो प्रोवाइड फर्स्ट लॉस प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट लॉस फ्रॉम इट्स एसेट्स पोर्टफोलियो थ्रू ओवर कोलिट्राइजेशन ऑफ द एसेट ट्रांसफर टू द फंड कहने का मतलब है कि आपकी एसेट की वैल्यू अगर ज़्यादा है मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर यहाँ के डेट से ज़्यादा हो गई तो मतलब आपका क्या मतलब है कि आप लॉस में जा रहे हो आपने पैसा लगाया आज डेट की वैल्यू कम है तो उसके लिए फर्स्ट लॉस प्रोटेक्शन वो लोग देता है सो so बेसिकली आप ये समझिए कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है बेसिकली वो स्पॉन्सर करती मतलब एक कंपनी है और वो अपना माल किसी एक आदमी से बिछवाती है तीसरे थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को और वहां से वो लोग पैसा कमाते हैं यहां तक इतना समझिए बस बात खत्म फिर बोलते हैं आगे द स्पॉन्सर्स स्टैब्लिस द टर्म ऑफ द फंड एंड मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ द फंड फॉर अ मार्केट बेस्ड फीस और ये क्या करता है फंड के टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस लिखता है कि ये ऐसे होना चाहिए ये फंड यहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए इनको देना चाहिए ये आ, ये वाली कंपनी में जाएगा वो वाला बॉन्ड खरीदेंगे ये वाले में इन्वेस्ट करेंगे सारा कौन देख रहा है ए बी एम एल

ऑफ़ द फंड एंड ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडी उससे जो भी रिटर्न आएगा वो सारा का सारा आपका स्पॉन्सर के पास जाएगा और उससे अगर लॉस हुआ लिक्विडिटी फैसिलिटी अगर पैसे की कमी हुई फंड में तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है तो एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न वाली फीलिंग आ रही है क्या इसके पास तो पावर ओवर इन्वेस्ट ये सारा डिसीजन ही ले रहा है उसके साथ साथ इसके पास एक्सपोज और स्लैश राइट टू वेरिएबल रिटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है द क्रेडिट इन्हांसमेंट प्रोवाइडेड बाई द स्पॉन्सर ऑब्जॉर्व लॉसेज अप टू फाइव परसेंट ऑफ दल दंड्स एसेट्स आफ्टर लॉसेज आर ऑब्जॉर्व बाई द ट्रांसफर्ड और ये लॉसेज भी ऑब्जॉर्व करते हैं द लिक्विडिटी फैसिलिटीज आर नॉट एडवास अगेंस्ट डिफॉल्टेड एसेट्स द इन्वेस्टर डू नॉट होल्ड सब्सटेंटिव राइट और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास कोई राइट दैट कूड अफेक्ट द डिसन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द स्पॉन्सर सो बेसिकली इसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है क्या ये एक्सपोज है क्या ये एक्सपोज है एक्सपोज टू राइट टू वेरिएबल रिटर्न आंसर इज़ यस ये फ़ंड को मैनेज करता है और इसके होने वाले रिटर्न भी ये लेता है और इससे होने वाली लिक्विडिटी फैसिलिटी मतलब इसके साथ रिस्क और रिटर्न दोनों जुड़ा हुआ है और ये क्या पावर यूज़ कर सकता है आंसर इज़ यस तो क्या स्पॉन्सर के पास कंट्रोल है आंसर विल बी यस ही हैज़ दी कंट्रोल बेसिकली सब काम तो ही कर रहा है अब बस एक थर्ड मैन आदमी को बुला के उससे सेल करवा रहा है और बाकी कंट्रोल तो उसके पास ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बाकी सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं द फंड मैनेजर ऑल्सो हैज अ टू परसेंट इन्वेस्टमेंट इन द फंड दैट अलाइंस इट्स इंटरेस्ट विद दोज ऑफ द अदर इन्वेस्टर्स एक फंड मैनेजर है उसका दो परसेंट इन्वेस्टमेंट है अपने ही फंड में जैसे कि उसके अदर इन्वेस्टर्स का द फंड मैनेजर डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू फंड लॉसिस बियॉन्ड इट्स टू परसेंट मतलब वो दो परसेंट लॉस के लिए जिम्मेदार है उसके बाद वो उस और लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं द इन्वेस्टर कैन रिमूव द फंड मैनेजर बाई सिंपल मेजोरिटी वोट बट ओ माई गॉट ओनली फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है उसके लिए ही सिर्फ ये लोग उसको हटा सकते हैं और बाकी के लिए नहीं कंसिडरिंग द डज द फंड मैनेजर कंट्रोल द फंड अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या इसके पास कंट्रोल है या नहीं तो कंट्रोल के लिए हम लोग क्या देखेंगे क्या इसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर है बिल्कुल है क्या इसके पास पावर ओवर है है क्यों है क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स इसको रिमूव कर सकते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी फॉर ओनली अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको बैंक वाला एग्जांपल याद होगा अगर स्टार्टिंग में हमने दिया था कि बैंक आपको कार लोन देता है आपने कार लोन नहीं दिया सो दैट इज अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और उसके वजह से वो कार आपसे लेके जाएगा और उसको बेच के पैसा कमाएगा तो वो राइट क्या था उसका प्रोटेक्टिव राइट था सो so वैसे इन्वेस्टर का ये वाला राइट प्रोटेक्टिव राइट है ठीक है ओके ऑन दी सेम टाइम इसकी दो परसेंट तो पहला तो इसके पास डिसीजन मेकिंग का पावर है पावर ऑफ इन्वेस्टी है आंसर इज यस बट क्या ये एक्सपोज है टू वेरिएबल रिटर्न आंसर इज नो दो परसेंट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बस जिम्मेदार है तो आंसर विल बी ही डज नॉट कंट्रोल द फंड क्लियर है एज सिंपल एज दिस फंड मैनेजर हैज अ मोर सब्सटेंशियल प्रोराटा सब्सटेंशियल प्रोराटा इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बट डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू फंड लॉसेज बट उसके लॉस से उसको मतलब उसका कोई रिस्क रिलेटेड नहीं करता बियॉन्ड दैट इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियल प्रोराटा इन्वेस्टमेंट है मतलब सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है बट उसके अलावा उसका कोई रिस्क नहीं रिलेटेड है उसके पास मतलब उससे बाद अगर कोई रिस्क होता है लॉस होता है वो बियर करेगा नहीं द इन्वेस्टर्स कैन एज रिमूव द फंड मैनेजर बाई ए सिंपल मेजोरिटी वोट बट ओनली फॉर अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो इसके पास क्या है प्रोटेक्टिव राइट right है फंड मैनेजर मैनेज करता तो मतलब उसके पास क्या है पावर ओवर इन्वेस्टी है ये लोग ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे उससे हटा सकते हैं ब्रीच ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट पे उसको हटा सकते हैं बट 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 वो राइट right हम लोग मानते हैं प्रोटेक्टिव राइट है प्रोटेक्टिव राइट आपको ये राइट नहीं देता कि आपको ये बोल दिया जाए कि आपके पास पावर ओवर इन्वेस्टी है ठीक है अब यहां पे क्या होगा और जो इसका रिस्क है एक्सपोज टू राइट टू वेरिएबल रिटर्न क्या ये सबस्टेंशियली इसको इंपैक्ट करेगा क्या इसका रिस्क सब्सटेंशियल आंसर इज यस सब्सटेंशियल प्रोराटा इन्वेस्टमेंट है तो इसकी रिस्क भी सब्सटेंशियल होगी तो इसका पावर ओवर इन्वेस्टी है प्रोटेक्टिव राइट पावर ओवर इन्वेस्टी नहीं होता है सो so, इसके पास रिस्क भी एक्सपोज है रिस्क से और इसके पास पावर ओवर इन्वेस्टी भी है और पावर टू यूज भी है जैसा हमने देखा तो ये कंट्रोल के डेफिनेशन को फुलफिल करता है आंसर विल बी यस ही हैज़ कंट्रोल ओवर फंड क्स्ट क्वेश्चन we'll एक फंड मैनेजर है जिसके पास ट्वेंटी परसेंट प्रोराटा इन्वेस्टमेंट है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखो मजा आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन दंड बट डज नॉट है मतलब आप, uh, इन्होंने ट्वेंटी परसेंट तो इन्वेस्ट करके रखा है उस फंड में और उसका ट्वेंटी परसेंट तक उनको लॉस कर सकते हैं वो। हैज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां से कहानी में आता है 20% रहता, रहता है तो हम लोग समझते थे कि हाँ यार एक्सपोज टू वेरिएबल रिस्क है इनका लेकिन द फंड बोर्ड ऑफ इंडिपेंडेंट किसी का किसी से कोई रिलेशन रिलेटिव नहीं है सब इंडिपेंडेंट ऑफ द फंड मैनेजर एंड आर ड बाई द इन्वेस्टर्स बाई दी अदर इन्वेस्टर्स 20 परसेंट इन्होंने इन्वेस्ट किया 80 परसेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो मेजोरिटी में है उन्होंने अपॉइंट किया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इनको चाबी देने के लिए बेसिकली द बोर्ड अपॉइंट द फंड मैनेजर एनुअली और बोर्ड अपॉइंट करता है फंड मैनेजर एनुअली इफ द बोर्ड डिसाइड्स नॉट टू रिन्यू बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर वो डिसाइड कर ले कि इनको नहीं लाना है तो वो क्या करेगा को हटा सकता है द सर्विस परफॉर्म बाई द फंड मैनेजर कुड बी परफॉर्म बाई अदर मैनेजर्स इन द इंडस्ट्री डज द फंड मैनेजर हैव द कंट्रोल सो वट विल बी योर आंसर यहां पे आपको दिख रहा है कि 20% परसेंट इन्वेस्टमेंट है ये इनके पास पावर ओवर इन्वेस्टी है या नहीं है एक्सपोज टू वेरिएबल रिस्क है लेकिन क्या इनके पास पावर ओवर इन्वेस्टी है या नहीं सोचना होगा आपको इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ये लोग रिमूव कर सकते हैं ठीक है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बैठे हुए जिसका 80 परसेंट शेयर होल्डिंग है तो मतलब आपको रिमूव किया जा सकता है तो आप बेसिकली इनके क्या हो गए एजेंट हो गए आप इनके बिहाफ पे काम कर रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाब पे वो आपको सेलेक्ट करके रखे हुए हैं आप उनके बिहाब पे काम कर रहे हो तो आपके पास पावर ओवर इन्वेस्टी है आपके पास आप एक्सपोज्ड हैं एक्सपोज्ड टू वेरिएबल रिस्क एंड रिटर्न वेरिएबल रिटर्न है, है। दोनों पहला दूसरा कंडीशन फुलफिल्ड हुआ तीसरा कंडीशन बोलता है पावर टू यूज क्या आपके पास पावर टू यूज है आप तो बेसिकली एक एजेंट की तरह हो आपको जब मन तब हटा दिया जा सकता है बेसिकली क्योंकि 80% परसेंट के जो इन्वेस्टर्स उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को बैठाया मतलब वो बेसिकली उनके फेवर में डिसीजन देंगे तो बेसिकली यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट टू मैनेज द फंड ओके सो यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द फंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज मोर कंट्रोल देन यू वो आपको हटा के किसी और को भी ला सकते समझ में आ रहा है आप उनके सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट की तरह काम कर रहे चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है हमारा मीनिंग ऑफ कंट्रोल पे हम लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोल की मीनिंग के ऊपर थ्योरी अगर आ, आप में से अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि टॉपिक क्या है तब ऑल दो नो कि सबको समझ में आ रहा है तो इस केस में कहानी के वैसे ही दो पार्ट है जैसा हमने बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में यहां तक है पार्ट वन और यहां पे पार्ट वन के बिना पार्ट टू आपको समझ में आ जाएगा तो हम लोग पार्ट टू पे फोकस करते हैं कि एक डिसीजन मेकर है द एसेट मैनेजर बेसिकली एक एसेट जो उसको मैनेज करता है डिसीजन मेकर मतलब कि मैनेज जो फंड मैनेजर होते हैं एक कंपनी जिसका नाम है नूर लिमिटेड मैनेजेस द पोर्टफोलियो बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्ट्रिक्टली और वो मैनेजमेंट करता है मतलब एक कंपनी है उसने एक डिसीजन मेकर अपॉइंट किया वो उसके बिहाफ पे जैसा वो बोलता है वो वैसा इन्वेस्टमेंट करता है ठीक है उस फंड के उस फंड के रिगार्डिंग फॉर सर्विसेज रेंडर और उसके लिए उसको क्या मिलता है फिक्स्ड फीस मिलती है ठीक है परफॉर्मेंस रिलेटेड फीस मिलती है और प्रॉफिट दस से ज़्यादा होता है तो उसके रिलेटेड मतलब परफॉर्मेंस फीस कितनी दो परसेंट मतलब बेसिकली उसकी सर्विस के लिए उसको फीस भी मिलती है द मैनेजर होल्ड फोर्टी परसेंट यहां से बेसिकली ये क्लाइमेक्स शुरू हो रहा है यहां से सीरीज का द एसेट मैनेजर होल्ड्स फोर्टी परसेंट ऑफ द इक्विटी इन दी फोर्टी परसेंट खुद वो हेल्ड करता है ठीक है द रिमेनिंग 60% परसेंट ऑफ द इक्विटी एंड ऑल द डिबेंचर्स आर हेल्ड बाई द लार्ज नंबर ऑफ वाइडली डिस्पर्ज अन रिलेटेड थर्ड पार्टी अब आपको याद आ रहा होगा कि माइनॉरिटी वोटिंग राइट वाले केस में हमने बात किया था कि आपके पास कंट्रोल रहेगा आपके पास राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटी रहेगी जब आपका जो शेयर्स है जो आपका शेयर्स है इन कंपेरिजन टू अदर आपका जब स्ट्रांग हुआ यहाँ पे क्यों स्ट्रांग हो सकता है जब ये वाइड स्प्रेड रहे कलेक्टिव व्हाट्सअप ग्रुप वाला डिसीजन ना ले पाए तो यही वाला केस यहाँ पे है कि रिमेनिंग सिक्सटी परसेंट क्या है इसके पास फोर्टी जो फंड मैनेजर उसके पास खुद के फोर्टी परसेंट है और बाकी लोग के पास कितने हैं सिक्सटी परसेंट जो कि वाइडली डिस्पर्ज हैं मतलब कि कोई किसी से रिलेशन नहीं है द एसेट मैनेजर कैन बी रिमूव विदाउट कॉज ऑफ द सिंपल मेजोरिटी डिसीजन ऑफ दी अदर इन्वेस्टर्स कह रहा है कि सिंपल मेजोरिटी से उसको हटाया जा सकता है लेकिन इसके पास खुद 40 परसेंट है तो ऑल दो इसके पास माइनॉरिटी वोटिंग राइट है फिर भी इसके पास राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटी एज ऑन टूडे है ऑल दो इसको बोला गया कि हम जैसा बोलेंगे वैसा करना अगर वैसा नहीं करेगा आप हटाने जाओगे भी तो हटा नहीं पाओगे क्योंकि ये वाइड स्प्रेड है खुद इसका फोर्टी परसेंट शेयर्स है इसके ऊपर इसके पास तो इसके पास पावर ओवर इन्वेस्टी हो गया क्योंकि इसके पास माइनॉरिटी वोटिंग राइट है और वो ऐसा वोटिंग राइट right है जो वाइड स्प्रेड होने और कलेक्टिव डिसीजंस जो अदर इन्वेस्टर्स नहीं ले पा रहे हैं उसके वजह से इसके पास उसका राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटी आ गया है और उसके साथ साथ ये एक्सपोज है एक्सपोज एक्सपोज है वेरिएबल रिटर्न की ठीक है और इसके पास पावर टू यूज तो है ही है सो दैट्स इट ही हैज कंट्रोल ओवर द इन्वेस्ट तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है कंट्रोल कंट्रोल कर लिया हमने कंट्रोल को इसके ऊपर हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं 60 से लेके 80 क्वेश्चंस तक और अभी तक पूरे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं 80 क्वेश्चन कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे बेसिकली हम लोग आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे एसोसिएट के बारे में और एसोसिएट के ऊपर हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं और एसोसिएट करने से पहले हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे व्हाट डज द एसोसिएट मीन सो बेसिकली वॉट इज द बेसिक्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ एसोशिएट फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ एसोशिएट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग ज्वाइंट एग्रीमेंट की के, के तरफ अग्रसर होंगे मतलब आगे बढ़ेंगे अग्रसर इज टू प्योर हिंदी यू नो बट या बट अच्छा वर्ड है अग्रसर तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और पहले समझते हैं एसोशिएट क्या होता है उसके पहले एक दो लाइन सुन लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा रिलैक्सिंग लाइन है तहजीब हाफ़ी बहुत अच्छे शायर हैं आप उनको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे उनका एक शेर है कि आपने शायद नहीं सुना होगा बिल्कुल नहीं सुना होगा शेर है कि मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता तेरे हिस्से में आए हुए बुरे दिन कोई दूसरा काटता मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज पे लारियां जैसे ट्रके चल रही हैं लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज पे मैं सारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता तो अगर तो इसको एक बार पूरा पढ़ें तो मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई और काटता लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज पे मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता ठीक है और अगर आपको सुनना है तो अभी कांच हूं अभी कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूं अभी कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूं जिस दिन आईना बनूंगा जिस दिन आईना बनूंगा उस दिन दुनिया देखेगी वाह! अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी सो आप भी आईना बनी अभी आप चुभ रहे होंगे अपनी पड़ोसियों की नजर में या फिर आस पास वालों की नजर में तो आपको याद ही होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग कहने दीजिए जो लोग कहते हैं आप अपना काम पूरी शिद्दत से करिए और हम लोग वही करने जा रहे हैं पढ़ेंगे हम लोग एसोशिएट के बारे में और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि एसोशिएट की मीनिंग क्या होती है बेसिकली हमने एसोशिएट का ट्रीटमेंट कर लिया है क्या हाँ हमने एसोशिएट ट्रीटमेंट पे पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है एसोसिएट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी उसके ऊपर छह क्वेश्चन हमारे पास जो हमने पहले ही खलास कर लिए है मतलब कंप्लीट कर लिए चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं सो so, एसोसिएट कौन होगा आपका एसोसिएट वो होगा अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ी तो ऐसे लिखेंगे कि एंटिटी ओवर विच इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक एक चीज को तोड़ेंगे फिर मजा आएगा देखिए एंटिटी ओवर विच इन्वेस्टर हैज वॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या आपको पता है एंटिटी क्या होती है कंपनी हो गई वो एक एंटिटी हो गई ओवर विच जिसके ऊपर इन्वेस्टर का क्या है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ओ माय गॉड मतलब अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है अच्छा खासा इन्फ्लुएंस influence है इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कैरी मिनाटी ने बोला था ना वो उस वीडियो में वैसा कुछ सो मान लीजिए कि एक मान लीजिए कि इंडिया है मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान ठीक है बोल दो ये एग्जांपल मेरे को लेना नहीं चाहिए था और इंडिया का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है अच्छा थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा और रिलिवेंट एग्जाम्पल लेता हूँ इंडिया है और आई है और इंडिया की जगह हम बी लिख देते हैं तो दैट विल बी मोर रिलेटेबल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जो करवाना चाह रहा है तो अल्टीमेटली वो, वो करा ही लेता है शशि थरूर ने एक बार शायद कहा था कि यूएन में जो अमेरिका का पावर है वैसे इंडिया का आईसीसी में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पावर है। तो बीसीसीआई का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मतलब वो अपना काम निकलवा लेता है वहाँ से मतलब सोर्स है बेसिकली अब ये सोर्स लाने के लिए कुछ तो करता होगा बीसीसीआई बीसीसीआई जितना पैसा कमाता है अपने यहाँ उसका मेजर चंक आई सी आई आई सॉरी आई सी सी लेता है आई सी आई नहीं आई सी सी लेता है तो पैसे के दम पे वो अपनी बात मनवा लेता है बोल रहा हम पैसा ही नहीं देंगे फिर तुम कैसे ऑपरेट करोगे मेरे बिना कैसे चलेगा आई सी सी नहीं चलेगा इंडिया इज क्रिकेट क्रिकेट इज इंडिया इंदिरा इज इंडिया इंडिया इज इंदिरा पहले इमरजेंसी के वक्त शायद ऐसा डायलॉग हमें मोदी जी बार बार बताते रहते हैं चलता था तो ये रहा सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का एक लेम मीनिंग मतलब बेसिकली इन जनरल इसको क्या समझते हैं लेकिन अगर अकाउंटिंग वर्ल्ड में जाएंगे तो उसका क्या मतलब होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स पावर टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑपरेटिंग स्लैश फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ एंटिटी एंटिटी का जो ऑपरेशनल डिसीजन है उसमें पावर टू पार्टिसिपेट मतलब आप वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं मतलब उस डिसीजन मेकिंग में आपका भी हाथ है मतलब आपके पास कुछ हद तक पावर है वहां पे अपना बात मनवाने की या फिर अपनी नाराजगी रखने की जैसे कि अभी हमारे असेंबली में शायद वो चल रहा था ना कि थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि थर्टी थ्री परसेंट वुमेन एम होनी चाहिए आई एम टोटली अग्री विद दिस बिकॉज जब तक वहाँ तक लोग नहीं आएंगे पावर में ऑल तो उसमें भी है कि जो रहेंगे एम पीज उनकी वाइफ चली जाएंगी फिर भी वहाँ पे वो लोग रहेंगे तो अपनी बात रखेंगे सो so, वो रिजर्वेशन बहुत दिन से पेंडिंग है आई थिंक वो जरूर रहना चाहिए और बाकी रिजर्वेशन का तो छोड़ ही दो ठीक है एंड वी आर वेरी मच लकी कि हमारा जो कोर्स है वो आउट ऑफ रिजर्वेशन है सो दैट इज रियली रियली गुड और तो पावर टू पार्टिसिपेट मतलब आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का अकाउंटिंग मीनिंग समझना है जो कि यहाँ पे हमें वही समझना है उसका मतलब होता है पावर टू पार्टिसिपेट आपको वहां पे भाग लेने का मौका मिलेगा इसकी और हिंदी करें तो भाग लेने की शक्ति आपके पास रहेगी क्योंकि देखो मान लो आपके पास कुछ शेयर होल्डिंग है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक डिसीजन ले रहे हैं तो आपके पास अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर रहेगा तो आपका कोई ना कोई उसमें तो बंदा रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपका कोई ना कोई, ना कोई एक डायरेक्टर रहेगा जो आपकी बात वहां डिसीजन मेकिंग में ला सकता है क्लियर है अब ये ऑप्टेन कैसे होगा भाई ये पावर ये शक्ति आपको बॉन बीटा पीने से तो नहीं आएगी या प्रोटीन एक्स पीने से आखिरकार शक्ति कहां से आएगी आपके पास बाय ऑप्टेनिंग वोटिंग राइट बाय ऑपटेनिंग आपको क्या करना पड़ेगा ऑप्टेन करना पड़ेगा वोटिंग राइट ऑप्टेनिंग वोटिंग राइट्स और अदर रीजंस जैसे कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट right है कि आपका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ रहेगा ही रहेगा मतलब आपकी पार्टिसिपेशन रहेगी रहेगी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग में और जो हमारा जनरल कंसिडरेशन रहता है कि आपकी वोटिंग राइट आई मीन आपका अगर वोटिंग पावर मतलब आपकी जो शेयर होल्डिंग है ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा है तो ये मान लिया जाता है कि आपके पास वोटिंग राइट है। बेसिकली शेयर होल्डिंग है तो आपके पास माना जाता है कि वोटिंग पावर आपके पास ट्वेंटी परसेंट है तो यू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर दी दिस इज जनरल टर्मिन टर्म जो कि जनरली यूज होता है बट क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 22% परसेंट आपके पास वोटिंग पावर है फिर भी आपका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मान लो 10 है उसमें से आपका कोई ना हो या फिर सिर्फ एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आपका कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई डायरेक्टर नहीं है ठीक है तो ये बड़ा सब्जेक्टिव है आपको केस टू केस देखना पड़ेगा कि आपकी पार्टिसिपेशन हो रही है नहीं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज पावर टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द एंटिटी अब क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास 18% परसेंट वोटिंग पावर है फिर भी आपके पास ऑपरेशनल ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का पावर है आपके पास तो क्या वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा आंसर इज यस वो भी सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस माना जाएगा यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 20% परसेंट वोटिंग पावर रहे तो ही आपको ये ऐसा कोई नहीं कि है कि मिनिमम क्राइटेरिया 20 परसेंट बाद में देखेंगे पावर टू पार्टिसिपेट है या नहीं ठीक है दिस इज जनरली एक्सेप्टेड दैट की ट्वेंटी परसेंट और मोर अगर आपके पास शेयर होल्डिंग है तो यह मान लिया जाता है कि आपका सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है ओवर दी एज एन इन्वेस्टर ओके और क्या एक अदर रीजन हो सकता है जैसे कि आपका जो एंटिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मान लीजिए आप उसके रॉ मटेरियल सप्लायर हो अगर आप रॉ मटेरियल सप्लायर हो अगर आप रॉ मटेरियल सप्लायर रोक देते हो उसके और उसका पूरा प्रोडक्शन ठप हो जाएगा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा तो क्या आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आंसर इज येस आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अगर आपके पास उसका की रॉ मटेरियल है जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता और आपके ही वो मिल रहा है और आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है या फिर की मैनेजरियल पर्सन आप खुद हो की मैनेजरियल पर्सन जिसके दम पे वो कंपनी चल रही है या फिर आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके दम पे वो कंपनी चल रही है तो आप आपका उस कंपनी के ऊपर सिंपली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या ब्रॉडर मीनिंग समझो उसकी कि आप उसके डिसीजंस को उसके ऑपरेशंस को ऑपरेशन के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो ऑपरेट क्या करेगा ऑपरेट करके फिनिश गुड्स बनाएगा ना अगर आप रॉ मटेरियल ही नहीं दे रहे हो उसको टेक्निकल नोहा ही नहीं दे रहे हो टेक्नोलॉजी ही नहीं दे रहे हो आपकी मैनेजरियल पर्सन अगर आप वही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो फिर ठीक है या फिर आप उसके बहुत बड़े बायर हो मतलब उसका सब्सटेंशियल सेल आपसे होता है अगर आप उसका माल ही खरीदना बंद कर दो तो कंपनी टफ हो जाएगी ना तो आपका उस कंपनी के ऊपर क्या है सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस इट डज नॉट मैटर हाउ मच सेयर डू यू होल्ड द ओनली थिंग मैटर्स डू यू हैव वॉट पावर टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द एंटिटी आप माल नहीं खरीदोगे तो ऑपरेशन ऑफ फाइनेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा तो क्या उससे उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा बताइए भाई और बहनों होगा या नहीं होगा बिल्कुल होगा सो दिस इज ऑल अबाउट एसोसिएट एंड वी विल लर्न मोर वाइल सॉल्विंग द्वेश्चन सो प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आएगा और हमारा पहले ही क्वेश्चन में एक अजीब प्राणी हमारे पास है और वो उनका नाम है कुकू लिमिटेड अच्छा so, राहुल लिमिटेड लिख देते लिमिटेड होल्ड्स ट्वेल्व परसेंट ऑफ दोटिंग शेयर इन बोहो लिमिटेड ओके बोर्ड कंप्राइजेस ऑफ एट एंड टू ऑफ दीज मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय कुकू लिमिटेड भाई साहब आठ बोर्ड मेंबर हैं ये क्या करते हैं डिसीजंस लेते हैं किस काम के लिए ऑपरेशन और फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और उसमें दो लोग कुकू लिमिटेड के ऑल दो उसके ट्वेल्व परसेंटेज शेयर्स हैं सो इस बोर्ड मेंबर हैज़ वन वोट एट मीटिंग इज बोहो एंड एसोसिएट ऑफ कुकू लिमिटेड हमसे ये पूछा जा रहा है क्या बोहो एक एसोसिएट है या नहीं है तो बताइए आप है या नहीं और इनके पास वोटिंग पावर कितना है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो क्या यह सिग्निफिकेंट है ट्वेंटी फाइव परसेंट मतलब बोर्ड में आठ लोग हैं उनमें से दो इनके हैं तो क्या यह बीस परसेंट से ज्यादा ये हमें देखना है हमें अगर ये बीस परसेंट से कम रहता तो भी क्या एसोसिएट हो सकता है या नहीं हो सकते हैं ये हमें यह डिसाइड करना है कि क्या इससे इसके डिसीजन पे इंपैक्ट पड़ रहा है नहीं पावर टू पार्टिस पावर टू पार्टिसिपेट हो रहा है नहीं क्या वो उस डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहे नहीं? नहीं कर यहां तो क्लियर कैसे कि 25 परसेंट इनके पास वोटिंग पावर है तो इनके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है सो यस बोहो लिमिटेड इज एन एसोसिएट बट हम फ्यूचर क्वेश्चन के लिए आपको बता रहे हैं कि हमको ये चेक नहीं करना है कि पच्चीस रहेगा बीस से ज्यादा तो ही माना जाएगा एसोसिएट है जैसे यहां पे शेयर होल्डिंग कितनी है ट्वेंटी परसेंट बट जो हमारा जनरल एजम्शन रहता है कि भाई ट्वेल्व परसेंट एसोसिएट कैसे हो सकता है हो सकता है ठीक है यही मैं कह रहा हूं इनका दो बोर्ड मेंबर्स हैं इनके पास तो इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है अगर आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आप फैक्ट्स और सरकम से शो कर पाते हो इेस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज देन यू आर यू कैन कॉल दैट एज योर एसोसिएट आपको बस फैक्ट और सरकम स्टांसेस शो करना है और हमारा लग रहा है लैपटॉप कर गया है हैंग आई थिंक सो तो उसके लिए क्या किया जाए स्टॉप करते हैं। और जरूर हैंग कर गया था अब सही हो गया है अगला क्वेश्चन देखते हैं।

प्रोडक्शन ये सारी बात ये करता है मेजोरिटी दैट इज 90% परसेंट ऑफ क्यू लिमिटेड सेल्स आर मेड टू दिटेल जो मेजोरिटी है रिटेलर्स को पी लिमिटेड पी लिमिटेड टेन परसेंट शेयर होल्डिंग इन द क्यू लिमिटेड इट एक्वायर द इंटरेस्ट मेनी इगो एट दिलेशनशिप डज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एग्जिस्ट कहा समझो कि पी लिमिटेड है और एक क्यू लिमिटेड है क्यू लिमिटेड क्या करता है मैन्युफैक्चर पी लिमिटेड करता है रिटेल बिजनेस ठीक है पी लिमिटेड इसको डिज़ाइन प्रोवाइड करता है एंड पार्टिसिपेट करता है उसकी शेड्यूलिंग में टाइमिंग में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में ठीक है तो ये सब काम इनका है कि कितना माल बनेगा कित कब बनेगा डिजाइन कैसी होगी ये पी लिमिटेड का काम है तो मेजोरिटी नाइन्टी परसेंट ऑफ द क्यू लिमिटेड क्यू लिमिटेड का जो 90% परसेंट सेल है आर मेड टू द रिटेलर्स रिटेलर पी लिमिटेड अब जो क्यू लिमिटेड का जो सेल है जो मैन्युफैक्चर करता है क्यू लिमिटेड उसका 90% परसेंट पी को ये बेचता है ठीक है और पी लिमिटेड होल्ड करता है सिर्फ टेन परसेंट पी लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ टेन परसेंट होल्ड करता है अब यहाँ पे क्यू लिमिटेड का समझो कहानी कि ये ये जो प्रोडक्शन करता है मैन्युफैक्चरिंग करता है वो किसके लिए करता है बेसिकली पी लिमिटेड के लिए और सेल भी करता है तो ये परचेस भी पी लिमिटेड के लिए कर रहा है और सेल भी पी लिमिटेड को कर रहा है और पी लिमिटेड का सिर्फ टेन इसके अंदर शेयर होल्डिंग है तो क्या होगा तो इसका क्लियर मतलब यह है कि पी लिमिटेड हैज सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस अगर आप आज भी उस इंफ्लुएंस उस सोच में बैठे हैं कि 20% परसेंट से ऊपर होगा तभी एसोसिएट होगा तो भाई भूल जाइए 20% परसेंट से ऊपर होगा वाली कहानी पुरानी हो गई है अभी आप जो समझेंगे वो एक वर्ड समझेंगे जिसमें हम लोग बार बार बोल रहे हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपके एक एक सेंटेंस हमने लिखा था पावर टू पार्टिसिपेट इन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिसीजन में पी का इम्पैक्ट है या नहीं है ये पी के लिए जी रहा है पी के लिए ही मर रहा है मतलब पी के लिए ही परचेज कर रहा है और पी के लिए ही सेल पी को ही सेल कर रहा है तो पूरा का पूरा उसका डिसीजन इसी के ऊपर डिपेंड करता है तो क्या ये इसका अस्तित्व पूरा पी पे डिपेंडेंट है यानी आज अगर वो पी माल नहीं ले उसके साथ मैन्युफैक्चर ना कराए तो क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इसका पी का तो दैट इज वाई पी का एसोसिएट हुआ क्यू आई मीन पी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट आंसर वुड बी एसोसिएट का बात नहीं डर इज इज सिफिकट इन सेम इंडस्ट्री बट इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन कोई दिक्कत नहीं है एक साउथ इंडिया और एक नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं एनटी टी एक्स अक्वायर्स टेन परसेंट शेयर होल्डिंग इन एंड सो शेयर होल्डिंग इन एनटी टी वाई एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट क्या कह रहा है कि एन टी एक्स और वाई है ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री वो लोग एक ही जगह जैसे हमने एग्जाम बोला अभी कि एक जगह साउथ और एक जगह नॉर्थ में है रीजनल है ईस्टर्न रीजन नॉर्थ रीजन साउथ रीजन वेस्ट रीजन एनटी टी एक्स एक्वायर्स उसने टेन परसेंट शेयर होल्डिंग अक्वायर करके रखी वाई में जो एक एग्रीमेंट के A new production process is key to serve a fundamental change in the strategic direction of the entity Y or a ek new production process. start basically, the term of agreement provides for entity Y to start a new production process under supervision of two managers from entity X. The managers seconded from Entity X, one of whom is on Entity's X board. विल ओवर सी दिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू स्टाफ द परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट ट्रेनिंग ऑफ द वर्क फ्रोस एंड द नेगोशिएशन ऑफ न्यू परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रॉ मटेरियल भाई सब सारा काम वही करेंगे जो एन डी टी एक्ट के द्वारा भेजे गए हैं दो रीजनल दो रीजन है साउथ नॉर्थ एन डी टी एक्ट सपोज साउथ में काम करता है और वाई नॉर्थ में तो इसने एक एग्रीमेंट साइन कराया इसका एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है जिसके तहत वो एक नया प्रोडक्शन लाइन शुरू करेगा जिसमें सारा काम ऑलमोस्ट वन ऑफ होम इज एंटिटीज दो लोग जो मैनेजर होंगे स्टार्ट न्यू प्रोडक्शन सुपरविजन ऑफ टू मैनेजर फ्रॉम एंटिटी एक्स एंटिटी एक्स से दो मैनेजर आएंगे उनके सुपरविजन में सारा काम होगा उसमें से एक एक्स का बोर्ड मेंबर खुद है उसमें सेलेक्शन से लेकर रिक्रूटमेंट से लेकर ऑफ न्यू इक्विपमेंट ट्रेनिंग एंड इवन नेगोशिएशन ऑफ न्यू परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर रॉ मटेरियल द ट्रू मैनेजर विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू एंटिटीज वाई बोर्ड एज वेल एज एंटिटीज डी एक्स एनालाइज अब इस सिचुएशन को हमें एनालाइज करनी है कि ये जो दोनों आ, दो अपॉइंट हुए हैं दो मैनेजर्स वो बेसिकली एंटिटी एक्स से आ रहे हैं और ये रिपोर्ट करेंगे एंटिटी वाई को भी और एंटिटी एक्स को भी दोनों को हमें इस सिचुएशन को एनालाइज करना है तो इससे क्लियर मैसेज जा रहा है कि एंटिटी एक्स हैज़ अ क्लियर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर वाई एज सिंपल एज दिस इसके पास सिर्फ और सिर्फ टेन परसेंट इन्वेस्टमेंट है यही मैं बोल रहा हूँ कब से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या इससे ज़्यादा होगा कि भाई रॉ मटेरियल जो डिसाइड होगा किससे खरीदा जाएगा जो कि प्रोडक्शन अगर मैन्युफैक्चर करो तो सबसे बड़ा कॉस्ट आपका रॉ मटेरियल का लगने वाला है उसकी पूरी की पूरी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो दो मैनेजर्स आएंगे वो भी एक्स से और एक्स के एक सीनियर एक मैन बोर्ड मेंबर खुद आएंगे आ, वो डिसाइड करेंगे वो खुद मैनेज कर रहे सो बेसिकली एक्स कंट्रोलिंग वाई इज डिट सो दैट इज़ वाई वी कैन से कि एक्स हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर वाई इन दिस पर्टिकुलर फैक्ट और स्टेटमेंट Now will move to the next. That will be our 84th. Show Limited has 18 interest in नाउलू ने माई गुडनेस भाई साहब सोल आपकी जो एटीन परसेंट interest है भगवान में हमें क्यों लगता है कि आत्मा हंड्रेड परसेंट रिलेटेड होगी गॉड से लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एटीन परसेंट इंटरेस्ट और बाकी उस सोल का यहाँ पे मन विचलित हो गया है पहले सतयुग में होता होगा हंड्रेड परसेंट हमारे यहाँ कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एटीन परसेंट इंटरेस्ट भगवान में बचा है सो लिमिटेड मैन्युफैक्चर मोबाइल टेन सारा मामला गड़बड़ हो गया सो लिमिटेड अभी मोबाइल टेलीफोन हैंडसेट मैन्युफैक्चर करता है यूजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप बाई गॉड लिमिटेड भगवान ने वो टेक्नोलॉजी बनाई उसको यूज करके वो फोन मैन्युफैक्चर करता है क्या उसके बिना बन सकता है क्या गॉड लिमिटेड लाइसेंस टेक्नोलॉजी टू सोल्स लिमिटेड एंड अपडेट लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी एज रेगुलर बेसिस देंडसेट्स आर सोल्ड बाई स एंड रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल सोल लिमिटेड इन सेल बोला कि हैंडसेट्स आर सोल्ड बाई सोल लिमिटेड एंड रिप्रेजेंट सब्सटेंशियली सोल्स लिमिटेज इन सेल ठीक है जो हैंडसेट मैन्युफैक्चर करता है सोल लिमिटेड और वो उसको बेचते हैं आई I मीन mean वो बेचता है अब कोई भी बेचे अब यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवेन कंपनी है टेक्नोलॉजी ड्रिवेन कंपनी में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जो आत्मा है जो आज फोन मैन्युफैक्चर करने लगी उसको लगा कि आज इंडिया में मार्केट बहुत तगड़ा है लोगों का सेंटिमेंट अभी है कि मेड इन इंडिया खरीदना है तो आप चले गए अपनी आपकी आत्मा चली गई फ़ोन मैन्युफैक्चर करने के लिए लेकिन करे तो करे कैसे तो उसने भगवान को याद किया गॉड से मदद मांगी और वो अपना काम शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी उसमें लगाया और बेच रहा दबा के तो क्या गॉड का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं भाई साहब इमोशनली मत सोचिएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी जब तक नहीं रहेगी तब तक आप तो काम नहीं कर पाओगे भगवान नहीं है तो आत्मा कैसे चलेगी सो बेसिकली गॉड हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर सोल क्या ऐसा लिखने में कितना अच्छा लग रहा है <laughs> वैसे फिर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर सो बेसिकली गॉड लिमिटेड गॉड लिमिटेड के एसोसिएट हो गए सोल so लिमिटेड और उसके पास एटीन परसेंट शेयर तो ट्वेंटी परसेंट का जो आपका पुराना ख्याल था ख्वाब था वो टूटता और बिखरता हुआ दिखाई दे रहा ठीक है फिर हैंग मत हो जाना भाई प्लीज प्लीज हैंग मत होना ओके ना एक्स लिमिटेड इन वाई लिमिटेड एंड इज इन टाइट वन डायरेक्टर टू दोर्ड विच कंसिस्ट ऑफ दाइव में रिमेनिंग एट्टी परसेंट ऑफ दोटिंग राइट बाई इज इन टाइटल पांच में से एक इनको मिलता है दो दो अलग अलग डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का दो लोगों को राइट मिलता है मेजोरिटीजन्स एटलीस्ट चार लोगों की ज़रूरत होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए तो कोरम मिनिमम कितने डायरेक्टर लगते हैं द अदर शेयर होल्डर्स फ्रिक्वेंटली कॉल बोर्ड मीटिंग्स एट शॉर्ट नोटिस एंड मेक डिसीजन इन दबसेंस ऑफ द एक्स लिमिटेड रिप्रजेंटेटिवस ओके एक्स लिमिटेड के रहने ना रहने से भी वो लोग डिसीजन ले लेते हैं बेसिकली कोरम uh, क्या होता है कि मिनिमम कितने लोग रहने चाहिए जिससे मीटिंग शुरू हो सकती है तो चार लोग यहाँ पे हैं और उसी से वो लोग डिसीजन ले लेते हैं, वो रहते हैं की भाई Limited, अब जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ होगा ऐसा लग रहा है एक्स लिमिटेड तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्या डिसीजन लिया जा रहा है फिर क्यों फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो ठीक है मांगना आपका हक हाँ है मिलना भी चाहिए ठीक <laughs> है एक्स लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेड बोर्ड मीटिंग्स okay but suggestion for items to be included on the agenda have been ignored and the other directors oppose any suggestion made by x limited okay, जो भी एजेंडा आता है उसको ignore कर दिया जाता है So, is why limited and associate of the एक्स लिमिटेड हमसे ये पूछा जा रहा है so, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे चार डायरेक्टर होते हैं और कोरम ऑफ फोर डायरेक्टर्स एंड अ मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन कोरम ऑफ फोर डायरेक्टर मतलब चार लोग रहेंगे तो मीटिंग शुरू होगी और उसमें से जो मेजोरिटी थ्री इस टू वन में जो डिसीज़न आया गया या फिर फोर इस थ्री जीरो थ्री आई मीन फोर जीरो थ्री इज टू वन जो आएगा डिसीजन उसको ले लिया जाता है द अदर शेयर होल्डर्स फ्रीकवेंटली कॉल बोर्ड मीटिंग एट द शॉर्ट नोटिस एंड मेक डिसीजन इन द एबसेंस ऑफ एक्स लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव वो शॉर्ट नोटिस भी शायद चुपके से कर लेते रहे हो ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा देखते हुए एक्स लिमिटेड ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मांगा वाई लिमिटेड से और बट वो इन्फॉर्मेशन इग्नोर कर दिया गया ठीक है जब एक्स लिमिटेड के रिप्रेजेंटेटिव ने अटेंड किया बोर्ड मीटिंग और उसके सजेशन उन्होंने दिए बट उसके सजेशंस को एजेंडा में बात करने के लिए एजेंडा फिक्स होता है ना तो उसमें इंक्लूड ही नहीं किया गया एंड अदर डायरेक्टर्स अपोज एनी सजेशन मेड बाई एक्सलिमिटेड और उसके द्वारा कोई भी सजेशन किया जाता था उसको इग्नोर कर दिया जाता था एक्स लिमिटेड ओन करता है वोटिंग राइट्स ऑफ ट्वेंटी परसेंट बिकॉज पाँच में से उसके एक डायरेक्टर है तो इस केस में हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक्स लिमिटेड की एसोसिएट वाई लिमिटेड है या नहीं तो हम क्या चेक करेंगे हम हमेशा की तरह चेक करेंगे कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं तो आपको क्या लगता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं चलिए समझते हैं इसके पास पावर टू पार्टिसिपेट है या नहीं हमारा जो मीनिंग था अगर आपको याद हो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का तो उसमें हमने क्या लिखा था पावर to participate in operating uh, slash financial decisions financial decision ठीक है तो क्या X limited के पास power है answer is yes उसके पास एक डायरेक्टर है आउट ऑफ फाइव और फाइव जो है सॉरी फोर जो है वो अदर है बट इसके पास पावर टू पार्टिसिपेट है बोर्ड और मीटिंग में जहाँ पर डिसीजन लिए जा रहे हैं लेकिन ये जो चारों मिल के इसके साथ खेल कर दे रहे हैं और इसको अपना जो पावर है उसको एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे हैं मतलब इसका पावर टू पार्टिसिपेट है तो इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है लेकिन वो एक्सटॉर्ट नहीं कर पा रहा है यहां पे अप्लाई नहीं कर पा रहा है उससे हमें मतलब है या कि नहीं है आपका पावर टू पार्टिसिपेट है या नहीं हम ये चेक कर रहे हैं आंसर इज यस पावर टू पार्टिसिपेट है आप वहां पे जाइए पार्टिसिपेट करिए डिसीजन मेकिंग में अपनी बात रखिए ठीक है तो ये वो लोग नहीं करने दे रहे हैं। तो हमारे हिसाब से ये लोग जो कर रहे हैं बेसिकली गलत कर रहे हैं इसको भी थोड़ा एफर्ट डाल के वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ घर पे बैठ के बट अभी जूम पे जूम पे भी मीटिंग कर सकते हो तो हमारे जो टेस्ट हैं उसमें पावर टू पार्टिसिपेट होना चाहिए इनके पास है या नहीं आंसर इज़ यस अगर पावर टू पार्टिसिपेट है आंसर इज आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या नहीं बोलेगा कोई यस या नो कोई बोलेगा आंसर इज नो नहीं यस yes, है क्योंकि आपके पास पावर टू पार्टिसिपेट है वहां पे आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो दैट इज इंपॉर्टेंट आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इससे तय होगा कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में कि नहीं जो डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन से है फाइनेंस रिलेटेड ठीक है तो यस yes,

कि 20 परसेंट से ऊपर शेयर होल्डिंग रहेगी तभी एसोसिएट होगा ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा कुछ नहीं बस आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहना चाहिए भले ही दस परसेंट आपकी शेयर होल्डिंग हो ठीक है तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा ज्वाइंट अरेंजमेंट वो हम लोग कवर करेंगे अब उसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे ज्वाइंट अरेंजमेंट तो चलिए शुरू करते हैं ज्वाइंट अरेंजमेंट का डिस्कशन ज्वाइंट अरेंजमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे फिर उसके क्वेश्चन के ऊपर चले थे एंड गो हम लोग कहाँ पे थे अभी 85 फाइव नंबर क्वेश्चन पे 86 सिक्स नंबर से क्वेश्चन शुरू होते हैं ज्वाइंट अरेंजमेंट के जो हम लोग करेंगे हमारा टॉपिक है अभी का वो है ज्वाइंट अरेंजमेंट शॉर्टली वी कॉलिड ज्वाइंट सॉर्टली वी कॉल इट जे एके कौन सा ईयस इस, इस पे एप्लीकेबल होता है इंडिया बेसिकली दिस इज गिवन इन इंडियस ट्रिपल वन क्रिकेट में स्कोर अच्छा नहीं माना जाता लेकिन हमारे यहाँ ये इंडियस हंड्रेड एंड इलेवन में दिया हुआ है और ट्रिपल वन है तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा ही लगेगा आपने अभी पढ़ लिया कि कंट्रोल की मीनिंग क्या होती है आपने पढ़ लिया है हैसोशीट so की मीनिंग क्या होती है अब इसके बाद जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे तीसरी चीज़ और वो होगी कि जॉइंट अरेंजमेंट का क्या मीनिंग होता है और ज्वाइंट अरेंजमेंट की मीनिंग के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इसके क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं हम बहुत बार बचपन से सुनते आ रहे हैं जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर ज्वाइंट अरेंजमेंट का पार्ट होता है ज्वाइंट वेंचर यह आपको क्या पता था आंसर कैन बी यस कैन बी नो और ज्वाइंट अरेंजमेंट का एक और पार्ट होता है ज्वाइंट ऑपरेशन ज्वाइंट ऑपरेशन एंड ज्वाइंट वेंचर सो देर आर टू पार्ट ऑफ द ज्वाइंट अरेंजमेंट हम इनकी क्लासिफिकेशन पे आएंगे लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि हम कैसे कहें कि ये जॉइंट अरेंजमेंट है तो उसको कहने के लिए बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन कि ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है हमको क्या करना पड़ेगा इसके बारे में समझना पड़ेगा और उसके बारे में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं ठीक है ड्राइंग छोड़ते हैं चलिए सो हैश टैग ज्वाइंट अरेंजमेंट शॉर्ट फॉर्म जे ए तो इसकी मीनिंग होती है कि जे ए इज नथिंग बट अरेंजमेंट नथिंग बट मैंने बोला है अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पार्टीज पीटीज नहीं पार्टीज जो अभी जाना अलाउड नहीं है विच रिक्वायर्स जॉइंट कंट्रोल ये इसका डेफिनेशन है आपको समझ में आया क्या समझ में आया क्या कि अरेंजमेंट क्या है टू और मोर तो समझ में आ गया कि टू और मोर मतलब दो से जितना भी अधिक इसका कोई लिमिट नहीं है आपको ये अरेंजमेंट समझना होगा पहली पॉइंट दूसरा पॉइंट आपको ये समझना होगा कि इट रिक्वायर्स रिक्वायर्स का क्या मतलब है तीसरा चीज आपको ये समझना होगा कि जॉइंट कंट्रोल आखिरकार क्या होता है ज्वाइंट कंट्रोल क्या होगा ज्वाइंट कंट्रोल आप पहले डेफिनेशन को एक एज अ होल समझिए कि जे ए इज अ अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पार्टीज विच रिक्वायर्स एंड ज्वाइंट कंट्रोल जे ए इज अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पार्टीज दो और दो से अधिक पार्टियों का अरेंजमेंट है अरेंजमेंट मतलब समझौता है कॉन्ट्रैक्ट है या मजबूरी है कि विच रिक्वायर ज्वाइंट कंट्रोल और जिस ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे जरूरत पड़ती है जॉइंट कंट्रोल की मतलब दोनों के साथ मिलने के बाद जो कंट्रोल आता है उसको ज्वाइंट कंट्रोल बोलेंगे इसको डिटेल में समझते हैं पहले ये समझते हैं कि अरेंजमेंट क्या है वॉट डू वी मीन बाई अरेंजमेंट ऐसे डेफिनेशन से एक ओवरऑल पिक्चर आपको मिल गई कि एक अरेंजमेंट है जहाँ पर दो से अधिक पार्टीज रहती हैं और ज्वाइंटली कोई चीज़ को कंट्रोल करती हैं एज सिम्पल एज दिस लेकिन अगर इसके थोड़े से इनडेप्थ में जाएंगे क्योंकि हमें ये मीनिंग आइडेंटिफाई करनी है जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी टेक्निकालिटी भी समझनी पड़ेगी और ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है क्या ठीक है यू कैन पॉज इट एंड री वॉच इट लाइक यू विल नो कि हाँ यहाँ से थ्यूरी है सो आई थॉट कि इसको एक बार कंबाइन करके रखा जाए तो जिससे कि बेहतर रहेगा कि आपको वन शॉट में थ्यूरी सारी क्लियर हो जाए ठीक है ओके चलिए पहले समझते हैं अरेंजमेंट का क्या मतलब है एकदम इजी पीजी जैसे कि अरेंजमेंट समझिए कि मोदी जी हैं एंड जी। मोदी जी और जी ने अग्री किया कि वो एक कंपनी जो है एक्स लिमिटेड या फिर समझ लो कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को चलाएंगे उन्होंने अग्री किया एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग मिल के इंडियन गवर्नमेंट चलाएंगे अकेले की बात है नहीं ठीक है या फिर ऐसे समझ लो कि यूपीए गवर्नमेंट थी जो पहले की गवर्नमेंट थी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी उसके साथ बहुत सारी रीजनल पार्टीज मिल के अग्री करती हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट को चलाएंगे जो यूपीए की प्रीवियसली गवर्नमेंट थी क्योंकि इनके पास अकेले का कंट्रोल नहीं था मैंने ये एग्जांपल क्यों नहीं लिया बाकी आगे कंटिन्यू क्यों किया क्यों नहीं किया कि यहाँ पे जो आपको पिक्चर मिलेगी कि इनको फुल मेजोरिटी तो पहले से ही है अगर यहाँ पर मान लो कि इनको फुल मेजोरिटी नहीं रहती और सा एक बाहरी आदमी जिससे कंट्रोल लेना पड़ता तो उससे अच्छा हम लोग ये एग्जाम्पल पर फोकस करें कि यूपीए वन यूपीए टू अगर आपको याद हो वन और टू दो गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस के पास नियर अबाउट 200 हंड्रेड सीट थी नियर अबाउट 200 हंड्रेड टू थर्टी में बी टू आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि फर्स्ट और सेकेंड में क्या थे तो उनको रीजनल पार्टीज का कंट्रोल लेना पड़ा और उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट चलाई दस साल तक तो वो लोग क्या किए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि मिनिमम प्रोग्राम होता उन लोग का कि मिनिमम की आप ये काम नहीं करोगे वो काम नहीं करोगे ये थोड़ा सा एग्रीमेंट किया कि हम इन शर्तों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट मिल के हम लोग चलाएंगे तो बेसिकली ये लोग क्या ये एक अरेंजमेंट है ये अल्टीमेटली किसी का मेजॉरिटी स्टेक इसमें है नहीं लेकिन उन लोग बोले कि हम मिलजुल के सरकार चलाएंगे मिली जुली सरकार जिसको आजकल कर बदनाम करके रख दिया गया और ये अग्री किया और ये एग्रीमेंट ओरली भी हो सकता है बोले कि चलो हम मिल के चलाते हैं ठीक है कोई बात नहीं तुम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो हम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और इंडियन गवर्नमेंट हम लोग मिल के चलाएंगे ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि यू पी ए आई मीन ऐसा समझिए दिल्ली का केस अगर आपको याद हो तो दिल्ली में क्या हुआ था एक बार आम आदमी पार्टी जीत गई थी और उसके पास सीट थी ही नहीं तो उसके पास दो ऑप्शन थे या कांग्रेस या फिर बीजेपी के साथ मिल के उसको सरकार चलानी पड़ती तो आपने कांग्रेस को चुना था भले वो सरकार बहुत दिन कम ही दिन तक चली थी तो ये इसके पास इतनी कम सीट थी कि उसको मजबूरी में कांग्रेस का साथ लेना पड़ा तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लीसिड इम्प्लीसिड भी हो सकता है अरेंजमेंट मतलब आपको मजबूरी में वैसा करना ही पड़ सकता ठीक है तो ये मिलके इंडियन गवर्नमेंट चला रहा है या फिर ऐसे समझिए कि एक ए लिमिटेड है और एक बी दो एंटिटी है इनके पास 50 परसेंट शेयर है और इनके पास भी 50 परसेंट शेयर है ठीक है अब वोटिंग राइट मेजोरिटी पे सेलेक्ट होगी तो अगर ये नहीं मानेंगे ये नहीं मानेंगे तो कोई काम ही नहीं होगा इनको फिफ्टी करने के लिए इनके साथ काम करना ही पड़ेगा तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो इम्प्लीसिड तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि अरेंजमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही होगा हमेशा एग्रीमेंट साइन होगा इट कैन बी ओवरली और इट कैन बी इम्प्लीस इट ऑल्सो समझ लो बेसिकली एक समझौता एक ऐसा तरीका एक अरेंजमेंट ऐसा तरीका जिससे हम मिल के तरीका जिससे हम मिल के आई डोंट नो कि वेदर दिस इज राइट वे टू एक्स तरीका ओके ठीक है सही लिखा होगा मैंने अरेंजमेंट <laughs> मतलब एक ऐसा तरीका जिससे हम लोग मिलजुल के कोई काम कर लें ठीक है तो ये हुई डेफिनेशन अरेंजमेंट की टू और मोर पीपुल आपको समझ में आ गया कि दो से दो दो या दो से अधिक अब यहाँ पे दो ही यूपीए की गवर्नमेंट में अगर बात करें तो रीजनल पार्टी एक नहीं थी उसमें एक से बहुत ज़्यादा रीजनल पार्टीज थी उससे टेन और कांग्रेस से एक तो टोटल ग्यारह लोग मिल गए इसकी अपर लिमिट कोई नहीं कि कितने लोग रहेंगे अब बात आती है विच रिक्वायर्स अब रिक्वायर्स का मतलब सिंपल सा है कि आपने ऐसे समझिए यहीं पे समझ लीजिए कि दूसरी चीज जो हम लोग रिक्वायर की बात कर रहे हैं रिक्वायर का सिंपल सा मतलब यह है कि आपने एक अरेंजमेंट किया है उसकी वजह से आपको रिक्वायरमेंट हो रही है किस चीज़ की ज्वाइंट कंट्रोल की अब ज्वाइंट कंट्रोल क्या होता है एक बार मैं समरी बताऊंगा आपको ज्वाइंट कंट्रोल क्या होता है ज्वाइंट कंट्रोल बेसिकली टर्म यूज होता है इसका मतलब होता है इट मीन्स शेयरिंग ऑफ कंट्रोल इट मीन्स शेयरिंग ऑफ कंट्रोल जो कंट्रोल्स हैं हम उनको शेयर कर रहे हैं मतलब कि हम कंट्रोल का मीनिंग हमने पढ़ाई था कि क्या होता है कंट्रोल का मीनिंग कंट्रोल का मीनिंग होता है पावर ओवर इन्वेस्टी पावर ओवर इन्वेस्टी रहेगा आप एक्सपोज रहते हो वेरिएबल रिटर्न्स के और आपके पास पावर टू यूज भी होना चाहिए बेसिकली पावर ओवर इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटी अगर आपको याद हो तो कंट्रोल का मीनिंग यहाँ पे भी सही आ, वैसा ही एज पर जो हमारा पुराना इंडियस अभी हम लोग पढ़ रहे थे एज पर इंडियस हंड्रेड एंड टेन जो कंट्रोल का मीनिंग है वो एज इट इज था ज्वाइंट कंट्रोल में ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब है कि मीन्स शेयरिंग ऑफ कंट्रोल आप अकेले इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो आपके पास एक और साथी और आप उसका साथ पकड़ के इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करो तो आप क्या करो शेयर कर रहे हो कंट्रोल को इनके साथ ये कर रहे हैं इनके साथ ये कर रहे हैं ठीक है सो दैट इज व्हाट कॉल्ड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल ठीक है और ज्वाइन कंट्रोल में एक चीज रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड ह्यूनिमस ऑफकोर्स रहेगी क्यों यूनानिमस कंसेंट इसमें यूनानिमस कंसेंट की जरूरत होती है अगर एक आदमी ने ना कर दिया मतलब कि अगर एक आदमी ने ना कर दिया तो ये अकेले कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो यहां पे कंट्रोल टूट जाएगा तो शेयरिंग ऑफ कंट्रोल में और यू कैन से ज्वाइन कंट्रोल में यूनानिमस कंसेंट चाहिए सबका एक बराबर कंसेंट रहे सब एक बात पे अग्री करे तभी आगे बात बढ़ेगी सो बेसिकली आपको अगर समराइज किया जाए कि जॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है जॉइंट अरेंजमेंट इज नथिंग बट अ अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पीपल दैट कैन बी इन्फाइनाइट विच रिक्वायर्स जॉइंट कंट्रोल एज सिंपल एज दिस जिसकी जरूरत है कि वो जॉइंट कंट्रोल लगेगा जॉइंट कंट्रोल मतलब शेयरिंग ऑफ कंट्रोल शेयरिंग ऑफ कंट्रोल तभी होगा जब आपके पास यूनानिमस कंसेंट रहता है तो मतलब सब लोग एक बात पे अग्री कर रहे हैं तब सो दिस इज व्हाट जॉइंट अरेंजमेंट इज ऑल अबाउट ठीक है अब इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे जाने से पहले बात क्लियर कर लेते हैं क्या दिक्कत है सो so, आप कैसे पहले चेक कैसे करोगे कि ज्वाइंट कंट्रोल है या नहीं हाउ यू विल चेक ये समझे कि कैसे आप चेक करोगे कि इस क्वेश्चन में ज्वाइंट अरेंजमेंट है या नहीं पहले तो आप ये देखोगे कि इनका मिला के कंट्रोल है या नहीं वेदर दे हैव कंट्रोल और नॉट यसर नो हाँ तो हम आगे बढ़ेंगे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे इनका कंट्रोल है या नहीं मिला के ज्वाइंट कंट्रोल है या नहीं फिर हम ये देखेंगे इनका कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं मतलब ये अग्री कर रहे हैं या नहीं और कर रहे हैं ओरली भी सही है क्या ये इम्प्लीसिड है तो वो भी सही है कोई दिक्कत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट हम देखेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पहले देखेंगे इनका कंट्रोल है या नहीं ज्वाइंट कंट्रोल है या नहीं दोनों मिल के ये दोनों भाई आई मीन मे बी दो से ज़्यादा हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं दो लोग पहले देख रहे हैं एक को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं अब कंट्रोल कैसे होगा जैसे हमने बोला था इट कैन बी विथ मेजोरिटी वोटिंग राइट पोटेंशियल वोटिंग राइट इवन माइनॉरिटी वोटिंग राइट ठीक है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वोटिंग राइट चार तरीके से हमने देखे तो उसके साथ साथ आपको एक्सपोज होना चाहिए वेरिएबल रिटर्न के साथ या फिर आपका राइट right होना चाहिए वेरिएबल रिटर्न पे और आपके पास पावर टू यूज होना चाहिए ये सारी चीजें तो कंट्रोल की हम लोग चेक करेंगे ही करेंगे पहले हम ये चेक करेंगे कंट्रोल है या नहीं इनका ज्वाइंटली ठीक है ओके okay. फिर हम लोग ये देखेंगे पहला स्टेप हम कंट्रोल चेक करेंगे दूसरा स्टेप हम ये देखेंगे इनका कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं और दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटेन यस इट कैन बी रिटेन इट कैन बी ओरल और इट कैन बी इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट कैसे हो सकता है जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी दिया कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा या फिर आ, इसको इम्प्लीसिट में एक और चीज आता कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ है कि दो लोग ये या दो या लोग जितने लोग हैं ये दो तीन चार पाँच छः जितने भी लोग वो मिल के ये कंपनी चलाएँगे ये कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि ऐसे ही काम चलेगा इस कंपनी का ये कंपनी ज्वाइंटली कंट्रोल्ड होके ऑपरेशन करेगी अपना सो दैट इज ऑल्सो योर मजबूरी और दैट इज इम्प्लिसड तो ये केस भी हो सकता है तो हम मान लेंगे कि ये सेकेंड स्टेज क्लियर हो गया फिर अपने जाएंगे थर्ड स्टेज पर फिर हम लोग थर्ड स्टेज पे क्या चेक करेंगे और जो थर्ड चीज हम लोग चेक करेंगे वो होगा कि इसमें यूनानिमस कंसेंट रिक्वायर्ड है या नहीं यूनानिमस कंसेंट रिक्वायर्ड है या नहीं अगर है इफ यस देन Is a joint अब ये कैसा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में रिटेन भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है और स्ट्रक्चर्ड जैसे कि में लिखा हुआ हो सो इट कैन बी रिटेन इट कैन बी ओरल कैन बी रिटेन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्ड है। वैसा बना ये एंटिटी तो उस हिसाब से भी हो सकता है तो यूनानिमस कंसर्ट होना जरूरी है क्योंकि एक लोग अगर नहीं मान रहे हैं दूसरे लोग मान रहे हैं तो फिर काम नहीं चलेगा सबका एक जैसा कंसेंट होना चाहिए यूनानिमस होना चाहिए और यूनानिमस अगर है मतलब किसी भी बात पे आप एक मत हो मतलब एक कोई भी बात हो तो आपका हमेशा एक मत हो एक राय हो तो यूनानिमस कंसेंट जरूरी है तो जब भी हम ये आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि ये जॉइंट अरेंजमेंट है या नहीं तो पहली चीज अगर देखी जाए तो हम लोग चेक करेंगे कंट्रोल फिर चेक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फिर चेक करेंगे कंसेंट तो हम इसको कॉल बोलते हैं थ्री सी चेकिंग वाह ज्वाइंट में हम लोग थ्री सी चेकिंग करेंगे एक कंट्रोल देखेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे फिर कंसेंट देखेंगे ठीक है थ्री सी चेकिंग शुरू करते हैं फिर या फिर आपको यह समझना है कि ये ज्वाइंट अरेंजमेंट कितने टाइप का होता है करेंगे हम लोग आगे पहले जॉइंट अरेंजमेंट की मीनिंग के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा बहुत करते हैं फिर आगे आपसे डिस्कस करेंगे कि जॉइंट अरेंजमेंट की क्लासिफिकेशन क्या होती है दो टाइप के होते हैं जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर उसमें खास अंतर नहीं होता बेसिकली दे ऑलमोस्ट लुक लाइक सेम चलिए तो दो पार्टीज हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जब क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे ना तब तक कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से काम नहीं होगा हमें क्या करनी है थ्री सी चेकिंग ठीक है ज्वाइंट अरेंजमेंट में टू पार्टीज़ ए एंड बी अग्री इन देयर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू इस्टैब्लिस ओके उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया इन दर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेन्जमेंट कि स्टैब्लिश एन अरेजमेंट ईच हैज फिफ्टी परसेंट ऑफ द वोटिंग राइट ओके द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट ऑफ दोटिंग राइट आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द रेलिवेंट एक्टिविटीज राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज मतलब कंट्रोल ठीक है डू ए एंड बी हैव अ जॉइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट ठीक है अब आपको क्या चेक करना है पहली चीज तो हमें यह चेक करनी कि कंट्रोल है या नहीं फिर हम लोग चेक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट और फिर चेक करेंगे कंसेंट तो हमें जो पहली चीज एकदम फर्स्ट व्यू में दिख जा रही है वो है कि इनके पास कॉन्ट्रैक्ट तो है यस दे हैव कॉन्ट्रैक्ट बट कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल नहीं दिया हुआ कि कंसेंट इनका है या ना यूनानिमस कंसेंट है या नहीं है यूनानिमस कंसेंट मतलब कि वो अग्री कर रहे हैं कि हम उन सबका एक मत हो किसी भी बात पे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि उनका यूनानिमस कंसेंट है सो so देन उनका कंट्रोल हो सकता है डू दे हैव कंट्रोल अगर ये यहाँ पे सारी बात यहाँ पे आके कहीं न कहीं आपको समझनी होगी कि कंट्रोल कब होगा जब इनके पास फिफ्टी वन परसेंट वोटिंग राइट रहेगी और फिफ्टी वन परसेंट तभी होगा जब ये इनका यूनानिमस कंसेंट रहेगा कि हर बात पे वो अग्री भी करें किसी भी मत पे एक मत किसी भी बात पे एक मत होना देट इज कॉल्ड यूनानिमस मतलब कोई भी बात हो उसपे सबका एक ही राय होगा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कोई भी बात आएगी दो पार्टीज में डिसीजन लेने की ए एंड बी में तब उनका यूनानिमस कंसेंट रहेगा सो देन वी कैन से इनके पास जॉइंट कंट्रोल है तो यहां पे एक इफ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशनड है कि यूनानिमस कंसेंट है अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में यूनानिमस कंसेंट है तो फिर ये माना जाएगा कि यह जॉइंट कंट्रोल है अगर आपको एक, एक एजेंशन लेना रहे कि इनका 50 50 परसेंट वोटिंग राइट है तो इनके पास ऑप्शन नहीं है सो बेसिकली इट्स इम्प्लीसिड कि इनका यूनानिमस कंसेंट है इम्प्लीसिड मतलब कि मजबूरी है उनका अगर वो साथ में नहीं चलेंगे तो उनका कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे वो लोग सो बेसिकली इट इज इनडायरेक्टली कि उनका यूनानिमस कंट्रोल है बट हमें ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए ठीक है चलिए मतलब ये स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा हुआ हो तो हम ये बस लिख देंगे इस में कि इनका ज्वाइंट कंट्रोल है अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन है कि इनका यूनानिमस कंसेंट है दैट्स इट चलिए तो क्या यहाँ पे हमने क्लियर ओपिनियन दिया आंसर इज हमने क्लियर ओपिनियन नहीं दिया कि इनका ज्वाइंट कंट्रोल है हमने ये बोल दिया कि ये कंडीशन लगा देते हैं अगर इनका यूनानिमस कंसेंट है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो मान लिया जाएगा कि इनका ज्वाइंट कंट्रोल है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन देर इज एन अरेजमेंट इन विच राम एंड श्याम ईच है थर्टी फाइव इंटू टू सेवेंटी परसेंट ऑफ वोटिंग राइट इन दरेंजमेंट विद द रिमेनिंग थर्टी परसेंट बींग वाइडली स्प्रेड और जो बाकी थर्टी परसेंट है बहुत बिखरा हुआ है डिसीजनस अबाउट द रेलिमेंट एक्टिविटीज रिक्वायर्ड अप्रूवल बाई मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग राइट मतलब फिफ्टी वन परसेंट डू राम एंड श्याम हैव जॉइन कंट्रोल ओवर द अरेजमेंट इनका कहने का मतलब है इनका एक अरेंजमेंट है इन विच राम एंड श्याम ईच है थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द वोटिंग राइट इन द अरेजमेंट विद द रिमेनिंग थर्टी परसेंट बीन वाइडली स्प्रेड इन्होंने एक अरेंजमेंट करके रख तो ठीक है यहाँ पे चेकअप जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया अब इसका हमें अगर क्लियर आंसर देना रहे तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जॉइंट कंट्रोल है या नहीं आई मीन वी विल से यस दे हैव जॉइंट कंट्रोल बिकॉज यहाँ पे इम्प्लीसिड है कि एक के बिना दूसरा चलेगा ही नहीं इनके पास फिफ्टी परसेंट वोटिंग पावर है उनके पास फिफ्टी परसेंट वोटिंग पावर है तो एक दूसरे के बिना चलेगा नहीं तो बेसिकली देव यूनानिमस कं कंसेंट ड्यू टू इम्प्लिसिटी मजबूरी के वजह से उनका कंट्रोल वैसा है उसके बिना वो चलेगा ही नहीं चलेगा तो यहाँ पे तो जॉइंट कंट्रोल है लेकिन क्या अगले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है इनके पास उसके बिना दूसरे का चलेगा नहीं चलेगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है इनका एक अरेंजमेंट है मतलब कि वो अग्री किए हुए हैं ओरली चाहे जैसे ठीक है बट यहाँ पे कंसेंट का बात फजर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अग्री हो जाते हैं थर्टी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट दैट कम सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट मतलब इनका कंट्रोल है यहाँ पे मेजोरिटी वोटिंग राइट से हो रहा है सो मोर देन फिफ्टी परसेंट मतलब कंट्रोल है कॉन्ट्रैक्ट है कंट्रोल है दो चीज सेटिस्फाई हो गया क्या कंसेंट है इनका आंसर इज यहाँ पे हम लोग कंसेंट uh, पे डाउट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया कि कि उस अरेंजमेंट में क्या क्या बात है अगर उस अरेंजमेंट में यूनानिमस कंसेंट दिया हुआ है कि किसी भी बात पे वो लोग अग्री करेंगे दैट मीन्स कि इनका कंट्रोल है तो यहाँ पे ये यह लिख देंगे इफ देर इज एन अरेंजमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट दैट दे अ यूनानिमस कंसेंट ओवर द डिसीजन मेकिंग तो उसके बाद दे हैव जॉइन कंट्रोल अदरवाइज दे डोंट बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन का सिनारी अलग था वो इम्प्लिसिड था कि एक के बिना दूसरा चलेगा नहीं ठीक है फिर एक आता है एक अरेंजमेंट है थ्री पार्टीज का ओम हैज फिफ्टी परसेंट ठीक है फिर भी कुछ कर नहीं पाओगे भाई साहब ऑफ दोटिंग राइट इन दी फिफ्टी से फिफ्टी वन हो जाता तो कितना अच्छा रहता यहीं पर सवाल खत्म ऑफ दोटिंग राइट इन द अरेंजमेंट एंड जय एंड जगदीश ईच है ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है मतलब टोटल तीन लोग हैं पचास पच्चीस पच्चीस करके ओके The contractual arrangement between om jay and Jagdish specifies that at least 75% of the voting rights are required to make decisions. Oh my God! अब ये arrangement जो है उसमें ये specify कर दिया कि 75% जब तक नहीं रहेगा, तब तक decision नहीं ले पाओगे। तो हो सकता है वैसा। क्या इनके पास contract है तो contract वाला तो हमारा requirement fulfill हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और 75 परसेंट होगा तभी डिसीजन ले सकते हैं तो राइट टू टेक डिसीजन डज नॉट मीन कि 51 परसेंट ही होगा यहाँ पे 75 परसेंट चाहिए मतलब कि एटलीस्ट दो लोग रहेंगे तभी डिसीज़न ले पाएंगे क्लियर है अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज ऑफ द अरेंजमेंट डिस्कस द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ़ द जॉइंट कंट्रोल दैट कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द रेलिवेंट एक्टिविटी ऑफ द अरेंजमेंट हमें डिस्कस करना है कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे ऑफ control कंट्रोल दैट कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द activities एक्टिविटीज ऑफ arrangement जिस जो इंपैक्ट कर पाएगा डिसीजन मेकिंग बेसिकली तो इस केस में तो पहली चीज तो ये समझनी होगी कि तीन पार्टी हैं ओम है जय है एंड जगदीश है ओम जय जगदीश बीच वाला मैं हूं ठीक है ओम के पास 50 परसेंट वोटिंग राइट कास्ट मेरे पास होता है ट्वेंटी परसेंट एंड इधर 25 परसेंट अगर ओम चाहे तो कोई भी डिसीजन को कैंसिल कर सकता है मतलब ब्लॉक कर सकता है ठीक है अगर ये दोनों मिल के चाहें तो भी कोई डिसीजंस को ब्लॉक कर सकते हैं कर सकते हैं लेकिन ओम को किसी न किसी का एग्रीमेंट चाहिए चाहिए मतलब इनके साथ इसका अरेंजमेंट होना ही चाहिए अगर नहीं होगा तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा क्योंकि सेवेंटी फाइव परसेंट चाहिए तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या बन सकता है पहला कॉम्बिनेशन बन सकता है कि ओम और जय के बीच में कॉम्बिनेशन हो या फिर ओम या जगदीश के बीच में कॉम्बिनेशन हो ठीक है दो कॉम्बिनेशन बन रहे यहाँ पर और ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो सेवेंटी फाइव परसेंट इधर भी हो जाएगा सेवेंटी फाइव परसेंट इधर भी हो जाएगा तो क्या इनके पास कंट्रोल आ जाएगा और क्या इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है आंसर इज यस क्या इनके पास भी कंट्रोल आ गया है क्या इनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट है अब एक चीज यहाँ पे जो नहीं है वो है यूनानिमस कंसेंट अब जिसके भी कॉन्ट्रैक्ट में यूनानिमस कंसेंट लिखा रहेगा वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग कर पाएगा वो कंट्रोल करेगा वही ज्वाइंट अरेंजमेंट कहलाएगा अब इसमें से जिसके भी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहेगा कि इनके बीच में यूनानिमस कंसेंट अब इनके जगदीश के भी बीच में हो सकता है ओम और जय के बीच में भी हो सकता है ठीक है तो यही हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा कि दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है ओम अकेले ब्लॉक कर सकता है ओम को अग्री करना पड़ेगा एदर विथ जय और जगदीश टू तो टेक दिसीजन और उसमें उस, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी होनी चाहिए कि उनका यूनानिमस कंसेंट रहेगा एदर विथ जय और जगदीश ठीक है तभी वो लोग रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट कर पाएंगे उसका डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे फिर आता एनटीटी सी एंड एनटीटी डी ऑपरेट्स इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एंड इंटर्ड इंटू अ ज्वाइंट अरेंजमेंट इन ऑर्डर टू कम्बाइन देयर फोर जी एक्सेस नेटवर्क ठीक है सी और डी है ऑपरेट करते हैं टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में और बोले कि हम ज्वाइंट अरेंज अरेंजमेंट करते हैं जिससे हम अपने फोर जी एक्सेस नेटवर्क को कंबाइन कर पाएंगे द पर्पज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर बोथ पार्टीज मेक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेविंग एंड ऑपटेन इकोनॉमी ऑफ स्किल फॉ ज्वाइंटली मैनेजिंग एंड मेन्टेनिंग कंसॉलिडेटेड नेटवर्क बेसिकली ये टावर है टावर बोले कि हम सी का भी बॉक्स लगा देंगे और डी का भी बॉक्स लगा लेंगे तो इनको हर जगह टावर टावर नहीं खेलना होगा कि यहाँ पे जियो का टावर है यहाँ पे एयरटेल का टावर बेसिकली वो लोग वैसे ही करते हैं टावर बहुत ज़्यादा नहीं लगते आजकल क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस भी है के भी वजह से यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट कर लीजिए कि हमारे टावर पर आपका टावर लग जाएगा आप मेरे को कुछ पैसा दे दीजिएगा हमारे पे आप लगा लीजिए मेरे को पैसा दीजिए तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट उनका बच जाएगा और आराम से वो अपना बिजनेस रन कर पाएंगे ऐसा इन्होंने अरेंजमेंट करके रखा हुआ अगर आप ये पूछ रहे हो कि ये जियो का टावर है या फिर एयरटेल का तो ये मत पूछा करिए ये पूछे कि इस टावर पे किस किस का नेटवर्क है इट कैन बी जियो वोडा एयरटेल ठीक है अब तो बहुत सारी कमियाँ चली गई ऑल सिग्निफिकेंट डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर डिसाइडेड बाई अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग राइट और कैसे डिसाइड होता है सिंपल मेजोरिटी से मतलब 50 परसेंट से ज्यादा एंटिटी सी एंड एंटिटी डी ईच हैव वन वोट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डिस्कस द ज्वाइंट अरेंजमेंट जॉइंट अरेंजमेंट के लिए क्या चाहिए भाई साहब कंट्रोल आएगा इनके पास आ जाएगा कंट्रोल मिल के अगर काम करेंगे इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है क्या कॉन्ट्रैक्ट है अरेंजमेंट है क्या इनके पास कॉन्सेंट है यही तो सवाल है ये क्या उसमें अग्री कर रहे हैं कि ये यूनानिमस कंसेंट देंगे अब देंगे या नहीं देंगे ये हमें कॉन्ट्रैक्ट में देखना पड़ेगा क्या यूनानिमस कंसेंट यहाँ पे कहीं लिखा आंसर इज नो बट यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि इनके पास एक वोट है मतलब एक वोट इनके पास है और एक वोट इनके पास है मतलब फिफ्टी फिफ्टी परसेंट इनके पास राइट right है सो बेसिकली इट इज़ इम्प्लिसड इनकी मजबूरी है कि कोई भी डिसीजन पास कराने के लिए इन्हें यूनानिमस कंसेंट बनाना ही पड़ेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा ठीक है सो so, इट इज़ इम्प्लीसिड यूनानिमस कंसर्न दैट्स वाई इट इज़ अ ज्वाइंट अरेंजमेंट जो कि हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था जो क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स था अपना ठीक है आई गेस एटी सिक्स हाँ ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे हमने फिफ्टी फिफ्टी परसेंट जिनके पास वोटिंग राइट थे फिर आगे बढ़ते हैं NFZ Limited is owned by numerous shareholders with the following holdings shareholders and owns 51% okay shareholders F owns 30% that is 81 maybe 19% baki. the rest of the shares are widely held by other investors in, that is 90% okay NFG Limited article of association that is why we were calling structured कि उसी में लिखा हुआ है कि क्या करना है स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्स 75 फाइव परसेंट मेजोरिटी टू अप्रूव डिसीजन अबाउट एनी ऑफ द एंटिटीज रेलिवेंट एक्टिविटीज दे ऑल्सो आउटलाइन दैट ई शेयर होल्डर इज इंटाइटल टू वोट इन अ प्रपोशन टू रिस्पेक्टिव ओनरशिप इंटरेस्ट रेस्पेक्टिव ओनरशिप इंटरेस्ट इज एन एफ जी लिमिटेड ज्वाइंटली कंट्रोल अब ऑनरशिप इंटरेस्ट का मतलब इनका जो फिफ्टी वन परसेंट फिफ्टी वन परसेंट उनका उतना वोटिंग पावर है इनके पास अब सवाल है कि क्या ये जॉइंट कंट्रोल करते हैं जॉइंटली कंट्रोल करते हैं इस कंपनी को या नहीं करते हैं ठीक है अब यहाँ पे एक इनकी मजबूरी है कि इनको कितना सेवेंटी फाइव परसेंट चाहिए चाहिए सेवेंटी फाइव परसेंट इनको मेजोरिटी प्रूव करने के लिए चाहिए, चाहिए। अगर ये फिफ्टी वन परसेंट इनके साथ जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा सेवेंटी परसेंट तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दिस तो दिस इज इम्पलेसिड इनको इनके साथ ही जुड़ना पड़ेगा क्या हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है बिल्कुल कहा था क्या हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट रिटेन ही होगा तब भी चलेगा क्या हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट और रहेगा तो भी चलेगा क्या हमने ये भी कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लिसिट रहेगा तो भी चलेगा कोई ज़रूरी नहीं कि हम लिख के या बोल के कॉन्ट्रैक्ट चला रहे इम्प्लिसिट रहे मजबूरी है कि इनके बिना इनका चलेगा ही नहीं चलेगा तो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि अगर आपकी मजबूरी है जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था कि 50 50 परसेंट ए एंड बी होल्ड करते हैं और दिल्ली में आपके इलेक्शन का एग्जाम्पल भी दिया था कि आप और कांग्रेस ने एक बार जब ज्वाइंटली हैंड किया था क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कहाँ जाएंगे उनका तो अग्री करना पड़ा सरकार चलाने के लिए कंपनी चलाने के लिए इनको भी अग्री करना पड़ा तो इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इम्प्लीसिड है यूनानिमस कंसेंट भी इम्प्लीसिड है क्योंकि इनका एक दूसरे से अग्रीमेंट करना ही पड़ेगा कोई डिसीजन लेना है तो और तीसरी बात कंट्रोल आ जाएगा क्योंकि इनके 75 परसेंट से ज्यादा शेयर होल्डिंग हो जाएगी दैट इज एटी वन परसेंट सो डज दे हैव जॉइंट कंट्रोल आंसर इज अ बिग यस दे हैव जॉइंट कंट्रोल बहुत अच्छा क्वेश्चन था uh, कुछ लोग समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ओरली रहेगा तो ही बात होगी ऐसा कुछ नहीं contract, है कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दो एंटिटी हैं ई एन एफ सेटअप एंड एंटिटी एंड साइन अ जॉइंट ऑपरेशन एग्रीमेंट तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है दो एंटिटी ई एन एफ एंड सेटअप एंड एंटिटी

टेकिंग बॉडी और बोर्ड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे वही डिसीजन फाइनल होगा या फिर वही लोग डिसीजन लेते हैं डिसीजन आर मेड बाय सिंपल मेजोरिटी जिसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर रहेगा वो मतलब जिसके ज़्यादा फेवर में वोट रहेगा वही डिसीजन लिया जाएगा ईच पार्टी हैज़ फिफ्टी परसेंट इंटरेस्ट इन द न्यू इन द नेट प्रॉफिट जनरेटेड मतलब फिफ्टी परसेंट सबका प्रॉफिट में मिलेगा डिस्कस विदर एंटिटी ज्वाइंटली कंट्रोल्ड बाई ई एन सो यहाँ पे एक लाइन का जो वैल्यू है ना वो बहुत बढ़ जाता है और वो लाइन है कि द बोर्ड इज कंप्राइज ऑफ थ्री डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाई एंड रिप्रेजेंटिंग ईच एंटिटी मतलब ईच एंटिटी थ्री डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती ये समझना होगा आपको यहाँ पे सिर्फ थ्री डायरेक्टर्स नहीं है एक एंटिटी थ्री डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है मतलब कि दोनों एंटिटी थ्री थ्री डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे सो टोटल नंबर हो गया सिक्स और द बोर्ड इज एंटिटीज मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी तो वो भी जब भी इनको डिसीजन लेना पड़ेगा तो क्या रेशियो बनेगा फोर वन फोर टू फाइव वन सिक्स ज़ीरो तो इसमें थ्री थ्री हो जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा तो इनको यूनानिमस कंसर्न चाहिए चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है सो यूनानिमस कंसेंट इज इम्प्लिसिट हेयर दे इज अ कॉन्ट्रैक्ट और ये होने की वजह से इनका कंट्रोल भी आ जाएगा ठीक है सो दे हैव कंट्रोल दे हैव कॉन्ट्रैक्ट दे हैव यूनानिमस कंसेंट एंड आंसर विल बी यस दे हैव जॉइंट कंट्रोल ये इम्प्लिसिट है मजबूरी है लेकिन दे आर जॉइंटली कंट्रोलिंग द ऑपरेशन दे हैव जॉइंट अरेंजमेंट ओके Now we'll move to the next question. That is this. Question number ninety-two. Entity P and Q set up a joint venture company. Okay. Entity P Q by signing a joint operating agreement. अब यहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे एक word आ गया. तो इसलिए हम लोग पहले समझेंगे कि joint arrangement में कितने क्लासिफिकेशन होते हैं तो हमने बात की थी कि ज्वाइंट अरेंजमेंट कितने प्रकार का होता है दो प्रकार के होते हैं दो टाइप के होते हैं देर आर टू पार्ट्स देर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट पहला यू कैन से ज्वाइंट वेंचर और दूसरा है ज्वाइंट ऑपरेशन अब ज्वाइंट वेंचर जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है स्ट्रक्चर्ड एंटिटीज मतलब दो लोग मिलके एक कंपनी बनाए से एक्स लिमिटेड वो कोई काम धंधा शुरू करे या फिर कोई एक एंटिटी क्रिएट करते हैं जनरली ठीक है यहां पे भी स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है कि दो लोग मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ठीक है ज्वाइंट वेंचर का अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो एयर एशिया अभी बहुत न्यूज़ में भी है एयर एशिया उसमें टाटा का पैसा है और कोई फॉरेन कंपनी है जिसका पैसा लगा हुआ है मेको हाँ एयर एशिया एयर एशिया का ही पैसा लगा हुआ है सो एयर एशिया एंड टाटा मिल के ज्वाइंट वेंचर चलाते हैं इंडिया में एयर एशिया बोल के एयर एशिया इंडिया वो लोग उसको रन करते हैं ठीक है सो दे हैव हैवे जॉइंट वेंचर एन एग्जाम्पल ओके तो ये स्ट्रक्चर एंटिटी ये क्रिएट करते हैं और इनका सेपरेट होता है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी सेपरेट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इनकी होती है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ये लोग होते हैं और जबकि ये होता है ज्वाइंट ऑपरेशन अनस्ट्रक्चर्ड जैसा हमने बहुत अभी देखा इन अनस्ट्रक्चर्ड कि हम दोनों मान गए भाई बस ऐसे ही चलो चलो आई I मीन mean, चलो चलो मिल के कुछ करते हैं और <laughs> उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया जैसे कि हमने बोला कि ये और बी ने मान लिया बिना कोई स्ट्रक्चर क्रिएट किए हुए ठीक है आई I मीन mean, कोई कंपनी उम्पनी बनाया हुआ है जैसे कि मॉल बन रहा है ठीक है मॉल बन रहा है बोले कि दो बिल्डर मिले बोले कि हम चलो ये मॉल बनाते हैं 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है या फिर 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है 2500 करोड़ ज़्यादा ही हो गया मान लो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है 100 करोड़ हम लगाएंगे 100 करोड़ तुम लगाना मॉल बनाएंगे और मॉल बेच के तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते सो दिस इज़ अनस्ट्रक्चर्ड कोई एंटिटी क्रिएट नहीं हुई ठीक है फिर भी प्रोजेक्ट रन हो रहा उन्होंने एक एक साथ में मिलकर एक ऑपरेशन किया सो दैट इज़ वॉट ज्वाइंट ऑपरेशन इज ठीक है ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है लेकिन इसमें स्ट्रक्चर्ड भी होते हैं मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हार्ड कोड अनस्ट्रक्चर्ड ही रहेगा जैसे हमने बोला जनरली यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एंटिटीज रहती हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड रहेगा लेकिन यहाँ पे इनकी एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हैं एट्रीब्यूटेड रहेंगी मतलब कुछ एसेट लाइबिलिटीज इसके लिए एट्रीब्यूटेड रहेंगे टू पार्टीज मतलब आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जैसे मॉल बना रहा है ना तो मॉल में आधा एसेट मेरा है आधा तुम्हारा है ठीक है तो वो आपको एट्रीब्यूटेड है कि दस जो दुकानें हैं वो मेरी रहेंगी दस तुम्हारी रहेंगी या फिर दस डेटर या फिर क्रेडिटर जो लाइब्रेटी वो मेरे रहेंगे दस तुम्हारे रहेंगे ठीक है ऐसा करके और ऐसा भी हो सकता है स्ट्रक्चर्ड रहता है स्ट्रक्चर्ड हो सकता है जहां पे आउटपुट आउटपुट जो है गुड्स और सर्विसेज के एट्रिब्यूटेड रहे कि जो भी गुड्स बेचेंगे हम लोग सर्विसेज करेंगे उसका कुछ पार्ट तुम लोगे कुछ पार्ट हम लोग लेंगे ठीक है और इसका जो मेजर डिफरेंस आएगा आपको क्या समझ में आया कि जो मोटा मोटी डिफरेंस है कि ये जनरली स्ट्रक्चर्ड रहता है और ये जनरली अनस्ट्रक्चर्ड रहता है लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है जब इनके एसेट्स लाइबिलिटी गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड हो मतलब कुछ एसेट तुम्हारा कुछ एसेट मेरा कुछ लाइव सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज की आउटपुट तुम लोगे कुछ हम लेंगे तो ऐसा रहेगा और जो मेजर डिफरेंस आता है कि यहाँ पे सी बनता है एक एंटिटी बनी तो सी बनता है जबकि यहाँ पे सी एफ क्रिएट नहीं होता यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस क्रिएट होता है ठीक है जबकि यहां पे हम लोग सी एफ एस बनाएंगे और इनडेस ट्वेंटी एट फॉलो करेंगे और इक्विटी मैथड लगाएंगे यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे एस एफ एस तो बनेगा ही बनेगा अपना इंडेस ट्वेंटी सेवन के हिसाब से सो जो मेजर डिफरेंस ये भी है कि यहां पे सी एफ एस आपको बनाना पड़ेगा यहां पे सी एफ एस आपको नहीं बनाना पड़ेगा तो कैसे अकाउंटिंग होगी एस एफ एस में मान लो कि गुड्स और सर्विसेज की बात हो रही है सो so, जो स्पेसिफिक इनकम आएगा तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे स्पेसिफिक एक्सपेंस आएगा वैसे अपने एक्सपेंस में दिखाएंगे एज सिंपल एज दिस वैसे ही जो उनका एसेट रहेगा वो अपने एसेट्स में दिखाएंगे जो उनका लाइब्रेटीज रहेगा वो अपनी लाइब्रेटीज में दिखाएंगे सेफेस्ट बनाने की जरूरत नहीं यहाँ पे आपको सेफेस्ट बनाना पड़ेगा जैसे हम लोग बनाते हैं क्लियर है जॉइंट वेंचर के बारे में बात हो गई अब क्वेश्चन करते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दिया है अब एंटिटी पी एंड क्यू ने सेट किया एक जॉइंट वेंचर कंपनी जिसका नाम इन्होंने एंटिटी पी क्यू रखा जैसे हमने बोला ना वो लोग एक एंटिटी क्रिएट की ठीक है बाई साइनिंग अ ज्वाइंट ऑपरेटिंग arrangement, ठीक है have इन्वेस्टर्स डेलीगेट वन डायरेक्टर टू on the पी क्यूज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स unanimous कंसेंट है बस एनुअल बजट पे कि इस साल का बजट क्या होगा कितना खर्चा होगा इस साल बस उस बात पे इनका यूनानिमस कंसेंट है द ज्वाइंट ऑपरेट

डिसीजन्स आर मेड बाई सिंपल मेजोरिटी इन दम्प कमिटी सिंपल मेजोरिटी से मतलब जो फिफ्टी परसेंट से ऊपर वाला ओनली एन डी टी पी कैन अपॉइंट मेम्बर्स टू द ऑपरेटिंग कमिटी यहीं पर तो कहानी बदल गई कहानी एकदम अच्छी चल रही थी लेकिन एंड जो होता है ना भाई क्लाइमैक्स बदल दिया पूरी स्टोरी बदल दी इस एक लाइन ने एन डी टी पी कैन अपॉइंट मेम्बर्स टू ऑपरेटिंग कमेटी ओनली entity टी आपके पास क्या है कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास यूनानिमस कंसेंट है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनुअल बजट पे आप यहां पे वीटो लगा सकते हो कि एनुअल बजट इतना होना चाहिए लेकिन क्या आपके पास पावर टू डायरेक्ट रिलेवेंट एक्टिविटी है या नहीं जो कि ऑपरेटिंग कमिटी के पास है और उसमें जो बंदा बैठता है वो सिर्फ और सिर्फ पी अपॉइंट कर सकता है सो बेसिकली पी हैज कंट्रोल ओवर पी क्यू लिमिटेड जो ये कंपनी बनी पी क्यू ठीक है और इनके पास ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं है सिंपल P has control over पी क्यू हमने रीजन बता दिया क्योंकि उसके पास पावर टू तो डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज है और बाकी कंडीशंस सेटिस्फाइड मानते हुए कि वो एक्सपोज है रिजल्ट वेरिएबल रिटर्न को और उसके पास पावर टू यूज तो, तो दिख ही रहा था अगला है कि हरी एंड राम वा इंडर इंडो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू तो बाई अ टू स्टोरड म्यूजिक स्टोर ठीक है अरेंजमेंट करते हैं हम लोग खरीदेंगे विच दे विल लीज टू अदर पार्टीज खरीद के फिर लीज पे लगा देंगे हरी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीजिंग फर्स्ट फ्लोर एंड राम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीजिंग सेकेंड फ्लोर कोई दिक्कत नहीं है दे कैन मेक ऑल डिसीजन रिलेटेड टू देयर रेस्पेक्टिव फ्लोर एंड कीप ऑल द इनकम एंड विथ रिस्पेक्ट टू देयर फ्लोर मतलब एक आदमी फर्स्ट फ्लोर दूसरा दूसरे फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर विल बी ज्वाइंटली कंट्रोल फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर का बात हो गया ज्वाइंटली कंट्रोल जो होगा ग्राउंड फ्लोर होगा ऑल डिसीजन एंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फ्लोर मस्ट बी यूनानी अग्रीड बिटवीन हरी एंड राम तो क्या इनके पास ज्वाइंट अरेन्जमेंट है यानी सवाल ये तो यहाँ पे एक चीज क्या क्लियर हो जा रही है कि जो ये घर है मैं घर बनाता हूँ लेटमी ट्राई इसका ये सेकेंड फ्लोर हो गया और ये सॉरी ये फर्स्ट फ्लोर हो गया और एक ग्राउंड फ्लोर वेट वेट। तो इस केस में क्या होगा ग्राउंड फ्लोर में क्या हो रहा है ग्राउंड फ्लोर में वो लोग एक कंसेंट यूनानिमसली अग्री हो रहे हैं कि हम यहां पे यूनानिमस कंसेंट यहां पे है उनके पास क्या यहाँ पे है क्या यहाँ पे आंसर इज नो तो क्या ये ज्वाइंट एग्रीमेंट है आंसर इज बिग नो क्या ये है आंसर इज बिग नो क्या ग्राउंड फ्लोर पे इनका एग्रीमेंट ज्वाइंट अरेंजमेंट कहलाएगा आंसर इज येस सो ग्राउंड फ्लोर विल ओनली बी क्योंकि यहाँ पे देखो थ्री सी अपनी चेक कर रहे हैं कंट्रोल है बिल्कुल है यहाँ पे दोनों मिल के अगर यूनानिमस कंसेंट है तो बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोल है उनका पास और कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट uh, पहले से ही किया हुआ है सो so, कॉन्ट्रैक्ट तो ही है ही ठीक है और यूनानिमस कंसेंट यहाँ पे अग्री हो ही है सो दैट इज हाउ वी कैन से सो वी आर गेटिंग क्लोजर टू क्वेश्चन नंबर हंड्रेड इफ यू आर गेटिंग द फीलिंग हंड्रेड क्वेश्चन करने वाले हम लोग नाइन्टी फोर में पहुँच गए सो आई होप यू विल लाइक पार्टी करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर क्या बोलता है कंपनी ए बी एंड सी डी इंटर्स इंटू एग्रीमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्री एक कंपनी ए बी है और एक कंपनी सी डी है वो लोग एंटर करता है कि एक एग्रीमेंट हम बनाते हैं हम लोग करेंगे क्या प्रोडक्शन करेंगे और सेल करेंगे गारमेंट का मतलब बनाएंगे और बेचेंगे बेसिकली गारमेंट को इन द इंडस्ट्री देर आर थ्री एक्टिविटीज दैट विल सिग्निफिकेंटली मेक इम्पैक्ट ऑन द रिटर्न ऑफ द अरेंजमेंट कहने का मतलब है कि दीज आर द रेलिवेंट एक्टिविटीज इन द इंडस्ट्री देयर आर थ्री एक्टिविटीज दैट विल सिग्निफिकेंटली मेक इम्पैक्ट ऑन द रिटर्न ऑफ द अरेंजमेंट जो कि आप अब यहां से आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हमें राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटी से कंट्रोल आता है तो ये सारी रेलिवेंट एक्टिविटीज है लेकिन इसमें से सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंटली जो रिटर्न को इम्पैक्ट करेगा वो हमारे लिए रेलिवेंट एक्टिविटी होगा जिसमें हम देखेंगे कि राइट टू डायरेक्ट किसके पास है आई यू गेटिंग माई पॉइंट पहला है प्रोडक्शन दूसरा है सेल्स एंड मार्केटिंग तीसरा है बोथ दी कंपनीज मस्ट अप्रूव ऑल द फिनेंस रिलेटेड मैटर्स सो प्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी ए बी मेक्स ऑल द डिसीजन कंपनी सी डी मेक्स ऑल द डिसीजन फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ठीक है तो क्या प्रोडक्शन एक रेलिवेंट एक्टिविटी है आंसर इज यस दिस इज रेलिवेंट एक्टिविटी क्या ये एक रेलिवेंट एक्टिविटी है आंसर इज यस दिस इज रेलिवेंट एक्टिविटी क्या ये फिनेंस एक रेलिवेंट एक्टिविटी है या <employeur> नहीं एंसर इज यस एंड फिनांस से ही परचेज होगा फिनेंस से ही सेल होगा फिनेंस से ही मार्केटिंग है फिनेंस से ही सारा कुछ रिलेटेड है तो क्या दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेवेंट एक्टिविटीज आंसर इज येस सो डिस्कस विद द कंपनी ए बी एंड सी डी हैव ज्वाइंट कंट्रोल ओवर दी अरेंजमेंट और नॉट समझ लो कहानी की इन्होंने बोला कि हम एक प्रोडक्शन की फैक्ट्री बैठाते हैं इसमें हम प्रोडक्शन करेंगे और एक ऑफिस रखते हैं जहां पे हम सेल करते हैं ठीक है और फिनेंस के लिए एक डिपार्टमेंट रखते हैं जहां पे हम लोग फिनेंस देखेंगे प्रोडक्शन कौन देख रहा है कंपनी ए बी मिक्स ऑल द डिसीजंस तो ए बी कंट्रोल कर रही है प्रोडक्शन को ठीक है और सेल को कंट्रोल कौन कर रहा है कंपनी सी डी ये सेल देख रही है फिनेंस ए बी एंड सी डी दोनों देख रहे हैं मस्ट अप्रूव ऑल फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स दोनों कंपनियों को अप्रूव करना पड़ रहा है तो यहां पे हमसे पूछ रहा है कि डिस्कस वेदर ए बी एन सी डी हैव द ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट और तो अगर इसका कोई आंसर देना चाहे तो ये आंसर आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ज्वाइंट कंट्रोल है या नहीं अगर देखा जाए तो अगर रेलिवेंट एक्टिविटी ये है तो इसके हिसाब से आपको लगेगा कि ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल इनके पास है अगर देखा जाए कि सेल एक रेलिवेंट एक्टिविटी है तो कंट्रोल सी डी के पास है तो ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है लेकिन अगर ये हम देखें कि फिनेंस एक मोस्ट और मेजर सिग्निफिकेंट रेलिवेंट एक्टिविटी है जिससे कि आपका प्रोडक्शन भी हिट हो रहा है और सेल्स भी रिलेट कर रहा है और अगर इस पे इन दोनों का ज्वाइंट कंट्रोल है आई I मीन mean, ज्वाइंट कंट्रोल कैसे चेक करेंगे कि इनका कंट्रोल है बेसिकली हाँ दोनों अग्री करके मैटर सॉल्व कर रहे हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट तो है अरेंजमेंट इन्होंने किया ही क्या यूनानिमस कंसेंट अगर है बोथ द कंपनीज मस्ट अप्रूव तो यहाँ पे यूनानिमस कं, कंसेंट जो इम्प्लीसिड है कि बिना अग्री किए हो तो बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा कोई काम होगा ही नहीं होगा फाइनेंस रिलेटेड तो यूनानिमस कंसेंट भी है इम्प्लिसिट ही हो भले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो लेकिन आपको यह कॉन्ट्रैक्ट मजबूर कर रहा है कि आपको अप्रूव करना होगा तो बेसिकली इट इज कॉन्ट्रैक्ट में गिवेन है कंट्रोल आ जाएगा अगर आप दोनों साथ में काम कर रहे हो और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है ही है सो दिस इज अंट कंट्रोल अगर फिनेंशियल रिलेटेड मैटर्स मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर रहे हैं जिससे कि आपका प्रोडक्शन और सेल्स भी इम्पैक्ट हो रहा है आप ऐसा भी हो सकता है कि रेलिवेंट एक्टिविटी प्रोडक्शन हो तो उस केस में ज्वाइंट कंट्रोल नहीं रहेगा ऐसा भी हो सकता है कि सेल्स एंड मार्केटिंग रेलिवेंट एक्टिविटी हो ठीक है लेकिन हम यहाँ पे जो सीनारियों देख रहे हैं उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि फिनेंस एक मोस्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है जिससे कि प्रोडक्शन भी डिपेंड करता है मार्केटिंग भी डिपेंड करती है सेल्स भी डिपेंड करता है तो हम ये मानते हैं कि अगर यहां पे इन दोनों मिलजुल के डिसीजन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ज्वाइंट कंट्रोल यहां पे है और मिलजुल काम कर रहे हैं। ठीक है सो यू कैन से यस देर इज ज्वाइंट कंट्रोल नाउ वी विल इंचिंग टूगेदर टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर हंड्रेड आई यू गेटिंग द फीलिंग ऑफ एट सी डी ई एफ लिमिटेड इज अ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन्स बिट्वीन इन्वेस्टर्स सी डी ई एफ एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है मिलजुल के ये लोग काम कर रहे हैं टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट सर्विसेज ठीक है सी डी एफ लिमिटेड रियल इस्टेट बेसिकली इज एन इंकॉर्पोरेटेड एंटिटी एंड इन्वेस्टर्स शेयर्स ओनरशिप इज कोई ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट बेसिकली इन तीनों ने मिलकर एक एंटिटी बनाई है जो है सी डी एफ लिमिटेड वो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम करती है सर्विस देती है रेस्पेक्टिवली इनके सेयर्स हैं बीस तीस पच्चीस पच्चीस ठीक है विच इज फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट देर इज सॉरी देर इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन प्लेज दैट रिक्वायर्स वोटिंग मेजोरिटी ऑन ऑल रेलिवेंट एक्टिविटीज देर इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि जब तक फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा किसी भी रेलिवेंट एक्टिविटीज पे मेजोरिटी वोट नहीं करेगी आई I मीन mean, जब तक 50 परसेंट से ज्यादा वोटिंग नहीं होगी उसके पक्ष में तब तक वो अप्रूव नहीं होगा सो बेसिकली 20, 30, 50 कर लो 25, 25 कर लो तो बेसिकली इसमें से तीन लोग तो लगेंगे लगेंगे या फिर 30 प्लस ट्वेंटी कर लो 30 प्लस ट्वेंटी कर लो समझ रहे हो तो दो लोग से भी काम हो जाएगा तो इन्वेस्टर्स सी डी एंड ई हैव इनफॉर्मली अग्रीड टू वोट टूगेदर ये तीनों मान गए कि हम तीनों एक साथ वोट करेंगे सी डी एन ई बेसिकलीट इज फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके दिस इनफॉर्मल एग्रीमेंट हैज बीन इफेक्टिव इन प्रैक्टिस और एक काम में भी चल डी डी एंड ई है हमसे ये सवाल है क्या इनका ज्वाइंट तो यहां पर अपनी थ्री सी वाली चेकिंग करते हैं पहली चीज क्या इनके पास कंट्रोल है बेसिकली अगर इनके पास ट्वेंटी थर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी परसेंट प्लस थर्टी परसेंट प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट दैट इज सेवेंटी फाइव परसेंट और इसमें कैसे देखा इन्वेस्टर्स सी डी एन हैवीड इन फॉर्मल वो बात नहीं है ओके टू प्लीज दैट रिक्वायर्स वोटिंग मेजोरिटी ऑन ऑल रिलिवेंट एक्टिविटीज वोटिंग मेजोरिटी पर डिसीजन लिया जाता तो सेवेंटी फाइव परसेंट इज मोर देन इनफ ये दोनों मिल जाते तो भी काम हो जाता ठीक है इन्वेस्टर सी डी एन हैदर टुगेदर मतलब हर बात पे एक साथ हर मुद्दे पे एक मत होगा इनका सो दैट इज कॉल्ड यूनानिमस कंसेंट ठीक है तो यूनानिमस कंसेंट है कंट्रोल है ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट भी है सो so अगर ये थ्री सी चेकिंग पास कर जाता है तो क्या है ये ज्वाइंट अरेन्जमेंट है बिटवीन सी डी एंड एके नॉट एफ क्लियर है। वही हमसे पूछा भी गया था तो हम ऐसे जवाब दे सकते हैं। फिर बात करते हैं 96। ओके शेयर होल्डर सी डी फॉर्म न्यू ज्वाइंट अरेंजमेंट एंटिटी सी डी कोई दिक्कत नहीं है एनडीटी इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दैट इज स्ट्रक्चर्ड बोल सकते हो जैसे वो कंपनी के स्ट्रक्चर में ही वैसा ढांचे में भी वैसा ही है

अब पूछ रहा है कि क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के वजह से हम ये माने कि ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है या नहीं तो हमने एक चीज़ पढ़ी कि इम्प्लिसिट भी रहेगा तो भी चलेगा हमने ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट रिटेन हो सकता है ओरल हो सकता है और स्ट्रक्चर्ड हो सकता है स्ट्रक्चर्ड मतलब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहेगा तो भी चलेगा तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि सारे मिलजुल के करेंगे तो वहाँ पे यूनानिमस कंसेंट का भी बात आ गया और इसकी वजह से कंट्रोल आ जाएगा कि नहीं अब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जितने भी शेयर होल्डर्स हैं इन सबको यूनानिमसली डिसीजन लेना पड़ेगा ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है हम उसका सम्मान करते हैं बिल्कुल करते हैं प्रोवाइडेड ये लॉ के अनुसार हो हम लॉ की बात नहीं कर रहे हैं सही है गलत है क्या है क्या नहीं लेकिन लॉ अगर मानता है कि ऐसा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं ठीक है ये बोले रहे यूनानिमस डिसीजन लेना पड़ेगा और बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इनका आर्टिकल एसोसिएशन इंक्लूड क्लॉज स्टेटिंग दैट ऑल शेयर होल्डर मस्ट यूनानिमसली एग्री ऑन एंटिटीज रेलिवेंट एक्टिविटीज सो बेसिकली यहाँ पे सबको एक साथ चलना होगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है कि आपको एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा नहीं तो काम नहीं होगा सो so, ये दोनों चीज़ इम्पलीसिड है मतलब मजबूरी है इनका और कोई ऑप्शन है नहीं और इसके वजह से इनका क्या होगा सारे शेयर होल्डर्स का एक ज्वाइंट कंट्रोल आ गया ठीक है सो दैट इज वाई इट इज अ अंट अरेंजमेंट आई गटी माई पॉइंट नाउ नाइनटी सेवन फिर आएगा नाइनटी एट फिर uh, हो 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 फील आएगी फील ईसी लिमिटेड हैज होली ओन सबसिडरी ठीक है एंटीटी बी ईसीए लिमिटेड ज अ होली ओन्ड एन एंटिटी बी दैट होल्ड्स अ पोर्टफोलियो ऑफ बिल्डिंग एक ईशीएल लिमिटेड है जिसकी होली ओन्ड सब्सिडी मतलब हंड्रेड परसेंट इन्वेस्ट किया हुआ है एंटिटी बी में और वो बिल्डिंग्स की पोर्टफोलियो खरीदती है बेचती है बेसिकली ईशीए लिमिटेड विच इज टू रिड्यूस इट्स एक्सपोजर टू दिस मार्केट ए लिमिटेड सोचा कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है इस कंपनी की वजह से बिल्डिंग में प्राइस ऊपर नीचे होता रहता तो हम अपने रिस्क को रिड्यूस करते हैं इट सेल्स फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन एंट्रीज बी टू इन्वेस्टमेंट बैंक ठीक है, in है? अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच देती एशिया लिमिटेड एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इंटर इंडो कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट ओके कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है वेयर बाई डिसीजन्स रिगार्डिंग एंटिटीज बी इज रेलिवेंट एक्टिविटीज आर मेड ज्वाइंटली जो रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हैं ये दोनों मिल के करेंगे मतलब यूनानिमस डिसीजन लेना पड़ेगा ईसीएम्यूज टू एक्ट एज एसेट मैनेजर ऑफ एंटीटीज बी फॉर एपेसिफाइड फीस उसे फीस ले रहा था एंड डिसीजन आर मेड इन लाइन विद एंटिटीज बीज़ प्री अप्रूव्ड बजट एंड बिजनेस प्लान इज एंटीटी बी जॉइंटली कंट्रोल्ड अब देखो कहानी क्या थी ईसीए लिमिटेड है सबके पिताजी पेरेंट सबके नहीं बी के अब पिताजी थोड़े से नाराज हुए तो बी के पचास परसेंट इन्होंने दे दी एक इन्वेस्टमेंट बैंक को और खुद पचास परसेंट रख लिए अब इस 50 50 परसेंट से आपको क्या फीलिंग आ रही है कि ये इम्प्लीसिट हो गया ना कि आप जब तक अग्री नहीं करोगे तब तक तो कोई डिसीजन आप ले नहीं पाओगे ठीक है और आपका कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है अगर इम्प्लीसिटली देखा इम्प्लीसिट है कि उनका यूनानिमस कंसेंट होगा क्योंकि 50 परसेंट एक लोग का है फिफ्टी परसेंट एक लोग का तो दोनों तो मतलब एक अग्री नहीं करेगा तो दूसरा काम नहीं करेगा और कॉन्ट्रैक्ट तो इन्होंने साइन किया हुआ ही है और इसके वजह से इनका हो गया कंट्रोल भी आ गया तो क्या ये जॉइंटली कंट्रोल्ड हो रहा है आंसर इज यस बिल्कुल हो रहा है साफ साफ दिख रहा है आंखों से ही दिख रहा है एकदम ओके okay. फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हैव एट देन वी विल हैव नर्वस में हम लोग खेल रहे नाइनटी एट पे है अभी वैसे एम लिमिटेड एंड अनलिमिटेड सेटअप ज्वाइंट वेंचर कंपनी कोई दिक्कत नहीं उसका नाम एम एन लिमिटेड रखो चाहे कुछ रखो बाई साइनिंग अ ज्वाइंट ऑपरेटिंग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया इन्होंने बोथ इन्वेस्टर डेलीगेट थ्री डायरेक्टर्स ईच मतलब तीन तीन करके छ हो गए ट्वेंट इज एम एन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ठीक है यहाँ तक तो ठीक है थ्री करते हैं मतलब फिफ्टी फिफ्टी परसेंट और इसके लिए क्या होगा इनको यूनानिमस कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए समझ रहे हो कहानी कहां से डिसीजन आर मेड बाई सिंपल मेजोरिटी इन द इवेंट ऑफ डेड लॉक द चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ एन लिमिटेड हैज कास्टिंग वोट डज एन लिमिटेड हैव कंट्रोल ओवर लिमिटेड क्या पूछ रहा है डज एन लिमिटेड एम और एन मिल के कंपनी फॉर्म करते एम एन लिमिटेड यहाँ पे कहानी यहाँ तक तो ठीक थी और यहाँ पे बस एक चीज है कि इन द इवेंट ऑफ डेडलॉक द चेयरमैन और डायरेक्टर ऑफ एन लिमिटेड हैज द कास्टिंग वोट डिसाइडिंग वोट है सो डज एन लिमिटेड हैव कंट्रोल ओवर तो यहाँ पे सिक्स तो थे मतलब थ्री लोग इधर थे और थ्री लोग इधर थे तब तक तो जॉइंट कंट्रोल था क्योंकि इनको यूननिमस कंसेंट बैठाना ही पड़ता कॉन्ट्रैक्ट तो था ही था ही तभी तो कंट्रोल आता लेकिन यहाँ पे जो चेयरमैन है वो डेडलॉक होगा जैसे ही बराबर होगा तो डिसाइडिंग वोट इसका होगा तो डिसाइडिंग वोट इसका होगा तो मतलब ये को बदल सकता अपने तीन आदमी को तो सेटल कर ही सकता है कि भाई मेरे साथ बोलो तो इसका बेसिकली फोर इस टू तो थ्री रेशियो हो रहा है तो कंट्रोल किसके पास है एन लिमिटेड के पास है। ना है? कि एम और एन जॉइंटली क्लियर है जस्ट बिकॉज कि चेयरमैन जो है उसके पास कास्टिंग वोट है कि जब भी कोई डेडलॉक सिचुएशन आएगी तो उसका वोट डिसाइड नाउ वी आर गाईज नियर टू नाइन हंड्रेड नर्वस नाइन्टी नाइन हैंग न कर जा यार क्या यार अरे यार प्लीज यार कंप्यूटर भाई प्लीज धायरे से काम लिया जा रहा है यहाँ पे हम जैसे एक दो शायरी पढ़ तब तक जब तक ये सेटल होते चलो पढ़ते हैं अपने से मेरे को लगता है ना ऑफ हो जाएगा पढ़े कुछ लिखा भी है हमने मतलब मैंने नहीं लिखा किसी का लिखा होगा मैंने कुछ लिखा है क्या एक है कि सब दलीलें तो मुझे याद रहीं सब दलीलें तो मुझे याद रही बहस बहस क्या थी मैं वो भूल गया सब दलीलें मुझे याद रही लेकिन बहस क्या थी वही मैं भूल गया मेन टॉपिक क्या था वही भूल गया हमें हंड्रेड पे पहुंचना है और एक गाड़ी नर्वस नाइनटी नाइन पे आगे रुक गई है So, क्या किया जाए समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो जीनी है जिंदगी तो आगे देखो आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और मुझे लग रहा है एक एंड आई थिंक गाइस वी आर गुड एंड वी आर मूविंग 98 से 99 तक चलते हैं। नर्वस 99 में गाड़ी आगे फंस ही जाती है तो फिर क्या किया जा सकता है क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोलता है थ्री सेपरेट एरो स्पेस कंपनीज फ्रॉम फॉर्म एंड एयरलाइंस ओके टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर एंड एयरक्राफ्ट ठीक है थ्री दे कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज सच एज मैनुफैक्चरिंग इंजन कोई इंजन मैन्युफैक्चर करता है कोई फ्यूज लैग एंड विंग्स ठीक है कोई एरोडाइनमिक्स तो तीनों लोग के पास तीन अलग अलग एक्सपर्टीज हैं तीनों इंपॉर्टेंट हैं दे कैरी आउट डिफरेंट तीनों इम्पोर्टेंट बिना विंग्स के एयरक्राफ्ट होगा क्या भाई साहब बिना एरोडायनामिक्स पे एरोडायनमिक्स के कैसे फ्लाइट आई I मीन mean, एयरक्राफ्ट काम करेगा क्या हो गया नरस नाइनटी नाइन का इफेक्ट है दे कैरी आउट डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस दे कैरी आउट ओके एंड ईच यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सिज हो हो एंड एक्सपर्टीज इन ऑर्डर टू मैनुफैक्चर मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट द एयरक्राफ्ट जॉइंटली एक्सपर्टीज इन ऑर्डर टू मैनुफैक्चर मैनुफैक्चर में अपने अपने रिसोर्सेज वो यूज करते हैं मतलब अपना अपना खर्चा यूज करते हैं अपने अपने लेबर लोग यूज करते हैं मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट द एयरक्राफ्ट जॉइंटली बट लेकिन जब वो एयरक्राफ्ट बेचने की बात आती है मार्केटिंग की बात आती है तो जॉइंटली करते हैं क्योंकि तो एयरक्राफ्ट बनाना बहुत बड़ी बात होती है द थ्री एंटिटीज शेयर द रेवेन्यूज फ्रॉम द सेल ऑफ़ एयरक्राफ्ट एंड जॉइंटली इनकर एक्सपेंसिस रेवेन्यू शेयर करते हैं और ख़र्चा एक साथ करते हैं दीज रेवेन्यूज इन एंड कॉमन कॉस्ट आर शेयर और जो रेवेन्यू और कॉस्ट है बेसिकली जो इनकम है और जो एक्सपेंसेस है वो शेयर्ड होता है तुम्हारा 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 वैसा वाला एज अग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट तो इनका है ही है पार्टीज ऑल्सो इनकर देयर ओन सेपरेट कॉस्ट सच एज लेबर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सप्लाईज इन्वेंट्री ऑफ द अनयूज पार्ट वर्क इन प्रोग्रेस ईच पार्टी रिकोगनाइज इट सेपरेटली कॉस्ट इन फुल अपना खर्चा वो अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं वुड दी अरेंजमेंट बी क्लासीफाइड एज ज्वाइंट ऑपरेशन तो ज्वाइंट ऑपरेशन अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है स्ट्रक्चर्ड भी होती है तो यहाँ पर जो अनस्ट्रक्चर्ड था अनस्ट्रक्चर्ड में हमने बताया था कि दो तीन चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए या फिर स्ट्रक्चर में भी हमने बताया था कि इनकम अलग अलग बुक होगा एक्सपेंसिज uh, अलग अलग बुक होंगे एसेट्स अलग अलग रिकॉर्ड होंगे लाइबिलिटीज़ अलग अलग रिकॉर्ड होंगी और इनका एस एफ एस बनेगा सी एफ एस नहीं बनता है जॉइंट ऑपरेशन में जॉइंट वेंचर में जबकि सी एफ एस बनता है ठीक है तो ये सीनारी देख के क्या लग रहा है कि इनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है तो बेसिकली इनका कंट्रोल है ही है अपने अपना मतलब इन तीनों लोग का मिला के काम हो रहा है, और तीनों लोग का अलग अलग काम है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था मॉल बनाएंगे दस आ, दस दुकान तुम बेच देना मॉल में दस दुकान हम बेच देंगे मतलब दस दुकान तो आए दस दुकान हमारी मॉल बनाए निकल गए अपना माल बेचे निकल गए सो दैट इज कॉल्ड जॉइंट ऑपरेशन उसमें आप अपनी इनकम अलग रखते हो अपनी एक्सपेंसेस अलग रखते हो तो यहाँ पे भी वैसा ही है ये लोग जॉइंटली काम कर रहा है अपनी इनकम अलग, अलग अलग रख रहा है अपने एक्सपेंसेज अलग अलग रख रहा है सो दिस इज दी परफेक्ट केस फॉर दिस जॉइंट ऑपरेशन ओके सो दिस इज अ ज्वाइंट ऑपरेशन बिकॉज दिस दिस शेयर देयर इनकम दिस शेयर देयर एक्सपेंसिस सो जिसका जो इनकम रहता है वो अपने इनकम में, में, में दिखाता है जिसका जो एक्सपेंस रहता है वो अपने एक्सपेंस में दिखाता है वैसे ही जिसका जो एसेट रहेगा वो एसेट में दिखाए जिसका जो लाइब्रिटी है वैसे उस लाइब्रेटी में दिखाएगा और ये अनस्ट्रक्चर्ड है जनरली जनरली ज्वाइंट ऑपरेशन अनस्ट्रक्चर्ड रहता है और ज्वाइंट वेंचर स्ट्रक्चर्ड रहते हैं जैसे कोई एंटिटी फॉर्म कर ली नासा लिमिटेड या फिर कुछ ऐसा अगर बोइंग जैसे कि हो गया वैसे एंड द मूमेंट इज हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व दंड्रेड क्वेश्चन वाह हो टू पार्टीज स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर अटेंजमेंट इन एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी तो देखो यहाँ पे इनकॉरपोरेशन की गई है एक एंटिटी को ईच पार्टी हैज़ फिफ्टी परसेंट ओनरशिप इंटरेस्ट इन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी मतलब इम्प्लीसिड हो गया कि यूनानिमस कंसेंट चाहिए ही चाहिए द इनकॉरपोरे सेपरेशन ऑफ द एंटिटी फ्राम इट्स ओनर एज कॉन्सिक्वेंसेज एसेट्स एंड लैबरिटीज हेल्ड इन दर एसेट एंड लाइबरिटी इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी हमने ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बात की थी अगर आपको याद हो कि आप एसेट्स जिसकी रहेगी वो अलग दिखाएंगे जिसकी लाइब्रिटीज रहेगी वो अलग दिखाएंगे तो वैसे ही कुछ सीन अभी तक देखने को मिल रहा है कि ये लोग द इनेबल्स द सेपरेशन ऑफ द एंटिटीज फॉर इट्स ऑनरशिप एज अ कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ़ द एंड लाइबरिटी विल भी ऑनरशिप के लिए सेपरेट कर देता है कि जिसका जो है वो अपने यहाँ दिखाएगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अरेजमेंट हमें टाइप ऑफ द अरेंजमेंट बताना है इफ़ द पार्ट इज मॉडिफाइज द फ्यूचर ऑफ द कॉर्पोरेशन थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेजमेंट सच दैट ईच हैज इंटरेस्ट इन द एसेट्स एंड ईच इज लायबल फॉर द लायबिलिटी द हर कोई का एसेट होगा या फिर हर फिर या फिर हर कोई की लायबिलिटी होगी तो व्हाट टाइप ऑफ द जॉइंट अरेंजमेंट वुड दैट बी तो यहां पे क्या दिख रहा है यहां पे एक लाइन हमको ठीक से देखनी पड़ेगी

द सेपरेशन ऑफ एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स इस एंटिटी की एक अलग पहचान होगी उसके ओनर से उससे सेपरेट होगी एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द एसेट्स एंड द लाइबरिटीज हेल्ड इन द एंटिटी आर द एसेट्स एंड लैबरिटीज ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी ऐसे समझो ज्वाइंट ऑपरेशन की बात आएगी लेकिन उसमें चेंजेस के बाद इन्होंने दो एंटिटी इन्होंने एक एंटिटी बनाई अब एक ऑपरेशन के लिए इसकी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं ये एंटिटी की ही मानी जाएगी इनको इस एसेट पे कोई हक नहीं है ठीक है तो हमने बताया था आपको कि ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है कि ये स्ट्रक्चर्ड एंटिटी रहती है और इनका इस एंटिटी का पूरा का पूरा एसेट्स एंड लैबिटीज पे कंट्रोल रहता है पूरी की पूरी एसेट्स एंड लैबिटीज उनकी होती है ठीक है जो भी नेट एसेट है इनका है एसेट्स एंड लैबिटी इनकी है तो स्ट्रक्चर्ड एंटिटी है सारा एन इनका है नेट एसेट इनका है एसेट्स एंड लैबिटी जबकि जॉइंट ऑपरेशन में स्पेसिफिक एसेट्स एंड लैबिटीज रहती हैं ठीक है तो ये वाली जो केस है वो प्योरली ये क्लासिकल एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है सो so बेसिकली जो डिफरेंस यहां पे पॉइंट आउट हो रहा है वो ये है कि इनकी एक स्ट्रक्चर एंटिटी रहेगी और उनके पास सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी रहती हैं जो इसको फॉर्म करती हैं जैसा कि यहाँ पे भी हुआ और इनके एसेट्स और लाइब्रिटीज पे इस एंटिटी जो एंटिटी फॉर्म होती है उसका हक रहता है मतलब वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सारी चीज़ें रहती है। ठीक है और इसमें हम लोग एस भी बनाते हैं सी भी बनाते हैं ये तो बात की बात है ठीक है और अगर आपको मोटा मोटी समझना है तो ऐसे समझिए कि ज्वाइंट वेंचर में आपको ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रहती है ठीक है उसको एन ए भी बोल सकते हैं तो नेट एसेट वैल्यू पे आपका कंट्रोल रहता है नेट एसेट्स पे, जबकि ज्वाइंट ऑपरेशन में ऐसा नहीं होता है आपके पास एसेट्स रहती है सिर्फ और सिर्फ जो ज्वाइंट अरेंजमेंट के लिए बनाई जाती है पूरी की पूरी एसेट्स पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है। कुछ एसेट्स पे कुछ लाइबिलिटीज पे आपका कंट्रोल रहता है ठीक है तो इस केस में वही समझाया जा रहा है कि यहां पे तो हम बोल रहे ज्वाइंट वेंचर ज्वाइंट ऑपरेशन कैसे होगा समझो यहां पे इफ दार्टीजी मोडिफाई द फीचर ऑफ द कॉरपोरेशन थ्रू अ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट सच दैट ईच हैज एंड इंटरेस्ट इन एसेट्स एंड ईच इज लाइबल मतलब अलग अलग सेपरेट कर दे रहा है ना ईच इज लाइबल फॉर द लाइब्रेटीज मतलब तुम उस एसेट के मालिक हो मतलब तुमको वो एसेट दिया जाएगा तुम्हारे लिए वो अलग लाइब्रेटी दोनों की अलग अलग एसेट्स दोनों की अलग अलग लाइब्रेटी सेपरेट कर दिया जा रहा है समझो फील आ रही कि नहीं आ रही है एक अच्छा एग्जाम्पल मेरे को लगता है कि वो मॉल वाला एग्जाम्पल की दो बिल्डर हैं घर बना रहे हैं बोले कि हम इसमें से आधा बिल्डिंग मतलब इस मतलब मान लो कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है साउथ का जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा हम करेंगे तुम नॉर्थ का करना इसमें से जो भी तुम दुकान बनाओगे बेचो खाओ जो भी करना है करो तो यहाँ पे हम बनाएंगे तो यहाँ की जितनी भी दस दुकान बनी वो मेरी एसेट्स है वो मेरे यहाँ पे आएंगी यहाँ पे ये यह बोलेगा वो मेरी एसेट्स हम मेरे पास आएंगी तो यहाँ को बनाने में जो क्रेडिटर आए हैं उसकी लाइब्रिटी ये पे करेगा और इसकी लाइबिलिटी ये पे करेगा तो ये क्या हो गया ये ऑपरेशन है जैसे ऑपरेशन लोटस चलता है ना कर्नाटका में वैसा वाला ऑपरेशन है जैसे बीजेपी ऑपरेशन पे ऑपरेशन चलाई जा रही है ठीक है तो ये वाली बात है तो यहाँ पे ये फीलिंग आ रही ईच हैज एन इंटरेस्ट इन एसेट्स एंड ईच इज लाइबल फॉर लाइबिलिटीज विस टाइप ऑफ अरेजमेंट वुड दैट बी दिस विल बी ज्वाइंट ऑपरेशन एंड दिस विल बी ज्वाइंट वेंचर एंड बोथ इज अंट अरेजमेंट ज्वाइंट अरेजमेंट के दो भाई एक ये दो तो भाई ने ये पिताजी हैं ज्वाइंट अरेंजमेंट और इनके दो सपुत्र हैं पुत का पुत सुने हैं पर माता सुनी है कुमाता अगर आपको आरती वारती आती है तो यू विल गेट टू नो ओके बिकॉज ये हंड्रेड हो गया तो हमने थोड़ी सी आरती भी कर दी तो क्या शानदार क्वेश्चन था हंड्रेड क्वेश्चन मजा आ गया करके ना इसीलिए मैंने इसको हंड्रेड पे रखा कि आपकी कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे समझ में आ रहा है ओके okay. एक बार फिर समझ लो कि जब आपके पास सेपरेट एसेट सेपरेट लाइबिलिटीज रहती है तो दैट इज अ ज्वाइंट ऑपरेशन अगर एंटिटी के पास सारी एसेट्स रहती लाइबिलिटीज रहती दैट इज ट इज ज्वाइंट वेंचर हंड्रेड एंड वन ओह खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला क्वेश्चन क्या नहीं ऐसा नहीं होगा एनडीडी बी एन सी फॉर्म अ पार्टनरशिप ओके टू ओन एंड ऑपरेट अल रिफाइनरी ठीक है इन्होंने पार्टनरशिप बनाई और बेसिकली इन्होंने एग्री किया कि हम साथ में इसको ऑपरेट करेंगे मालिक का ना हक भी रहेगा ओन भी करेंगे ऑपरेट भी करेंगे इस पार्टी हैज हैजिफ्टी परसेंट इंटरेस्ट मतलब यहां पे यूनानिमस कंसर्न इम्प्लेसड है कॉन्ट्रैक्ट हो गया कंट्रोल इन्ट तो आई जाएगा इंटरेस्ट इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप वॉट कंसिडरेशन वुड द मैनेजमेंट हैव टू इन द अरेंजमेंट एज अ वेंचर और ऑपरेशन तो, तो यहां पे हमसे ये पूछ रहे हैं कि ज्वाइंट ऑपरेशन है या फिर ज्वाइंट वेंचर अब देखो हम सारा खेल यहाँ पे ये यह है कि एसेट्स और लाइब्रेटीज हम सेपरेटली दिखा रहे हैं या फिर उस जो हमने एंटिटी बनाई है जो पार्टनरशिप बनाया है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हैं या फिर उसी का दिखा रहे हैं या फिर सेपरेट करके सेपरेट एसेट सेपरेट लाइब्रेटीज दिखाई जा रही है जो कि यहाँ पे अनक्लियर है लेकिन अगर मानते हैं कि सेपरेट नहीं दिखाई जाती वो सिर्फ और सिर्फ एंटिटी की दिखाई जाती है तो थ्री के हिसाब से इनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है पार्टनरशिप इज़ एन एग्रीमेंट दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ इनके पास क्या है यूनानिमस कंसेंट है क्यों है कंसेंट क्योंकि 50 50 परसेंट किसी के बिना किसी का चले गई नहीं और इसकी वजह से इनका कंट्रोल भी आ रहा है तो ज्वाइंट कंट्रोल आ गया है और ये जॉइंट कंट्रोल आने के बाद ये जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन की लड़ाई लड़ती है जो एक कंडीशन पर डिपेंड करती है कि जो एसेट्स और लाइबिटीज या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर जो होंगे वो सेपरेट एंटिटीज के सेपरेट सेपरेट होंगे अलग अलग होंगे या फिर कंबाइंड दिखाए जाएंगे अगर अगर इफ सेपरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिटीज नहीं होता नहीं होता है तो ये जॉइंट वेंचर है अगर होता है सो दैट इज अंट ऑपरेशन एज सिंपल एज दिस क्लियर है ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है इसमें कोई भी डाउट नहीं है इसमें कोई भी डाउट नहीं कि ज्वाइंट अरेन्जमेंट है या नहीं क्योंकि यहाँ पे थ्री सी टी चेकिंग एकदम टकाटक है इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारे पास ठीक है बस लड़ाई ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट ऑपरेशन की तो आप ये दोनों लिख दीजिएगा कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा तो ऐसा हुआ तो वैसा होगा तो अब आया बड़ा क्वेश्चन टू पार्टीज डब्ल्यू एन एफ फ्रॉम अ लिमिटेड कंपनी टू बिल्ड एंड यूज पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट गैश बनाएंगे और उसको यूज करेंगे ऑपरेट करेंगे टू पार्टीज उन्होंने एक एंटिटी फॉर्म की है एंड दैट इज अ लिमिटेड कंपनी फॉर्म की उन्होंने ठीक है सेपरेट एंटिटी ईच पार्टी हैज फिफ्टी परसेंट इंटरेस्ट इन द कंपनी मतलब यूनानिमस कंसेंट तो आ गया ओके, डर देअर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंटिटी टी डब्लू एन एफ मस्ट ईच यूज फिफ्टी परसेंट ऑफ द पाइपलाइन कैपेसिटी और उसके हिसाब से वो बोला कि फिफ्टी परसेंट कैपेसिटी तुम यूज करना गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिफ्टी परसेंट हम यूज करेंगे अनयूज कैपेसिटी इज चार्ज एट द सेम प्राइस एज यूज कैपेसिटी अनयूज भी उसी हिसाब से चार्ज होता है एंटिटी डब्ल्यू एन एफ कैंसेल देयर शेयर्स ऑफ द कैपेसिटी टू अ थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टर्स अभी बोल रहा है कि इसको ये लोग बेच भी सकते हैं बिना कंसेंट के किसी भी थर्ड पार्टी को डब्ल्यू एन एफ कैंसेल देयर शेयर ऑफ द कैपेसिटी टू अ थर्ड पार्टी समझ में आ रहा है इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की है वो पाइपलाइन बनाती है और उस पर गैस ट्रांसपोर्ट करती है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट इसमें उनका हक रहता है उस पाइपलाइन पे, लेकिन उसमें कुछ अगर अनयूज है तो उसको थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं एन एंटिटी डब्ल्यू एन एफ कैन सेल देयर सेयर्स ऑफ द कैपेसिटी टू अ थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट किसी जरूरत बिना कंसेंट के भी वो ये माल बेच सकते हैं अनयूज वाला। The price entity WNF pay for the gas transport is determined in a way that ensure all costs incurred by the company can be recovered. The price WNF pay karte for gas transport is determined in a way that all costs incurred by the company can be recovered. The price entities WNF pay for the gas transport अब ये गैस ट्रांसपोर्ट के लिए जो पैसा लगता है वो इस तरीके से रखा गया कि कंपनी की सारी की सारी खर्चे निकल जाए मतलब इनकम से खर्चा निकल जाए द ज्वाइंट अरेंजमेंट इज स्ट्रक्चर थ्रो सेपरेट व्हीकल मतलब सेपरेट एंटिटी ईच पार्टी हैज अ फिफ्टी परसेंट इंटरेस्ट इन द कंपनी जो कि पहले भी लिखा हुआ था हाउ एवर द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स रिक्वायर्स द स्पेसिफिक लेबल ऑफ यूज

इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है कि वो मिल के साइन किए ठीक है।, है कोई दिक्कत नहीं है तो ज्वाइंट अरेंजमेंट तो है क्या है ज्वाइंट ऑपरेशन है या फिर ज्वाइंट वेंचर है सवाल ये सवाल ये है कि ये ज्वाइंट वेंचर है या फिर ज्वाइंट ऑपरेशन तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिली होगी पाइप जो ऐसे ये लोग बिल्ड कर रहा है उसको इन्होंने सेपरेट सेपरेट बांट लिया है सॉरी डब्ल्यू uh, एफ ने सेपरेट सेपरेट उसको बांट लिया तो एसेट सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे जब एसेट अलग अलग दिखाया जाता है तो आपको क्या फीलिंग आ रही है एसेट्स और लाइबिटीज जब अलग अलग दिखाए जाते हैं तो हमें एक ही फीलिंग आती है कि जो ज्वाइंट ऑपरेशन होगा अगर एक एंटिटी की दिखाई जाती जो एंटिटी इन्होंने फॉर्म की थी तब ये ज्वाइंट वेंचर होता लेकिन यहाँ पे अलग अलग पाइपलाइन को इन्होंने दिखाया है और वो उसको बेच सकते हैं खरीद सकते हैं अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपना कॉस्ट इंकर कर सकते हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ ज्वाइंट ऑपरेशन इट इज अ ज्वाइंट अरेंजमेंट, नो डाउट लेकिन विच टाइप ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट इज़ इट इज अ ज्वाइंट अरेंजमेंट। अब बढ़ते हैं आगे। अब आती है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हंड्रेड एंड थ्री यहां पर भी दो पार्टीज हैं स्ट्रक्चर ज्वाइंट अरेजमेंट इन अ इन एंटिटी इन विच ईच पार्टी हैज़ फिफ्टी परसेंट ओनरशिप इंटरेस्ट द पर्पज ऑफ द अरेंजमेंट इज टू मैन्युफैक्चर मटीरियल रिक्वायर्ड बाई द पार्टीज फॉर देयर ओन इंडिविजुअल मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस द अरेंजमेंट इंश्योर्स दैट द पार्टीज ऑपरेट द फैसिलिटी दट प्रोड्यूस द मेटीरियल टू द क्वान्टिटी एंड द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ द पार्टीज ठीक है द लीगल फॉर्म ऑफ द एंटिटी डी जिसको इन्होंने फॉर्म किया है थ्रू विच द एक्टिविटीज आरिशियलीब्रिटीज यही मेन लाइन है

तो हमसे पूछा जा रहा है कि वॉट टाइप ऑफ द ज्वाइंट अरेंजमेंट वुड एंटिटी डी बी वुड यूर क्लैरिफिकेशन चेंज इफ दार्टीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द शेयर ऑफ आउटपुट दिम सेल शोल्ड टू दर्ड पार्टी अगर थर्ड पार्टी को भेजते अगर वो मेटेरियल जो प्रोड्यूस कर देते इफ़ द पार्टीज चेंज द टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअलेंट दैट एंटिटी डी वुड बी एबल टू सेल द आउटपुट ऑफ द थर्ड पार्टीज वुड योर आंसर बी द सेम एज पॉइंट एज इन द पॉइंट वन एव तो पहले हमें ये बताना है कि किस टाइप की अरेंजमेंट है ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचने लायक है अब इसकी जो लीगल टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से आपको क्या फील आएगा कि जो अभी हमने देखा भी लीगल फॉर्म ऑफ एंटिटी डी थ्रू विच एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इनिशियली इंडिकेट्स दैट द एंड लाइबरिटीज हेल्ड इन एंटिटी डी आर एसेट्स एंड लाइबिटीज ऑफ द एंटिटी डी तो हमें जॉइंट वेंचर वाली फीलिंग आ रही है

ओन इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्होंने बनाया ही इसीलिए है कि सिर्फ और सिर्फ वो उनके काम आए द अरेंजमेंट इंश्योर्स दैट पार्टीज ऑपरेट द फैसिलिटी दैट प्रोड्यूसेज द मटेरियल टू द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ द पार्टीज अपने लिए यूज करेंगे साथ साथ उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी निर्धारित करेंगे ज्वाइंट वेंचर में हम लोग क्या चेक करते हैं लीगल फॉर्म ऑफ द एंटिटी कि वो सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी है या नहीं है बिल्कुल करते हैं एक एंटिटी है या नहीं पहली चीज तो ये कि एंटिटी स्ट्रक्चर्ड है एक एंटिटी फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है फिर उसके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट चेक करते हैं जिसमें ये साफ-साफ लिखा है कि उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसके नहीं है वो जो एंटिटी फॉर्म हुई है उसके हिसाब से तो ये दोनों कंडीशंस तो फुलफिल हो गई लेकिन जो अदर फैक्ट्स एंड सरकमस्टेंसेस हैं वो हमें ये फीलिंग नहीं दे रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है दूसरे के लिए ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रहा है ठीक है वो एक ऐसे समझ लो कि एक आदमी को रख लिए हैं बस कि तुम रिसेप्शन पे रहो बस देखते रहो तुम्हारा नाम है बस और कुछ नहीं मतलब एक ऐसा ऑफिस में हमेशा बंदा मिलेगा जिसका सिर्फ नाम रहता है उसके साम उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रहती ठीक है तो वैसा ही कुछ है तो यहाँ पे जो अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो सेपरेट एंटिटी वाली फील नहीं आ रही एंटिटी वाली फील नहीं बेसिकली कोई एंटिटी है ही नहीं बस एक ऐसे बना के रखा है और काम अपना ही निकलवा रहा है सो दैट इज अ ज्वाइंट ऑपरेशन लेकिन अगर ये एंटिटी जो इन्होंने बनाई है वो खुद सेल करने लगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन है क्योंकि अगर ये इन्हीं को सेल करी तो इनके ऊपर हैविली डिपेंड करती है ये अपनी लैबिलिटीज़ कहाँ से सेटल करेगी इनके यहाँ से पेमेंट आएगा तब सेटल करेगी तो इन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है क्योंकि यही बोल रहे हैं कि ये करो तो वो कर रहा है उसकी सेपरेट आइडेंटिटी कुछ है नहीं समझ लो तो इसके लिए ये एंटिटी क्या है ज्वाइंट ऑपरेशन है जस्ट बिकॉज जो अदर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस खुद के पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं ठीक है उसके बाद वोड यूर क्लैरिफिकेशन चेंज इफ दार्टीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द शेयर ऑफ आउटपुट दू थर्ड पार्टीज अब उसके पास जो थर्ड इन्होंने माल बनवाया और खुद मंगाया और किसी और को बेच रहे हैं। रिटेल का धंधा खोल लिया पहले फिनिश गुड्स बना के बेचते थे अब रिटेल का बिजनेस शुरू कर लिया लेकिन जो एंटिटी थी वो तो अभी भी इन्हीं के लिए माल बना रही है और इन्हीं की क्वांटिटी इन्हीं के क्वालिटी के हिसाब से माल बना रही है अब ये इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये तो इन्हीं के लिए काम कर रही ना तो ये इनका एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है लेकिन जैसे ही उस एंटिटी को अगर एक राइट right मिल जाए कि वो खुद सेल कर सकती है पार्टीज चेंज द टर्म्स ऑफ कंट्रो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेन्जमेंट सच दैट एंटिटी डी वुड बी एबल टू सेल दउटपुट टू दर्ड पार्टीज वुड योर एंसर बी द सेम एज इन दार्ट ऑफ दरब एंसर विल बी डिफरेंट क्योंकि वो सेल कर पाएगी दैट विल बी ए ज्वाइंट वेंचर ठीक है तो क्या क्या चीजें हमने चेक की पहला चीज तो हमने उसके स्ट्रक्चर को चेंज चेक किया लीगली देखा कि सेपरेट एंटिटी बनी है या नहीं बनी है बनी हुई थी यहाँ पे फिर हमने एसेस किया उसके कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स को उसके हिसाब से एसेट्स और लैबिटीज उसी एंटिटी का पार्ट रहेगा जिसका था तो ये दोनों तो चेक है लेकिन जो हमारे पास अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है उसमें ये अगर आता है कि वो खुद के लिए ओन पर्पस के लिए कोई प्रोडक्शन सेल करा रहा है और किसी के लिए नहीं करा रहा है तो इसका मतलब वो ज्वाइंट ऑपरेशन है ये आप समझ लीजिए अगर ये खुद के लिए ना करा के किसी और मतलब उसके पास सेपरेटली राइट रहे कि वो खुद सेल और बेस कर सकते हैं सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह काम कर पाए भाई साहब सिंपल एज दिस तब माना जाएगा कि वो ज्वाइंट वेंचर सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह वो काम ही नहीं कर पा रही तो कैसे मान लिया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सो so, पहले दो का ऑपरेशन ज्वाइंट ऑपरेशन होगा तीसरे का ज्वाइंट वेंचर आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट

उसका नाम पी क्यू था पी क्यू नहीं था पी एंड क्यू ईच ओन 50% मतलब यूनानिमस कंसेंट है कैपिटल इन पी क्यू हाउ एवर द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ द ज्वाइंट अरेंजमेंट स्टेट दैट पी हैज द राइट टू टू ऑल द मशीनरीज एंड ऑब्लिगेशंस टू पे बैंक लोन्स एंड टू एंड द ऑब्लिगेशंस टू पे बैंक लोन इन क्यू मतलब पी के पास राइट है सारे मशीनरी की और ऑब्लिगेशन की क्यू के ऐसा अभी तक दिख रहा है पी एंड क्यू अदर एसेट्स इन पी क्यू और इनके पास सारे अदर एसेट्स पे राइट right हैं पी और क्यू के एंड ऑब्लिगेशन फॉर ऑल अदर लाइब्रिटीज इन पी क्यू प्रपोशन टू देयर कैपिटल शेयर जितना मतलब आधा आधा पी क्यू की बैलेंस शीट दी गई वुड यू रिकॉर्ड पीस फिनेंशियल स्टेटमेंट टू अकाउंट for its rights and obligation in PQ, note P is not exposed to any variable return in Q. हमसे ये पूछ रहा है कि financial statement को would you record in P's financial statement to account for its rights and obligations? अभी हमसे पूछ रहा है कि इसकी recording आप SFS में करोगे या नहीं करोगे? तो इसको कैसे record करेंगे? यहाँ पे in PQ होगा. Uh, basically क्या बोल रहा है कि एक अरेंजमेंट इन्होंने किया है जिसमें पी के पास राइट है मशीनरी का और ऑब्लिगेशन बैंक को पे करने का तो वुड यू रिकॉर्ड पीज फाइनेंशियल अकाउंट फॉर इट्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन पी क्यू यस हम क्या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो मशीनरी के ऊपर उसकी पूरी राइट है तो उसका एसेट पूरा दो लाख पचास हज़ार से जाएगा जो जो डिटेल है वो हम लोग कर सकते हैं बैंक लोन वो बोला है कि पूरा पी का वो पे करेगा तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट करेंगे एंड ऑब्लिगेशंस फॉर ऑल अदर लाइब्रिटीज इन पी क्यू इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल शेयर मतलब फिफ्टी फिफ्टी परसेंट एंड ऑब्लिगेशन फॉर ऑल अदर लाइब्रिटीज ऑल अदर लाइब्रिटीज में क्या आएगा और बाकी जो ऑल अदर है टू ऑल अदर एसेट्स इन पी क्यू एंड ऑब्लिगेशन जो बाकी एसेट्स और लैबिटीज़ हैं उसमें से एक एसेट कैश है और कैश का प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं फिफ्टी परसेंट तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो जाएगा और अदर लोन आपका सेवेंटी फाइव का ट्वें फिफ्टी परसेंट थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड हो जाएगा सॉरी तो ऐसे अपने रिकॉर्ड कर लेंगे क्लियर है जैसे दिया वैसे रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि कौन किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो उसके हिसाब से हम रिकॉर्ड कर लेंगे जॉइंट ऑपरेशन वाली आपको फीलिंग आ रही होगी ठीक है सी एफ एस बनेगा ही नहीं यहाँ पे समझ रहे हो फिर मस्त हैंग होना यार 105 एंड 106 विल बी द लास्ट क्वेश्चन एंड एंड क्वेश्चन जो हैं वो एग्जिमशंस के हैं तो मैं सोच रहा हूं उसके लिए अलग वीडियो बना दो या फिर इसी में डाल दो जैसा बोलो आई थिंक एग्जिमशंस को अलग सेपरेट रखते हैं और खुल क्यों नहीं रहा भाई यस yes. यहाँ पे क्या है ए बी लिमिटेड एंड बी सी लिमिटेड इस्टेबलिश जॉइंट थ्रो सेपरेट व्हीकल ठीक है उन्होंने एक कंपनी बनाई बट द लीगल फॉर्म ऑफ द सेपरेट व्हीकल डज नॉट से बिटवीन द पार्टीज एंड दट व्हीकल इट्स बोट द राइट ओपर दब्लीगेश लाइबिलिटीज ऑफ द पी क्यू आर मतलब दोनों का उसके ऊपर अधिकार है सेपरेशन नहीं करता एज नीदर द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स नॉट द अदर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस इंडिकेट्स अदरवाइज इट इज conclude the arrangement is a joint operation and not a joint venture while ab limited and bc limited establish a joint arrangement through a separate vehicle but the legal form of the separate vehicle does not con consider separation between the parties and the separate vehicle itself does not सेपरेशन बिटवीन द पार्टीज एंड दट ठीक है उसको एक मानता है थर्स बोथ द पार्टीज हैव द राइट टू द एसिड्स एंड ऑब्लीगेशन फॉर द लाइब्रिटीज ऑफ द फील्ड मतलब इसका कहने का मतलब बोथ द पार्टीज हम लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे थे कि एसेट्स का उनके अपना अपना अधिकार रहेगा सबका अपना अपना अलग एसेट अलग अलग लाइब्रिटीज का अधिकार रहेगा तो उसके हिसाब से जॉइंट ऑपरेशन है ना कि जॉइंट वेंचर

Linder का जो भी है डेट ओन बाई सेम क्वेश्चन जैसा ओ टू एक्स वाई जेड कितना है टू फोर्टी ये भी ए बी लिमिटेड में चला जाएगा ए बी अदर एसेट्स जो बाकी एसेट्स हैं उसका फिफ्टी फिफ्टी परसेंट जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन पे था तो ये कैश का ट्वेंटी हो जाएगा बिल्डिंग टू का इसका भी फिफ्टी परसेंट हो जाएगा जो कि होगा आपका वन ट्वेंटी और इम्प्लॉय बेनिफिट प्लान ऑब्लिगेशंस अगर लिया जाए लाइबिलिटीज़ टू इक्विटीज़ और फिर वो फिफ्टी आ जाएगा सो बेसिकली बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज जैसे हमने बाँटा था वैसे बढ़ जाएगा ठीक है यहाँ पे फिफ्टी कर देते हैं ये हो गया ये हो गया ये इक्विटी है वो तो कैपिटल लगा हुआ है कैश बिल्डिंग और इनको बांट दिया ए लिमिटेड में आ गया हाउ डे बी लिमिटेड तो सेम क्वेश्चन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था तो बांटना ही बस और कुछ नहीं नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन एंड दैट इज दिस बेसिकली ये हमारी थ्योरी की लास्ट क्वेश्चन हाउ डू यू फील लाइक हंड्रेड एंड सिक्स क्वेश्चन हमने कर लिया सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में मजा आ गया ना चलिए देखते हैं एंटिटी एक्स इज ओन बाई थ्री इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओके एक एंटिटी है जो तीन लोग मिल के ओन करते हैं ए बी सी फोर्टी फोर्टी ट्वेंटी रिस्पेक्टिवली कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन ए एंड बी मतलब फोर्टी फोर्टी गिव्स एम ज्वाइंट कंट्रोल अच्छा over the relevant activities it is determined that entity x is a entity x is a joint operation not a joint venture it determined ho get theek hai. c limited is not a party to the arra uh, arrangement between a e limited and b limited however like a e limited and b limited c limited also has right to the assets obligations for the liabilities okay रिलेटेड टू द द्वाइंट ऑपरेशन इन द प्रोपोशन ऑफ इट्स इक्विटी इंटरेस्ट इन एंटी अपने हिसाब से उसके पास भी ज्वाइंट uh, ऑपरेशन है तो सबका अपना assets अपना एसेट्स होगा अपना अपना लाइबिलिटी तो उसके हिसाब से उसकी एसेट्स और लाइब्रिटीज और सी लिमिटेड का भी वैसा अपना अपना है तो उसका भी ट्वेंटी परसेंट भाग है उसके एसेट्स और में वुड द मैनर ऑफ अकाउंटिंग टू बी फॉलोड बाई ए B लिमिटेड ऑन दी वन हैंड एंड दी लिमिटेड ऑन द अदर हैंड विस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट मतलब जैसा ई एन बी फॉलो करेंगे जो मिल के ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहा है और उसके पास सी भी है तो क्या उनका अलग होगा कि तो सवाल ये है कि आप जब एक कंपनी में शेयर होल्डर हो आपके पास ज्वाइंट कंट्रोल नहीं है मतलब आप ज्वाइंट कंट्रोल के पार्ट नहीं हो फिर ज्वाइंट अरेंजमेंट के पार्ट नहीं हो बेसिकली जॉइंट वेंचर भी हो सकता है जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है आप इसके पार्ट नहीं हो फिर भी आप उसके शेयर होल्डर्स हो तो आपकी अकाउंटिंग क्या हो, क्या होगी सेम होगी या अलग होगी तो पहली चीज जो ये जॉइंट ऑपरेटर्स हैं वो अपने सेपरेट एसेट्स सेपरेट लैब्रिटी जॉइंट ऑपरेशन है तो वो जैसे ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉट अ जॉइंट वेंचर तो अपने अपने सेपरेट एसेट सेपरेट लाइब्रेटरी सेपरेट इनकम सेपरेट एक्सपेंसेस अपने रिकॉर्ड करेंगे जैसा हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन में किया भी और ये इंडेस हमारा बोलता है ठीक है पैराग्राफ ट्वेंटी थ्री अगर आप टू वी स्पेसिफिक रहेंगे तो और जो अदर पार्टी है उसके पास अगर हैज़ राइट टू दी एसेट्स एंड लैबिटीज फॉर दी तो वो भी वैसे ही अपनी एसेट्स और लैबिटीज़ को इनकम एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेगी जैसा ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे होगा कि ये सेम होगा और अगर इनके पास राइट right नहीं रहता तो क्या करते ये इंडेस फॉलो करते जो भी इनके यहाँ इंडेस एप्लीकेबल होता ठीक है तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि ये इसके पास राइट right है सी लिमिटेड के पास सो so बेसिकली जैसे वो लोग रिकॉर्ड करेंगे ये भी अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि सी एफ एस तो बनेगा नहीं क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन है ठीक है सो दैट्स इट फ्रॉम द द्वार ऑपरेशन ज्वाइंट वेंचर ज्वाइंट अरेंजमेंट टोटल नाइनटीन क्वेश्चन किए हमने इसके ऊपर और हमारे पास दो क्वेश्चन और है और वो अभी ओपन नहीं हो रहे तो बस ये रहा हमारा सफ़र वीडियो अगर लंबी हो रही हो या हो गई हो देखिए अब क्लोज़ भी हो गया तो मेरे को अभी ओपन करना होगा तो आई थिंक वीडियो चार पाँच घंटे की तो बनी गई होगी एटलीस्ट और दो एग्जिमशन हैं अगर आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर अपलोड कर दिया जाएगा दो एग्जिम्शन है उससे कुछ आई I मीन mean, फिर भी अच्छे क्वेश्चन से एग्जिमशन्स आपको करने चाहिए वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे और इसका अगर समरी बताया जाए कि हमने थ्योरी में क्या क्या पढ़ा अभी तक तो थ्योरी में हमने जो कवर किया अभी तक वो आपका सी एफ एस थ्योरी में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ कंट्रोल है। हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ कंट्रोल इसमें हमने क्या पढ़ा कि आपका तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए पहला है पावर ओवर इन्वेस्टी आपका होना चाहिए उसका मतलब क्या होता है राइट टू डायरेक्ट रेलिवेंट एक्टिविटीज एज ऑन टूडे रेलिवेंट एक्टिविटीज सेल्स पर बेसिकली जिससे आपका रिटर्न इंपैक्ट हो रहा है राइट टू डायरेक्ट आपको कैसे मिल सकता है आपके पास मेजोरिटी वोटिंग राइट हो आपके पास फ्यूचर में आने वाले राइट right हो तो उसको पोटेंशियल वोटिंग राइट बोलते हैं आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट right हो तो हो सकता है आपके पास माइनॉरिटी वोटिंग राइट हो तो भी हो सकता है बाकी वाले वाइड स्प्रेड हों कलेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप बना के कोई वो आई मीन वोटिंग नहीं करते हैं ठीक है सो so, ये जो भ्रम है कि 50 परसेंट से ऊपर रहेगा तभी कंट्रोल होगा तो वो गलत है दूसरी कंडीशंस कंट्रोल में फुलफिल करनी पड़ेगी कि आप एक्सपोज हो एक्सपोज हो या फिर आपके पास राइट right है एक्सपोज टू और राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स ठीक है यहाँ पे बेसिकली कैपिटल की बात हो रही है लिक्विडिटी की बात हो रही है रिटर्नस की बात हो रही है कैपिटल एटलीस्ट आपका ट्वेंटी परसेंट लगा हुआ है तो माना जाएगा कि आप एक्सपोज हो लिक्विडिटी सपोर्ट देते हो कि अगर पैसे की कमी आई और रिटर्न से आपको इम्पैक्ट पड़ रहा है तो माना जाएगा कि आप एक्सपोज हो वेरिएबल रिटर्न से थर्ड है आपके पास सिर्फ पावर नहीं रहनी चाहिए उस पावर को यूज़ भी आप कर सकते हो तो बेसिकली यू शुड बी प्रिंसिपल ट एन एजेंट ठीक है तो ये इसकी समरी रही हमने जो पढ़ा मीनिंग ऑफ कंट्रोल फिर हमने पढ़ा एसोसिएट्स एसोसिएट Associate की मीनिंग पढ़ी एसोसिएट की मीनिंग में आपका क्या रहना जरूरी है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहना जरूरी है और ये कैसे भी आ सकता है इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि ट्वेंटी परसेंट रहेगा तभी मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि पावर टू पार्टिसिपेट पावर टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंस ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग्स आपके पास सिर्फ एक बोर्ड मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सीट है तो भी आपके पास पावर है पार्टिसिपेट करने का भले ही आपके पास टेन परसेंट वोटिंग परसेंट राइट right तो वो आपका एसोसिएट माना जाएगा ठीक है एसोसिएट के बाद हमने पढ़ा जो बड़ा टॉपिक था हमारा अरेंजमेंट अरेंजमेंट सो क्या होता है ये बेसिकली इट इज एन अरेंजमेंट सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं हम लोग रिवीजन जरूरी है ज्वाइंट अरेंजमेंट इज एन अरेंजमेंट क्या है ये एक अरेंजमेंट है टू और मो पार्टीज के बीच में विच रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड ये कॉन्ट्रैक्ट में रिटेन भी हो सकता है रिक्वायरमेंट ओरल भी हो सकता है और स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है बेसिकली इम्प्लिसिड हो सकता है क्या ये रिक्वायर करता है जरूरत पड़ती है इसकी ज्वाइंट कंट्रोल की जॉइंट कंट्रोल मतलब शेयरिंग ज्वाइंट कंट्रोल मतलब होता है शेयरिंग ऑफ कंट्रोल शेयरिंग ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आपका यूनानिमस कंसेंट होना चाहिए तो ज्वाइंट अरेंजमेंट तो अगर हमें चेक करना है तो हम लोग बोलते हैं थ्री सी चेकिंग कर लो पहली चीज तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एक अरेंजमेंट होना चाहिए और ये अरेंजमेंट रिटेन भी हो सकता है ओरल भी हो सकता है और आपकी मजबूरी भी हो सकती है इम्प्लीसिड स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रह सकता है कि आप ऐसे ही काम करोगे तो आपको करना पड़ेगा जैसे हमने बोला है आपने तो ठीक ही है आपके पास फिफ्टी फिफ्टी परसेंट शेयर्स है तो आपके पास क्या ऑप्शन है रद के साथ में काम करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी इम्प्लीसिड कॉन्सेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी वैसे ही काम चल रहा है फिर कंसेंट होना चाहिए कंसेंट भी वही सेम एज़ इट इज़ रिटेन भी हो ओरल भी हो कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लीसिड भी हो फिफ्टी फिफ्टी शेयर है तो आपको यूनानिमस कंसेंट बनाना ही पड़ेगा यूनानिमस कंसेंट का मतलब किसी भी बात पे एक मत होना ठीक है और कंट्रोल आ ही जाएगा तब जब आपका रहेगा कंट्रोल बेसिकली मोर देन कंट्रोल का मतलब वही है मोर देन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो भी कंट्रोल हमने मीनिंग ऑफ कंट्रोल पढ़ा कि आप एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न रहो आपके पास मेजोरिटी वोटिंग राइट रहे या फिर पोटेंशियल वोटिंग राइट रहे कंट्रैक्चुअल राइट right रहे या फिर आपके पास माइनॉरिटी वोटिंग राइट रहे उसमें कुछ कंडीशन है कि वाइड स्प्रेड हो बाकी वाले कलेक्टिवली वोट ना करते हों लेसर पार्टिसिपेशन उनका होता हो तो वो सारे फैक्टर्स तो ये थ्री सी आप चेक करिए बस अब फिर हमने पढ़ा ज्वाइंट अरेंजमेंट की क्लासिफिकेशन तो ये दो टाइप के होते हैं ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट ऑपरेशन ज्वाइंट वेंचर जनरली स्ट्रक्चर्ड होते हैं स्ट्रक्चर्ड एंटिटी मतलब कोई कंपनी बनाए इन्होंने उसके हिसाब से ही काम करते हैं और उनकी सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है इनकी सी एफ एस और एस एफ एस दोनों बनती है सी एफ एस एस एफ एस दोनों बनती है ए सी एफ एस बनता है इंडेस ट्वेंटी सेवन के हिसाब से और ये इंडेस ट्वेंटी एट और इक्विटी मैथड यहाँ पे फॉलो होती है ये एक मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर सी एफ एस बनता है जॉइंट ऑपरेशन में अनस्ट्रक्चर्ड होता है जनरली लेकिन अगर स्ट्रक्चर्ड है तो उनके एसेट्स और लैबिलिटीज़ अलग अलग सेपरेट रहते हैं फिर अगर स्ट्रक्चर्ड है तो उनके जो आउटपुट निकलते हैं सर्विसेज गुड्स वो अलग अलग रहते हैं ठीक है और इनका एस एफ एस बनता है सी एफ एस नहीं बनता और इनकी इनकी एसेट्स अलग रिकॉर्ड होंगी इनकी लाइब्रिटीज़ अलग इनकी इनकम अलग अलग जबकि इसका एक साथ रिकॉर्ड होगा बाद में कंसोलिडेट कर दिया जाएगा ठीक है सो दिस इज वॉट वी हैव स्टडीड और कितने कितने क्वेश्चन किए हमने टोटल मैं आपको बता दूँ एक बार कि थ्योरी में हमने किया कि अगर अभी तक अगर आपको याद नहीं तो मीनिंग ऑफ कंट्रोल पे हमने 20 क्वेश्चन किया ये और एसोशिएट uh, पे हमने ऑलमोस्ट आई मीन कम क्वेश्चन थे जॉइंट अरेंजमेंट पे हमने 19 क्वेश्चन किए सो टोटल वी रीड फोर्टी क्वेश्चन इन आवर लेक्चर आई होप टू सी यू शून एंड प्लीज़ प्लीज़ शेयर द वीडियो योर फ्रेंड एंड फैमिली फैमिली ने फ्रेंड के साथ ब्लॉग नहीं कि फैमिली के साथ शेयर करोगे फैमिली मेम्बर्स अगर कोई कर रहा है तो भाई बंधु तो उनको आप शेयर कर सकते हैं और कुछ बोलना नहीं है एक ये है कि आप प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन इफ़ यू वांट आई मीन इफ यू लाइक इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऐसे कंटेंट हम हमेशा और लाते रहेंगे और हमारा विज़न क्या है टू हेल्प एवरी वन क्लियर सी एग्ज़ाम्स बाई प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री यू कैन बी पार्ट ऑफ हाउ विज़न जस्ट बाई क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन दैट्स इट तो चलते चलते कुछ सुनाते हैं आपको फिर निकलते हैं ठीक है ओके okay. चलिए थोड़ा सा सुन लीजिए ऐसा भी चलता है कभी कभी चलिए तहजीब हाफी की एक गजल है या फिर शायरी है आप मत समझिए सुन लीजिए बस कि तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो मतलब बहुत गुरूर है तुमको तुम्हारे हुस्न पे तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आँखों के बारे में क्या जानते हो तुम्हें हुस्न पे दस्तरस है मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आँखों के बारे में क्या जानते हो अगर आपको और कुछ सुनना है तो आप सुन सकते हैं कि समझ समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो अभी काँचूँ बहुत अच्छा लाइन है सुनाया भी है कि अभी काँचूँ इसलिए चुभ रहा हूँ इसी के साथ एंड करेंगे कि अभी काँचूँ इसलिए चुभ रहा हूँ आपके पड़ोसियों को आप चुभ रहे होंगे कि क्या कर रहा है कब तक करेगा क्या नहीं हो रहा है इसका पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है बहुत चुभ रहे हो आप अभी कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ जिस दिन आईना बनूँगा दुनिया देखेगी ठीक है खुदाफिज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया प्लीज़ प्लीज़ डो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वी विल सो यू सो नहीं वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय